हेलो गाइस वेलकम टू माय चैनल तो आज की वीडियो में हम जिस फिल्म के ऊपर बातचीत करने वाले हैं उसका नाम है ज़रा हटके ज़रा बज के जहाँ पे इस फिल्म का इंग्लिश ट्रांसलेशन करें तो होता है मूव असाइड एंड बी वेयर जहाँ पर ये एक 2023 की हिंदी लैंग्वेज फिल्म है तो इस फिल्म का हिंदी वर्जन है दूसरे सभी जो वर्जन है वो कैसे कहाँ पर आपको ऑफिशियली देखने को मिलेंगे उसके ऊपर बातचीत करने वाले इसके अलावा इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन फिल्मिंग के ऊपर एक डिटेलिंग मिलने वाली है फिल्म का एक डिटेल रिव्यू किया जाएगा जहाँ पे मैं इस फिल्म की कहानी के ऊपर एक चर्चा एक्सप्लेनेशन एनालिसिस करके देने वाला हूँ फिल्म के स्टार कास्ट सपोर्टिंग कास्ट के परफॉर्मेंसिस के बारे में बातचीत करेंगे म्यूजिक डिपार्टमेंट टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर भी जानकारी मिलने वाली है तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं जरा हट के जरा बच के ये एक 2023 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है इस फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया हुआ है लक्ष्मण उत्यकर ने स्टोरी आइडिया उनका था स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले था वो मैत्री बाजपाई और रमीज इलाज खान ने किया हुआ है डायलॉग्स भी उन्होंने ही लिखे हुए दिनेश विजान और ज्योति देश पांडे के द्वारा इस फिल्म को करीबन चालीस करोड़ के बजट में मेडॉक फिल्म और जियो स्टूडियोज प्रोडक्शन कंपनी के नीचे बनाया हुआ था पेन मरुदकर सिने एंटरटेनमेंट के द्वारा इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था जिन्होंने इस फिल्म को एक अच्छी खासी रिलीज़ दिलवाई थी सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म को यू सर्टिफिकेट मिला हुआ था लीड कास्ट में आपको विकी कौसलसारा अली खान देखने को मिलेंगे सिनेमेटोग्राफी राघव रामडोस ने की हुई है एडिटिंग इस फिल्म की मनीष प्रधान ने की हुई है जिन्होंने 132 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म दो घंटे 12 मिनट लंबी देखने को मिलेगी इसके अलावा इस फिल्म के दूसरे स्पेक्ट के ऊपर बातचीत करें तो म्यूज़िक डिपार्टमेंट में बैकग्राउंड को संदीप सिरो ने किया हुआ है सॉन्ग्स और सचिन जिगर ने कंपोज किए हुए इसके अलावा इस फिल्म के म्यूज़िक के राइट्स और सारे का मवालों ने खरीदे हुए कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो विक्की कौशल लीड रोल में देखने को मिलते जिन्होंने कपिल दुबे का रोल प्ले किया हुआ है उनके अपोजिट सारा अली खान को कास्ट किया हुआ है जिन्होंने सोमिया चावला दुबे का रोल प्ले किया हुआ है इनाम हक इस फिल्म में बंदा बनदास दास सहाय का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे सुष्मिता मुखर्जी ने रोशनी चावला का रोल प्ले किया हुआ है नीरज सूद ने इस फिल्म में पुरुषोत्तम मामा का रोल प्ले किया हुआ है राकेश बेदी ने हरचरण चावला का रोल प्ले किया हुआ है सारिभ हासमी को इस फिल्म में दरोगा रघुवंशी का रोल मिला हुआ आक, है आकाश खुराना ने इस फिल्म में वेद प्रकाश दुबे का रोल प्ले किया हुआ है कानुप्रिया पंडित इस फिल्म में दीपा मामी का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे अनुपमा फतेहपुरा इस फिल्म में आपको ममता बुदुबे का रोल प्ले करते हुए नजर आएगी हिमांशु कोहली ने इस फिल्म में मनोज बाग बघेल का रोल प्ले किया हुआ है सृष्टि गांगुली रिंदानी ने इस फिल्म में मेहजा बिन का रोल प्ले किया हुआ है विवान शाह ने इस फिल्म में सज्जन का रोल प्ले किया हुआ है डिम्पी मिश्रा या ने इस फिल्म में डिम्पी सर का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा अतुल तिवारी जज का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे तो ये फिल्म के लीड प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले किए हुए इस फिल्म को कब बनाया गया था कैसे क्या शूट किया गया था तो उसके ऊपर कुछ खास जानकारी नहीं मिली थी वैसे कुछ रूमर्स आई थी कि लुका चुपी का सेकंड पार्ट आने वाला है लेकिन लेटर ऑन जब इस फिल्म को अनाउंस किया गया तब पता चला कि इस फिल्म को अलग टाइटल दिया हुआ है जहाँ पर कोई सेकंड पार्ट नहीं है इस फिल्म का टाइटल ज़रा हट के ज़रा बच के दिया हुआ है शूटिंग कम्प्लीट करने के बाद इस फिल्म के टीज़र ट्रेलर को भी रिलीज किया गया था जिसको एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला था म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सचिन जिगर के द्वारा बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स कंपोज किए गए लिरिक्स से वो अमिताभ भट्टाचार्य ने लिखे हुए हैं जहाँ पे इस फिल्म के गानों को दो में रिकॉर्ड किया गया था टोटल चार ट्रैक थे जिसके लेंथ थे पंद्रह मिनट पच्चीस सेकंड ट्रैक लिस्टिंग करें पहला गाना फिर और क्या चाहिए इस गाने को फर्स्ट सिंगल के तौर पे सारे गमा के द्वारा 16 मई 2023 को रिलीज किया था जिसको अरिजीत सिंह ने गाया हुआ था तेरे वास्ते गाने को 22 मई 2023 को सेकंड सिंगल के तौर पे सारे गा म्यूज़िक के द्वारा रिलीज़ किया गया था जिसको वरुण जैन सचिन जीगर सदाफ फरीदी वाल तमाश फरीदी ने गाया हुआ था बेबी तुझे पाप लगेगा गाने को थर्ड सिंगल के तौर पे 25 मई 2023 को ऑफिशियली रिलीज़ किया था जिसको हिमेश रे ने और सचिन जिगर ने गाया हुआ था वैसे वो गाना आ, का, का, काफ़ी अच्छा चला था वहीं पर संजा सांझा करके जो गाना था उसको फोर्थ सिंगल के तौर पर उनतीस मई दो को सचित टंडन और शिल्पा राव सचिन जिगर के साथ गवाते हुए रिलीज़ करवाया हुआ था तो इन सभी गानों को 2 जून 2023 तक पूरे एल्बम को रिलीज़ करवाया था वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में सारे गमा के द्वारा थे ये सभी गाने वहाँ पे उनके यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में सुनने को मिल जाएंगे ये सभी गाने बॉक्स ऑफिस पे सॉरी ये सभी गाने काफ़ी चार्ट बस्टर हुए थे सभी गाने वर्क किए थे जिसके चलते फिल्म की इनिशियली जो बज नहीं थी वो आस आसानी से क्रिएट हो चुकी थी बाद में वर्ड ऑफ माउथ के चलते फिल्म काफ़ी बढ़िया तरीके से वर्क कर गई थी इस फिल्म की कहानी थी वो एक मिडिल क्लास फैमिली के ऊपर थी एक मिडिल क्लास हैप्पी फी मेरिड कपल था उसके ऊपर कहानी थी इन दो से इस कहानी को बेस किया हुआ था जहाँ पे एक गवर्नमेंट के प्रोग्राम के थ्रू इस एक अपना खुद का मकान लेना चाहते थे जिसके चलते वो एक डिवोर्स करना चाहते थे इन सभी चीज़ों के झमेलों में इस फिल्म की कहानी को बनाया हुआ है जहाँ पर एक अच्छा खासा फ़न का तड़का लगाया हुआ है साथ ही में एक सोशल मैसेज भी डिलीवर किया हुआ है क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से जो वर्ड ऑफ माउथ था वो काफ़ी अच्छा था जहाँ पे सारा अली खान विकी कौशल का काफ़ी का बढ़िया परफॉर्मेंस सराहा गया था दोनों की एक्टिंग की काफ़ी सराहना की गई थी स्टोरी लाइन फिल्म के लोगों को पसंद आई थी म्यूजिक डिपार्टमेंट में लिरिशीज थे गाने थे वो सभी चीज़ें फिल्म के लिए काफ़ी बढ़िया तरीके से वर्क कर जाती है सिनेमेटोग्राफी काफ़ी बढ़िया थी स्मॉल टाउन कपल की जो लाइफ थी उसको जिस तरह से दिखाया हुआ था वो काफ़ी बढ़िया नजर आता है डिरेक्टर लक्ष्मण उतेकर के द्वारा एक अच्छी फिल्म बनाई गई ओवरऑल एक डिसेंट फिल्म थी जो काफ़ी बढ़िया तरीके से लोगों को पसंद आएगी हिट करेगी कॉमेडी चीज़ अच्छे थे बैकग्राउंड स्कोर अच्छा था फिल्म का एडिटिंग फिल्म की काफ़ी क्रिस्प की गई थी करीबन दो घंटे के आसपास के रन टाइम के साथ इस फिल्म को बनाया हुआ था सिनेमाटोग्राफर ने बेस्ट पॉसिबल वे में सभी चीज़ों को कवर करके दिखाया हुआ था लीड कास्ट के अलावा जो सपोर्टिंग एक्टर्स थे उनकी भी काफ़ी शानदार परफॉर्मेंसिस देखने को मिलती है ओवरऑल प्रोडक्शन वाली भी फिल्म की काफ़ी बढ़िया नज़र आती है तो टेक्निकली भी वेल well मेड बनी हुई फिल्म थी कहानी भी अच्छी थी और अच्छी परफॉर्मेंसेज भी देखने को मिली थी थिएट्रिकली इस फिल्म को दो जून दो को रिलीज किया था जब फिल्म को थिएट्रिकली रिलीज़ किया गया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से इस फिल्म ने एक अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स हासिल किया जिसके चलते चौदह हजार वोट इस फिल्म को आईमडीवी पे अभी तक मिले हुए जिसमें छः पॉइंट चार की रेटिंग हासिल हुई है दस में से इस फिल्म ने अपने पहले दिन करीबन करीबन पाँच करोड़ उन लाख का नेट कलेक्शन इंडिया से किया हुआ था सैटरडे के दिन उसमें करीबन थर्टी परसेंट से ज़्यादा का ग्रोथ देखने को मिला वर्ड ऑफ माउथ पॉजिटिव आया उसके चलते इस फिल्म ने सात करोड़ बीस लाख का कलेक्शन किया संडे के दिन और कुछ चालीस जितना ग्रोथ देखने को मिला सैटरडे के मुकाबले जिसके चलते नौ करोड़ नब्बे लाख का इस फिल्म ने नेट कलेक्शन इंडिया से किया जिसके चलते अपना पहला वीकेंड इंडिया में बाईस करोड़ उनसाठ लाख का नेट कलेक्शन निकाला हुआ था उसके बाद में वीकडेज में भी इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से होल्ड दिखाया मंडे के दिन चार करोड़ लाख का कलेक्शन किया ट्यूसडे के दिन तीन करोड़ सतासी लाख का कलेक्शन किया वेनस्डे के दिन तीन करोड़ इक्यावन लाख और थर्सडे के दिन तीन करोड़ चौबीस लाख का कलेक्शन करते हुए पहला वीक था इस फिल्म का करीबन करीबन सर सैंतीस करोड़ पैंतीस लाख का निकल के आया हुआ था उसके बाद में सेकंड वीकेंड में इस फिल्म ने फ्राइडे के दिन तीन करोड़ बयालीस लाख का सैटरडे के दिन पाँच करोड़ छिहत्तर लाख का और संडे के दिन सात करोड़ दो लाख का कलेक्शन करते हुए सेकंड वीकेंड सोलह करोड़ बीस लाख का निकाला हुआ था उसके बाद में वीकडेज़ के ऊपर इस फिल्म ने मंडे के दिन सात दो करोड़ सत्तर लाख का सेकंड ट्यूजडे के ऊपर दो करोड़ बावन लाख का सेकंड वेनजे के ऊपर दो करोड़ पच्चीस लाख और सेकंड थर्टी के ऊपर एक करोड़ अट्ठानवे लाख का कलेक्शन करते हुए सेकंड वीक पच्चीस करोड़ पैंसठ लाख का निकाला हुआ था तो टोटल दो वीक का कलेक्शन इस फिल्म का इंडिया से करीबन तिरसठ करोड़ का निकल के आया हुआ था थर्ड वीक में भी इस फिल्म ने एक डिसेंट अमाउंट ऑफ कलेक्शन किया था जहाँ पे फ्राइडे के दिन इस फिल्म ने एक करोड़ आठ लाख का कलेक्शन किया सैटरडे के दिन एक करोड़ उन्सी लाख का संडे के दिन दो करोड़ चौंतीस लाख का कलेक्शन करते हुए इस फिल्म ने थर्ड वीकेंड पाँच करोड़ इकतीस लाख का निकाला हुआ था उसके सामने इस फिल्म ने मंडे के दिन वीकडेज़ में एक करोड़ आठ लाख का ट्यूजडे के दिन नाइन्टी नाइन लाख का वेनस्डे के दिन एक करोड़ आठ लाख और थर्सडे के दिन एक करोड़ आठ लाख का कलेक्शन करते हुए थर्ड वीकेंड नौ करोड़ चौवन लाख का निकाला हुआ था जिसके चलते इस फिल्म ने तीन वीक के अंदर बहत्तर करोड़ चौवन लाख का इंडिया से नेट कलेक्शन करके दिखाया हुआ था उसके बाद में इस फिल्म ने चौथे फ्राइडे के ऊपर एक करोड़ पैंतीस लाख का कलेक्शन किया चौथे सैटरडे के ऊपर दो करोड़ पच्चीस लाख का कलेक्शन किया और संडे के ऊपर दो करोड़ अट्ठासी लाख का कलेक्शन करते हुए चौथा वीकेंड था और तीसरे वीकेंड से बेहतर निकला जहाँ पे तीसरा वीकेंड पाँच करोड़ इकतीस लाख का था चौथा वीकेंड छः करोड़ अड़तालीस लाख का निकल के आया था उसके बाद में वीक डेज में भी इस फिल्म ने बेहतर परफॉर्मेंस दिखाई मंडे के दिन नाइन्टी लाख का कलेक्शन ट्यूजडे के दिन नाइन्टी लाख का कलेक्शन और थर्सडे के दिन इस फिल्म ने सेवेंटी लाख का कलेक्शन किया जिसके चलते इस फिल्म ने टोटल अट्ठाईस दिनों के अंदर यानी कि चार वीक के अंदर बयासी लाख और सॉरी बयासी करोड़ तिरपन लाख का कलेक्शन निकाला हुआ था उसके बाद में फिल्म ने अपने पा, पाँचवें वीकेंड में दो करोड़ तेरह लाख का कलेक्शन किया था और पूरे पाँचवें वीक में तीन करोड़ अड़तीस लाख का कलेक्शन किया था पाँच वीक के अंदर इस फिल्म ने करीबन करीबन बॉक्स ऑफिस पर पिचासी करोड़ इक्यानवे लाख का कलेक्शन इंडिया से निकाला हुआ था उसके बाद में इस फिल्म ने अपने छठे वीकेंड के ऊपर एक करोड़ बीस लाख का कलेक्शन किया जहाँ पे पूरा छठा वीक एक करोड़ चौवन लाख का था सातवें वीक में इस फिल्म ने पचपन लाख का कलेक्शन किया जिसके चलते ये फिल्म ने टोटल सात वीक के अंदर बॉक्स ऑफिस पे अट्ठासी करोड़ का नेट कलेक्शन इंडिया से निकाला हुआ था जिसका ग्रोस करे तो होता है एक सौ चार करोड़ छिहत्तर लाख तो इंडिया का जो लाइफ टाइम ग्रोस कलेक्शन था फिल्म का वो करीबन एक सौ पाँच करोड़ के आसपास का निकल के आया और सिर से इस फिल्म ने करीबन ग्यारह करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया जिसके चलते एक करोड़ से ज्यादा का इस फिल्म ने ग्रोस कलेक्शन किया बॉक्स ऑफिस पे तो चालीस करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने एक से बीस करोड़ का ग्रोस कलेक्शन करते हुए बॉक्स ऑफिस पे एक सक्सेसफुल का टेक मार्क हासिल किया वैसे इस फिल्म को थिएटर ली जैसे मैंने कहा कि 2 जून 2023 को रिलीज किया था नाव डेज जिस तरह से फिल्में रिलीज हो रही है तो करीबन वन और टू मंथ्स के अंदर ओ टी टी पे प्रीमियर करवा दी जा सक जाती है लेकिन इस फिल्म को काफ़ी वेट करवाया था ऑलमोस्ट खरीब करीबन करीबन थिएट्रिकल रिलीज के 11-12 महीने के बाद इस फिल्म को प्रीमियर करवाया गया जियो सिनेमा के द्वारा 17 मई 2024 को उनके ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर जहां पे उन्होंने इस फिल्म को काफ़ी सारी लैंग्वेजेज में डब करके रिलीज किया हुआ है हिंदी मेन लैंग्वेज तो शामिल ही था इसके अलावा तमिल कन्नडा तेलुगु मलयालम बंगाली मराठी और भोजपुरी तो इन सभी वर्ज़न में डब करके साथ ही में रिलीज़ किया हुआ है तो ये सभी वर्ज़न ऑफिशियली वहाँ पर अवेलेबल किए हुए हैं एक साथ में तो टोटल टो इस इस फिल्म को आठ वर्जन में अवेलेबल किया हुआ है जियो सिनेमा के द्वारा तो फिलहाल में ज़रा हट के ज़रा बच की फिल्म ऑफिशियली अगर आपको ऑफिशियली देखनी है तो ओ टी टी प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन हिंदी तमिल कन्नडा तेलगू मलयालम बंगाली मराठी और भोजपुरी वर्जन में देख सकते हो इस फिल्म का जो हिंदी सैटेलाइट वर्जन है वो आपको देखने को मिल जाएगा कलर सिनेप्लेक्स टेलीविज़न चैनल के ऊपर ज़रा जरा बच हट के ज़रा बच के आ, हिंदी वर्जन में बिल्कुल फ्री में वहाँ पे प्रीमियर होता हुआ नज़र आएगा तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि ज़रा हट के ज़रा बच के फिल्म फ़िलहाल में अगर आपको ऑफिशियली ओटीटी पे देखनी है तो जियो सिनेमा ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर हिंदी तमिल कन्नडा तेलुगु मलयालम बंगाली मराठी भोजपुरी इन सभी वर्जन में आप देख सकते हो विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन वहीं पर इस फिल्म का हिंदी सेटेलाइट वर्जन आपको बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा कलर सिनेफ्लेक्स टेलीविज़न चैनल के ऊपर तो वहाँ पे फिल्म हिंदी वर्धान में सेटेलाइट पे भी देख सकते हो तो इस तरह से ज़रा हट के ज़रा बच के फिल्म आप ओ टी टी सैटेलाइट दोनों प्लेटफॉर्म के ऊपर देख सकते हो जरा हट के ज़रा बच के ये एक दो की इंडियन हिंदी लैंग्वेज रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है इस फिल्म को लिखा और डिरेक्ट किया हुआ है लक्ष्मण उत्यका स्टोरी आइडिया उनका था स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले था वो बाजपाई और रमीज़ इलाज खान ने किया हुआ है डायलॉग्स भी उन्होंने ही लिखे हुए दिनेश विजान और ज्योति देश पांडे के द्वारा इस फिल्म को करीबन चालीस करोड़ के बजट में मेडॉक फिल्म और जियो स्टूडियोज प्रोडक्शन कंपनी के नीचे बनाया हुआ था पेन मरुत् एंटरटेनमेंट के द्वारा इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था जिन्होंने इस फिल्म को एक अच्छी खासी रिलीज दिलवाई थी सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म को यू सर्टिफिकेट मिला हुआ था लीड कास्ट में आपको विकी कौसलसारा अली खान देखने को मिलेंगे सिनेमाटोग्राफी राघव रामडोस ने की हुई है एडिटिंग इस फिल्म के मनीष प्रधान ने की हुई है जिन्होंने 132 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म दो घंटे 12 मिनट लंबी देखने को मिलेगी इसके अलावा इस फिल्म के दूसरे स्पेक्ट के ऊपर बातचीत करें तो म्यूजिक डिपार्टमेंट में बैकग्राउंड स्कोर और संदीप सिरोतकर ने किया हुआ है सॉन्ग्स और सचिन जिगर ने कम्पोज किए हुए हैं इसके अलावा इस फिल्म के म्यूज़िक के राइट्स और सारे गाँव वालों ने खरीदे हुए कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो विक्की को लीड रोल में देखने को मिलते जिन्होंने कपिल दुबे का रोल प्ले किया हुआ है उनके अपोजिट सारा अली खान को कास्ट किया हुआ है जिन्होंने सोमिया चावला दुबे का रोल प्ले किया हुआ है इनाम उल हक इस फिल्म में बंदा बेनदास ईश्वर दास सहाय का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे सुष्मिता मुखर्जी ने रोशनी चावला का रोल प्ले किया हुआ है नीरज सूद ने इस फिल्म में पुरुषोत्तम मामा मा का रोल प्ले किया हुआ है राकेश बेदी ने हरचरण चावला का रोल प्ले किया हुआ सारिफ हाशमी को इस फिल्म में दरोगा रघुवंशी का रोल मिला हुआ है आकाश खुराना ने इस फिल्म में वेद प्रकाश दुबे का रोल प्ले किया हुआ है कानुप्रिया पंडित इस फिल्म में दीपा मामी का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे अनुपमा फतेहपुरा इस फिल्म में आपको ममता अब का रोल प्ले करते हुए नजर आएगी हिमांशु कोहली इस फिल्म में मनोज बाग बघेल का रोल प्ले किया हुआ है सृष्टि गांगुली रिंदानी ने इस फिल्म में मेहजा बिन का रोल प्ले किया हुआ है विवान शाह ने इस फिल्म में सज्जन का रोल प्ले किया हुआ है टिम्पी मिश्रा ने इस फिल्म में डिम्पी सर का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा अतुल तिवारी जज का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे तो ये फिल्म के लीड प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले किए हुए इस फिल्म को कब बनाया गया था कैसे क्या शूट किया गया था तो उसके ऊपर कुछ खास जानकारी नहीं मिली थी वैसे कुछ रूमर्स आई थी कि लुका चुपी का सेकंड पार्ट आने वाला है लेकिन लेटर जब इस फिल्म को अनाउंस किया गया तब पता चला कि इस फिल्म को अलग टाइटल दिया हुआ है जहाँ पर कोई सेकंड पार्ट नहीं है इस फिल्म का टाइटल ज़रा हट के ज़रा बच के दिया हुआ है शूटिंग कंप्लीट करने के बाद इस फिल्म के टीजर ट्रेलर को भी रिलीज किया गया था जिसको एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला था म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सचिन जिगर के द्वारा बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स कंपोज किए गए लिरिक्स से वो अमिताभ भट्टाचार्य ने लिखे हुए जहाँ पे इस फिल्म के गानों को दो में रिकॉर्ड किया गया था टोटल चार ट्रैक थे जिसके लेंथ थे पंद्रह मिनट पच्चीस सेकंड ट्रैक लिस्टिंग करे पहला गाना फिर और क्या चाहिए इस गाने को फर्स्ट सिंगल के तौर पे सारे गमा के द्वारा 16 मई 2023 को रिलीज किया था जिसको अरिजीत सिंह ने गाया हुआ था तेरे वास्ते गाने को 22 मई 2023 को सेकंड सिंगल के तौर पे सारे गमा म्यूजिक के द्वारा रिलीज़ किया गया था जिसको वरुण जैन सचिन जिगर जीगर फरीदी और तमाश फरीदी ने गाया हुआ था बेबी तुझे पाप लगेगा गाने को थर्ड सिंगल के तौर पर पच्चीस मई दो को ऑफिशियली रिलीज़ किया था जिसको हिमेश रेशमिया ने और सचिन जिगर ने गाया हुआ था वैसे वो गाना का, काफी अच्छा चला था वहीं पे संजय ंजा करके जो गाना था उसको फोर सिंगल के तौर पे 29 मई 2023 को संचा सचित पर टंडन और सिल्पा राव सचित जिगर के साथ गवाते हुए रिलीज़ करवाया हुआ था तो इन सभी गानों को 2 जून 2023 तक पूरे एल्बम को रिलीज़ करवाया था वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में सारे गमा के द्वारा ये सभी गाने वहाँ पर उनके यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में सुनने को मिल जाएंगे ये सभी गाने बॉक्स ऑफिस पे सॉरी ये सभी गाने काफ़ी चार्ट बस्टर हुए थे सभी गाने वर्क किए थे जिसके चलते फिल्म की इनिशियली जो बज नहीं थी वो आसानी से क्रिएट हो चुकी थी बाद में वर्ड ऑफ माउथ के चलते फिल्म काफ़ी बढ़िया तरीके से वर्क कर गई थी इस फिल्म की कहानी थी वो एक मिडिल क्लास फैमिली के ऊपर थी एक मिडिल क्लास हैप्पी मेरिड कपल था उसके ऊपर कहानी थी इन दो से इस कहानी को बेस किया हुआ था जहाँ पे एक गवर्नमेंट के प्रोग्राम के थ्रू इस एक अपना खुद का मकान लेना चाहते थे जिसके चलते वो एक डिवोर्स करना चाहते थे इन सभी चीज़ों के झमेलों में इस फिल्म की कहानी को बनाया हुआ है जहाँ पर एक अच्छा खासा फ़न का तड़का लगाया हुआ है साथ ही में एक सोशल मैसेज भी डिलीवर किया हुआ है क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से जो वर्ड ऑफ माउथ था वो काफ़ी अच्छा था जहाँ पे सारा अली खान विकी कौशल का, का काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस सराहा गया था दोनों की एक्टिंग की काफ़ी सराहना की गई थी स्टोरी लाइन फिल्म के लोगों को पसंद आई थी म्यूजिक डिपार्टमेंट में लिरीसिस थे गाने थे वो सभी चीज़ें फिल्म के लिए काफ़ी बढ़िया तरीके से वर्क कर जाती है सिनेमेटोग्राफी काफ़ी बढ़िया थी स्मॉल टाउन कपल की जो लाइफ थी उसको जिस तरह से दिखाया हुआ था वो काफ़ी बढ़िया नजर आता है डिरेक्टर लक्ष्मण उतेकर के द्वारा एक अच्छी फिल्म बनाई गई ओवरऑल एक डिसेंट फिल्म थी जो काफ़ी बढ़िया तरीके से लोगों को पसंद आएगी हिट करेगी कॉमेडी अच्छे थे बैकग्राउंड स्कोर अच्छा था फिल्म का एडिटिंग फिल्म की काफ़ी क्रिस्प की गई थी घंटे के आसपास के रन टाइम के साथ इस फिल्म को बनाया हुआ था ने बेस्ट पॉसिबल वे में सभी चीजों को कवर करके दिखाया हुआ था लीड कास्ट के अलावा जो सपोर्टिंग एक्टर्स थे उनकी भी काफ़ी शानदार देखने को मिलती है ओवरऑल प्रोडक्शन वेली भी फिल्म की काफी बढ़िया नजर आती है तो टेक्निकली भी वेल मेड बनी हुई फिल्म थी कहानी भी अच्छी थी और अच्छी परफॉर्मेंसिस भी देखने को मिली थी थिएट्रिकली इस फिल्म को दो जून दो को रिलीज किया था जब फिल्म को थिएट्रिकली रिलीज किया गया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से इस फिल्म ने एक अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स हासिल किया जिसके चलते चौदह हजार वोट इस फिल्म को आईमडी पे अभी तक मिले हुए जिसमें छह चार की रेटिंग हासिल हुई है दस में से इस फिल्म ने अपने पहले दिन करीबन करीबन पाँच करोड़ उन लाख का नेट कलेक्शन इंडिया से किया हुआ था सैटरडे के दिन उसमें करीबन थर्टी परसेंट से ज़्यादा का ग्रोथ देखने को मिला वर्ड ऑफ माउथ पॉजिटिव आया उसके चलते इस फिल्म ने सात करोड़ बीस लाख का, का कलेक्शन किया संडे के दिन और कुछ चालीस जितना ग्रोथ देखने को मिला सैटरडे के मुकाबले जिसके चलते नौ करोड़ नब्बे लाख का इस फिल्म ने नेट कलेक्शन इंडिया से किया जिसके चलते अपना पहला वीकेंड इंडिया में बाईस करोड़ उनसाठ लाख का नेट कलेक्शन निकाला हुआ था उसके बाद में वीकडेज में भी इस फिल्म ने काफी बढ़िया तरीके से होल्ड दिखाया मंडे के दिन चार करोड़ चौदह लाख का कलेक्शन किया ट्यूजडे के दिन तीन करोड़ सतासी लाख का कलेक्शन किया वेनस्डे के दिन तीन करोड़ इक्यावन लाख और थर्सडे के दिन तीन करोड़ चौबीस लाख का कलेक्शन करते हुए पहला वीक था इस फिल्म का करीबन करीबन सर um सैंतीस करोड़ yup. पैंतीस लाख का निकल के आया हुआ था उसके बाद में सेकंड वीकेंड में इस फिल्म ने फ्राइडे के दिन तीन करोड़ बयालीस लाख का सैटरडे के दिन पाँच करोड़ छिहत्तर लाख का और संडे के दिन सात करोड़ दो लाख का कलेक्शन करते हुए सेकंड वीकेंड सोलह करोड़ बीस लाख का निकाला हुआ था उसके बाद में वीकडेज़ के ऊपर इस फिल्म ने मंडे के दिन सात दो करोड़ सत्तर लाख का सेकंड ट्यूजडे के ऊपर दो करोड़ बावन लाख का सेकंड वेनस्डे के ऊपर दो करोड़ पच्चीस लाख और सेकंड थर्डी के ऊपर एक करोड़ अट्ठानवे लाख का कलेक्शन करते हुए सेकंड वीक पच्चीस करोड़ पैसठ लाख का निकाला हुआ था तो टोटल दो वीक का कलेक्शन इस फिल्म का इंडिया से करीबन तिरसठ करोड़ का निकल के आया हुआ था थर्ड वीक में भी इस फिल्म ने एक डिसेंट अमाउंट ऑफ कलेक्शन किया था जहाँ पे फ्राइडे के दिन इस फिल्म ने एक करोड़ आठ लाख का कलेक्शन किया सैटरडे के दिन एक करोड़ उन्सी लाख का संडे के दिन दो करोड़ चौंतीस लाख का कलेक्शन करते हुए इस फिल्म ने थर्ड वीकेंड पाँच करोड़ इकतीस लाख का निकाला हुआ था उसके सामने इस फिल्म ने मंडे uh, के दिन वीकडेज में एक करोड़ आठ लाख का ट्यूजडे के दिन नाइन्टी लाख का वेनजे के दिन एक करोड़ आठ लाख और थर्सडे के दिन एक करोड़ आठ लाख का कलेक्शन करते हुए थर्ड वीकेंड नौ करोड़ चौवन लाख का निकाला हुआ था जिसके चलते इस फिल्म ने तीन वीक के अंदर बहत्तर करोड़ चौवन लाख का इंडिया से नेट कलेक्शन करके दिखाया हुआ था उसके बाद में इस फिल्म ने चौथे फ्राइडे के ऊपर एक करोड़ पैंतीस लाख का कलेक्शन किया चौथे सैटरडे के ऊपर दो करोड़ पच्चीस लाख का कलेक्शन किया और संडे के ऊपर दो करोड़ अट्ठासी लाख का कलेक्शन करते हुए चौथा वीकेंड था और तीसरे वीकेंड से बेहतर निकला जहाँ पे तीसरा वीकेंड पाँच करोड़ इकतीस लाख का था चौथा वीकेंड छः करोड़ अड़तालीस लाख का निकल के आया था उसके बाद में वीकडेज में भी इस फिल्म ने बेहतर परफॉर्मेंस दिखाई मंडे के दिन नाइन्टी लाख का कलेक्शन ट्यूजडे के दिन नाइन्टी लाख का कलेक्शन और थर्सडे के दिन इस फिल्म ने सेवेंटी लाख का कलेक्शन किया जिसके चलते इस फिल्म ने टोटल 28 दिनों के अंदर यानी कि चार वीक के अंदर बयासी लाख सॉरी बयासी करोड़ तिरपन लाख का, का कलेक्शन निकाला हुआ था उसके बाद में फिल्म ने अपने पाँचवें वीकेंड में दो करोड़ तेरह लाख का कलेक्शन किया था और पूरे पाँचवें वीक में तीन करोड़ अड़तीस लाख का कलेक्शन किया था पाँच वीक के अंदर इस फिल्म ने करीबन करीबन बॉक्स ऑफिस पर पिचासी करोड़ इक्यानवे लाख का कलेक्शन इंडिया से निकाला हुआ था उसके बाद में इस फिल्म ने अपने छठे वीकेंड के ऊपर एक करोड़ बीस लाख का कलेक्शन किया जहाँ पे पूरा छठा वीक एक करोड़ चौवन लाख का था सातवें वीक में इस फिल्म ने पचपन लाख का कलेक्शन किया जिसके चलते ये फिल्म ने टोटल सात वीक के अंदर बॉक्स ऑफिस पे अट्ठासी करोड़ का नेट कलेक्शन इंडिया से निकाला हुआ था जिसका ग्रोस करे तो होता एक सौ करोड़ छिहत्तर लाख तो इंडिया का जो लाइफ टाइम ग्रोस कलेक्शन था फिल्म का वो करीबन 105 करोड़ के आसपास का निकल के आया और सिर से इस फिल्म ने करीबन 11 करोड़ से ज़्यादा का कलेक्शन किया जिसके चलते 115 करोड़ से ज़्यादा का इस फिल्म ने ग्रोस कलेक्शन किया बॉक्स ऑफिस पे तो 40 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने 115 से 20 करोड़ का ग्रोस कलेक्शन करते हुए बॉक्स ऑफिस पे एक सक्सेसफुल का टेक मार्क हासिल किया वैसे इस फिल्म को थिएट्रिकली जैसे मैंने कहा कि दो जून दो को रिलीज़ किया था नाव डेज जिस तरह से फिल्में रिलीज़ हो रही है तो करीबन वा वन और टू मंथ्स के अंदर ओ टी टी पे प्रीमियर करवा दी जा सक जाती है लेकिन इस फिल्म को काफ़ी वेट करवाया था ऑलमोस्ट करी करीबन करीबन थिएट्रिकल रिलीज़ के 11-12 महीने के बाद इस फिल्म को प्रीमियर करवाया गया जियो सिनेमा के द्वारा 17 मई 2024 को उनके ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर जहां पे उन्होंने इस फिल्म को काफ़ी सारी लैंग्वेजेस में डब करके रिलीज़ किया हुआ है हिंदी मेन लैंग्वेज तो शामिल ही था इसके अलावा तमिल कन्नडा तेलुगु मलयालम बंगाली मराठी और भोजपुरी तो इन सभी वर्ज़न में डब करके साथ ही में रिलीज़ किया हुआ है तो ये सभी वर्ज़न ऑफिशियली वहाँ पे अवेलेबल किए हुए एक साथ में तो टोटल टो इस इस फिल्म को आठ वर्ज़न में अवेलेबल किया हुआ है जियो सिनेमा के द्वारा तो फिलहाल में ज़रा हट के ज़रा बच की फिल्म ऑफिशियली अगर आपको ऑफिशियली देखनी है तो ओ टी टी प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन हिंदी तमिल कन्नडा तेलगू मलयालम बंगाली मराठी और भोजपुरी वर्जन में देख सकते हो इस फिल्म का जो हिंदी सैटेलाइट वर्जन है वो आपको देखने को मिल जाएगा कलर सिनेप्लेक्स टेलीविज़न चैनल के ऊपर ज़रा बच हट के ज़रा बच के आ, हिंदी वर्जन में बिल्कुल फ्री में वहाँ पे प्रीमियर होता हुआ नज़र आएगा तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि ज़रा हट के ज़रा बच के फिल्म फ़िलहाल में अगर आपको ऑफिशियली ओ पे देखनी है तो जियो सिनेमा ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर हिंदी तमिल कन्नड़ा तेलगू मलयालम बंगाली मराठी भोजपुरी इन सभी वर्जन में आप देख सकते हो विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन वहीं पर इस फिल्म का हिंदी सेटेलाइट वर्जन आपको बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नज़र आएगा कलर सिनेप्लेक्स टेलीविजन चैनल के ऊपर तो वहाँ पे फिल्म हिंदी वर्जन में सेटेलाइट पे भी देख सकते हो तो इस तरह से ज़रा हट के ज़रा बच के फिल्म आप ओ टी टी सैटेलाइट दोनों प्लेटफॉर्म के ऊपर देख सकते हो ज़रा हट के ज़रा बच के ये एक दो हज़ार तेईस की इंडियन हिंदी लैंग्वेज रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है इस फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया हुआ है लक्ष्मण उत्यका ने स्टोरी आइडिया उनका था स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले था वो माइत्री बाजपाई और रमीज़ इलाज खान ने क्या हुआ है डायलॉग्स भी उन्होंने ही लिखे हुए दिनेश विजान और ज्योति देश पांडे के द्वारा इस फिल्म को करीबन चालीस करोड़ के बजट में मेडॉक फिल्म और जियो स्टूडियोज प्रोडक्शन कंपनी के नीचे बनाया हुआ था पेन मरुद्त् सिने एंटरटेनमेंट के द्वारा इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था जिन्होंने इस फिल्म को एक अच्छी खासी रिलीज़ दिलवाई थी सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म को यू ए सर्टिफिकेट मिला हुआ था लीड कास्ट में आपको विक्की कौशल सारा अली खान देखने को मिलेंगे सिनेमेटोग्राफी राघव रामडोस ने की हुई है एडिटिंग इस फिल्म के मनीष प्रधान ने किए हुए जिन्होंने 132 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म दो घंटे 12 मिनट लंबी देखने को मिलेगी इसके अलावा इस फिल्म के दूसरे स्पेक्ट के ऊपर बातचीत करें तो म्यूज़िक डिपार्टमेंट में बैकग्राउंड स्कोर संदीप सिरो ने किया हुआ है सॉन्ग्स और सचिन जिगर ने कम्पोज किए हुए इसके अलावा इस फिल्म के म्यूज़िक के राइट्स और सारे का मवालों ने खरीदे हुए कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो विक्की कौशल लीड रोल में देखने को मिलते जिन्होंने कपिल दुबे का रोल प्ले किया हुआ है उनके अपोजिट सारा अली खान को कास्ट किया हुआ है जिन्होंने सोमिया चावला दुबे का रोल प्ले किया हुआ है इनाम हक इस फिल्म में बंदा बेनदास ईश्वर दास सहाय का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे सुष्मिता मुखर्जी ने रोशनी चावला का रोल प्ले किया हुआ है नीरज सूद ने इस फिल्म में पुरुषोत्तम मामा का रोल प्ले किया हुआ है राकेश बेदी ने हरचरण चावला का रोल प्ले किया हुआ है सारिव हासमी को इस फिल्म में दरोगा रघुवंशी का रोल मिला हुआ है आकाश खुराना ने इस फिल्म में वेद प्रकाश दुबे का रोल प्ले किया हुआ है कानुप्रिया पंडित इस फिल्म में दीपा मामी का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे अनुपमा फतेहपुरा इस फिल्म में आपको ममता दुबे का रोल प्ले करते हुए नजर आएगी हिमांशु कोहली इस फिल्म में मनोज बाग बघेल का रोल प्ले किया हुआ है सृष्टि गांगुली रिंदानी ने इस फिल्म में मेहजा बीन का रोल प्ले किया हुआ है विवान शाह ने इस फिल्म में सज्जन का रोल प्ले किया हुआ है डिम्पी मिश्रा यानी इस फिल्म में डिम्पी सर का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा अतुल तिवारी जज का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे तो ये फिल्म के लीड प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले किए हुए इस फिल्म को प, कब बनाया गया था कैसे क्या शूट किया गया था तो उसके ऊपर कुछ खास जानकारी नहीं मिली थी वैसे कुछ रूमर्स आई थी कि लुका चुपी का सेकंड पार्ट आने वाला है लेकिन लेटर ऑन जब इस फिल्म को अनाउंस किया गया तब पता चला कि इस फिल्म को अलग टाइटल दिया हुआ है जहाँ पे कोई सेकंड पार्ट नहीं है इस फिल्म का टाइटल ज़रा हट के ज़रा बच के दिया हुआ है शूटिंग कंप्लीट करने के बाद इस फिल्म के टीज़र ट्रेलर को भी रिलीज़ किया गया था जिसको एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला था म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सचिन जिगर के द्वारा बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स कंपोज किए गए लिरिक्स से वो अमिताभ भट्टाचार्य ने लिखे हुए जहाँ पे इस फिल्म के गानों को दो में रिकॉर्ड किया गया था टोटल चार ट्रैक थे जिसकी लेंथ थी पंद्रह मिनट पच्चीस सेकंड ट्रैक लिस्टिंग करें पहला गाना फिर और क्या चाहिए इस गाने को फर्स्ट सिंगल के तौर पे सारे गमा के द्वारा 16 मई 2023 को रिलीज़ किया था जिसको अरिजीत सिंह ने गाया हुआ था तेरे वास्ते गाने को 22 मई 2023 को सेकंड सिंगल के तौर पे सारे गमा म्यूजिक के द्वारा रिलीज़ किया गया था जिसको वरुण जैन सचिन जिगर सदा फरीदी और तमाश फरीदी ने गाया हुआ था बेबी तुझे पाप लगेगा गाने को थर्ड सिंगल के तौर पर पच्चीस मई दो को ऑफिशियली रिलीज़ किया था जिसको हिमेश रेशमिया ने और सचिन जिगर ने गाया हुआ था वैसे वो गाना आ, का, का काफ़ी अच्छा चला था वहीं पे संजा सांझा करके जो गाना था उसको फो सिंगल के तौर पे 29 मई दो हज़ार तेईस को संचा सचित टंडन और शिल्पा राव सचिन जिगर के साथ गवाते हुए रिलीज़ करवाया हुआ था तो इन सभी गानों को 2 जून 2023 तक पूरे एल्बम को रिलीज़ करवाया था वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में सारे गाँ के द्वारा ये सभी गाने वहाँ पे उनके यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में सुनने को मिल जाएंगे ये सभी गाने बॉक्स ऑफिस पे सॉरी ये सभी गाने काफ़ी चार्ट बस्टर हुए थे सभी गाने वर्क किए थे जिसके चलते फिल्म की इनिशियली जो बज नहीं थी वो आसानी से क्रिएट हो चुकी थी बाद में वर्ड ऑफ माउथ के चलते फिल्म काफ़ी बढ़िया तरीके से वर्क कर गई थी इस फिल्म की कहानी थी वो एक मिडिल क्लास फैमिली के ऊपर थी एक मिडिल क्लास हैप्पी मेरिड कपल था उसके ऊपर कहानी थी इन दो से इस कहानी को बेस किया हुआ था जहाँ पे एक गवर्नमेंट के प्रोग्राम के थ्रू इस एक अपना खुद का मकान लेना चाहते थे जिसके चलते वो एक डिवोर्स करना चाहते थे इन सभी चीज़ों के झमेलों में इस फिल्म की कहानी को बनाया हुआ है जहाँ पर एक अच्छा खासा फ़न का तड़का लगाया हुआ है साथ ही में एक सोशल मैसेज भी डिलीवर किया हुआ है क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से जो वर्ड ऑफ माउथ था वो काफ़ी अच्छा था जहाँ पे सारा अली खान विकी कौशल का काफ़ी का बढ़िया परफॉर्मेंस रहा गया था दोनों की एक्टिंग की काफ़ी सराहना की गई थी स्टोरी लाइन फिल्म के लोगों को पसंद आई थी म्यूजिक डिपार्टमेंट में लिरिशीज थे गाने थे वो सभी चीज़ें फिल्म के लिए काफ़ी बढ़िया तरीके से वर्क कर जाती है सिनेमेटोग्राफी काफ़ी बढ़िया थी स्मॉल टाउन कपल की जो लाइफ थी उसको जिस तरह से दिखाया हुआ था वो काफ़ी बढ़िया नजर आता है डिरेक्टर लक्ष्मण उतेकर के द्वारा एक अच्छी फिल्म बनाई गई ओवरऑल एक डिसेंट फिल्म थी जो काफ़ी बढ़िया तरीके से लोगों को पसंद आएगी हिट करेगी कॉमेडी चीज़ अच्छे थे बैकग्राउंड स्कोर अच्छा था फिल्म का एडिटिंग फिल्म की काफ़ी क्रिस्प की गई थी करीबन दो घंटे के आसपास के रन टाइम के साथ इस फिल्म को बनाया हुआ था सिनेमाटोग्राफर ने बेस्ट पॉसिबल वे में सभी चीज़ों को कवर करके दिखाया हुआ था लीड कास्ट के अलावा जो सपोर्टिंग एक्टर्स थे उनकी भी काफ़ी शानदार परफॉर्मेंसिस देखने को मिलती है ओवरऑल प्रोडक्शन वेली भी फिल्म की काफ़ी बढ़िया नजर आती है तो टेक्निकली भी वेल well मेड बनी हुई फिल्म थी कहानी भी अच्छी थी और अच्छी परफॉर्मेंसेज भी देखने को मिली थी थिएट्रिकली इस फिल्म को दो जून दो को रिलीज किया था जब फिल्म को थिएट्रिकली रिलीज़ किया गया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से इस फिल्म ने एक अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स हासिल किया जिसके चलते चौदह हजार वोट इस फिल्म को आईडी पे अभी तक मिले हुए जिसमें छः पॉइंट चार की रेटिंग हासिल हुई है दस में से इस फिल्म ने अपने पहले दिन करीबन करीबन पाँच करोड़ उन पचास लाख का नेट कलेक्शन इंडिया से किया हुआ था सैटरडे के दिन उसमें करीबन थर्टी परसेंट से ज़्यादा का ग्रोथ देखने को मिला वर्ड ऑफ माउथ पॉजिटिव आया उसके चलते इस फिल्म ने सात करोड़ बीस लाख का कलेक्शन किया संडे के दिन और कुछ चालीस जितना ग्रोथ देखने को मिला सैटरडे के मुकाबले जिसके चलते नौ करोड़ नब्बे लाख का इस फिल्म ने नेट कलेक्शन इंडिया से किया जिसके चलते अपना पहला वीकेंड इंडिया में बाईस करोड़ उन लाख का नेट कलेक्शन निकाला हुआ था उसके बाद में वीकडेज में भी इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से होल्ड दिखाया मंडे के दिन चार करोड़ लाख का कलेक्शन किया ट्यूसडे के दिन तीन करोड़ सतासी लाख का कलेक्शन किया वेनस्डे के दिन तीन करोड़ इक्यावन लाख का, थर्सडे के दिन तीन करोड़ चौबीस लाख का कलेक्शन करते हुए पहला वीक था इस फिल्म का करीबन करीबन सौ सैंतीस करोड़ पैंतीस लाख का निकल के आया हुआ था उसके बाद में सेकंड वीकेंड में इस फिल्म ने फ्राइडे के दिन तीन करोड़ बयालीस लाख का सैटरडे के दिन पाँच करोड़ छिहत्तर लाख का और संडे के दिन सात करोड़ दो लाख का कलेक्शन करते हुए सेकंड वीकेंड सोलह करोड़ बीस लाख का निकाला हुआ था उसके बाद में वीकडेज़ के ऊपर इस फिल्म ने मंडे के दिन सात दो करोड़ सत्तर लाख का सेकंड ट्यूजडे के ऊपर दो करोड़ बावन लाख का सेकंड वेनरडे के ऊपर दो करोड़ पच्चीस लाख और सेकंड थर्डी के ऊपर एक करोड़ अट्ठानवे लाख का कलेक्शन करते हुए सेकंड वीक पच्चीस करोड़ पैंसठ लाख का निकाला हुआ था तो टोटल दो वीक का कलेक्शन इस फिल्म का इंडिया से करीबन तिरसठ करोड़ का निकल के आया हुआ था थर्ड वीक में भी इस फिल्म ने एक डिसेंट अमाउंट ऑफ कलेक्शन किया था जहाँ पे फ्राइडे के दिन इस फिल्म ने एक करोड़ आठ लाख का, का कलेक्शन किया सैटरडे के दिन एक करोड़ उन्सी लाख का संडे के दिन दो करोड़ चौंतीस लाख का, का कलेक्शन करते हुए इस फिल्म ने थर्ड वीकेंड पाँच करोड़ इकतीस लाख का निकाला हुआ था उसके सामने इस फिल्म ने मंडे के दिन वीकडेज में एक करोड़ आठ लाख का ट्यूजडे के दिन नाइन्टी लाख का वेनजे के दिन एक करोड़ आठ लाख और थर्सडे के दिन एक करोड़ आठ लाख का कलेक्शन करते हुए थर्ड वीकेंड नौ करोड़ चौवन लाख का निकाला हुआ था जिसके चलते इस फिल्म ने तीन वीक के अंदर बहत्तर करोड़ चौवन लाख का इंडिया से नेट कलेक्शन करके दिखाया हुआ था उसके बाद में इस फिल्म ने चौथे फ्राइडे के ऊपर एक करोड़ पैंतीस लाख का कलेक्शन किया चौथे सेटरडे के ऊपर दो करोड़ पच्चीस लाख का कलेक्शन किया और संडे के ऊपर दो करोड़ अट्ठासी लाख का कलेक्शन करते हुए चौथा वीकेंड था और तीसरे वीकेंड से बेहतर निकला जहाँ पर तीसरा वीकेंड पाँच करोड़ इकतीस लाख का था चौथा वीकेंड छः करोड़ अड़तालीस लाख का निकल के आया था उसके बाद में वीक डेज में भी इस फिल्म ने बेहतर परफॉर्मेंस दिखाई मंडे के दिन नाइन्टी नाइन लाख का कलेक्शन ट्यूजडे के दिन नाइन्टी लाख का कलेक्शन और थर्सडे के दिन इस फिल्म ने सेवेंटी टू लाख का कलेक्शन किया जिसके चलते इस फिल्म ने टोटल अट्ठाईस दिनों के अंदर यानी कि चार वीक के अंदर बयासी लाख और सॉरी बयासी करोड़ तिरपन लाख का कलेक्शन निकाला हुआ था उसके बाद में फिल्म ने अपने पाँचवें वीकेंड में दो करोड़ तेरह लाख का कलेक्शन किया था और पूरे पाँचवें वीक में तीन करोड़ अड़तीस लाख का कलेक्शन किया था पाँच वीक के अंदर इस फिल्म ने करीबन करीबन बॉक्स ऑफिस पर पिचासी करोड़ इक्यानवे लाख का कलेक्शन इंडिया से निकाला हुआ था उसके बाद में इस फिल्म ने अपने छठे वीकेंड के ऊपर एक करोड़ बीस लाख का कलेक्शन किया जहाँ पे पूरा छठा वीक एक करोड़ चौवन लाख का था सातवें वीक में इस फिल्म ने पचपन लाख का कलेक्शन किया जिसके चलते ये फिल्म ने टोटल सात वीक के अंदर बॉक्स ऑफिस पे अट्ठासी करोड़ का नेट कलेक्शन इंडिया से निकाला हुआ था जिसका ग्रोस करे तो होता है एक सौ करोड़ छिहत्तर लाख तो इंडिया का जो लाइफ टाइम ग्रोस कलेक्शन था फिल्म का वो करीबन 105 करोड़ के आसपास का निकल के आया और इससे इस फिल्म ने करीबन 11 करोड़ से ज़्यादा का कलेक्शन किया जिसके चलते 115 करोड़ से ज़्यादा का इस फिल्म ने ग्रोस कलेक्शन किया बॉक्स ऑफिस पे तो 40 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने एक से बीस करोड़ का ग्रोस कलेक्शन करते हुए बॉक्स ऑफिस पे एक सक्सेसफुल का टेक मार्क हासिल किया वैसे इस फिल्म को थिएट्रिकली जैसे मैंने कहा कि दो जून दो को रिलीज़ किया था नाव डेज जिस तरह से फिल्में रिलीज़ हो रही है तो करीबन वन और टू मंथ्स के अंदर ओ टी टी पे प्रीमियर करवा दी जा सक जाती है लेकिन इस फिल्म को काफ़ी वेट करवाया था ऑलमोस्ट खरी करीबन करीबन थिएट्रिकल रिलीज़ के 11-12 महीने के बाद इस फिल्म को प्रीमियर करवाया गया जियो सिनेमा के द्वारा 17 मई 2024 को उनके ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर जहाँ पे उन्होंने इस फिल्म को काफी सारी लैंग्वेजेस में डब करके रिलीज़ किया हुआ है हिंदी मेन लैंग्वेज तो शामिल ही था इसके अलावा तमिल कन्नडा तेलुगु मलयालम बंगाली मराठी और भोजपुरी तो इन सभी वर्ज़न में डब करके साथ ही में रिलीज़ किया हुआ है तो ये सभी वर्जन ऑफिशियली वहाँ पे अवेलेबल किए हुए एक साथ में तो टोटल टो इस इस फिल्म को आठ वर्ज़न में अवेलेबल किया हुआ है जियो सिनेमा के द्वारा तो फिलहाल में ज़रा हट के ज़रा बच की फिल्म ऑफिशियली अगर आपको ऑफिशियली देखनी है तो ओ टी टी प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन हिंदी तमिल कन्नडा तेलगू मलयालम बंगाली मराठी और भोजपुरी वर्जन में देख सकते हो इस फिल्म का जो हिंदी सैटेलाइट वर्जन है वो आपको देखने को मिल जाएगा कलर सिनेप्लेक्स टेलीविज़न चैनल के ऊपर ज़रा जरा बच हट के ज़रा बच के आ, हिंदी वर्जन में बिल्कुल फ्री में वहाँ पे प्रीमियर होता हुआ नज़र आएगा तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि ज़रा हट के ज़रा बच के फिल्म फ़िलहाल में अगर आपको ऑफिशियली ओ टी टी पे देखनी है तो जियो सिनेमा ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर हिंदी तमिल कन्नड़ा तेलगू मलयालम बंगाली मराठी भोजपुरी इन सभी वर्जन में आप देख सकते हो विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन वहीं पर इस फिल्म का हिंदी सैटेलाइट वर्जन आपको बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा कलर सिनेप्लेक्स टेलीविज़न चैनल के ऊपर तो वहाँ पर फिल्म हिंदी वर्जन में सेटेलाइट पर भी देख सकते हो तो इस तरह से ज़रा हट के ज़रा बच के

मेडोक फिल्म्स और जियो स्टूडियोज प्रोडक्शन कंपनी के नीचे बनाया हुआ था पेन मरुदकर सिने एंटरटेनमेंट के द्वारा इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था जिन्होंने इस फिल्म को एक अच्छी खासी रिलीज दिलवाई थी सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म को यू सर्टिफिकेट मिला हुआ था लीड कास्ट में आपको विकी कौशल सारा अली खान देखने को मिलेंगे सिनेमेटोग्राफी राघव रामडोस ने की हुई है एडिटिंग इस फिल्म की मनीष प्रधान ने की हुई है जिन्होंने 132 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म दो घंटे 12 मिनट लंबी देखने को मिलेगी इसके अलावा इस फिल्म के दूसरे स्पेक्ट के ऊपर बातचीत करें तो म्यूज़िक डिपार्टमेंट में बैकग्राउंड स्कोर संदीप सिरो ने किया हुआ है सॉन्ग्स और सचिन जिगर ने कंपोज किए हुए इसके अलावा इस फिल्म के म्यूज़िक के राइट्स और सारे का मवालों ने खरीदे हुए कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो विक्की कौशल लीड रोल में देखने को मिलते जिन्होंने कपिल दुबे का रोल प्ले किया हुआ है उनके अपोजिट सारा अली खान को कास्ट किया हुआ है जिन्होंने सोमिया चावला दुबे का रोल प्ले किया हुआ है इनाम उल हक इस फिल्म में बंद बेनदासवरा दास सहाय का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे सुष्मिता मुखर्जी ने रोशनी चावला का रोल प्ले किया, 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 आक, किया हुआ है नीरज सूद ने इस फिल्म में पुरुषोत्तम मामा का रोल प्ले किया हुआ है राकेश बेदी ने हरचरण चावला का रोल प्ले किया हुआ है सारिभ हासमी को इस फिल्म में दरोगा रघुवंशी का रोल मिला हुआ है आकाश खुराना ने इस फिल्म में वेद प्रकाश दुबे का रोल प्ले किया हुआ है कानूप्रिया पंडित इस फिल्म में दीपा मामी का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे अनुपमा फतेहपुरा इस फिल्म में आपको ममता दुबे का रोल प्ले करते हुए नजर आएगी हिमांशु कोहली इस फिल्म में मनोज बाग बघेल का रोल प्ले किया हुआ है सृष्टि गांगुली रिंदानी ने इस फिल्म में मेहजा बिन का रोल प्ले किया हुआ है विवान शाह ने इस फिल्म में सज्जन का रोल प्ले किया हुआ है डिम्पी मिश्रा ने इस फिल्म में डिम्पी सर का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा अतुल तिवारी जज का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे तो ये फिल्म के लीड प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले किए हुए हैं इस फिल्म को कब बनाया गया था कैसे क्या शूट किया गया था तो उसके ऊपर कुछ खास जानकारी नहीं मिली थी वैसे कुछ रूमर्स आई थी कि लुका चुपी का सेकंड पार्ट आने वाला है लेकिन लेटर जब इस फिल्म को अनाउंस किया गया तब पता चला कि इस फिल्म को अलग टाइटल दिया हुआ है जहाँ पर कोई सेकंड पार्ट नहीं है इस फिल्म का टाइटल ज़रा हट के ज़रा बच के दिया हुआ है शूटिंग कम्प्लीट करने के बाद इस फिल्म के टीजर ट्रेलर को भी रिलीज किया गया था जिसको एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला था म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सचिन जिगर के द्वारा बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स कंपोज किए गए लिरिक्स से वो अमिताभ भट्टाचार्य ने लिखे हुए जहाँ पे इस फिल्म के गानों को दो में रिकॉर्ड किया गया था टोटल चार ट्रैक थे जिसके लेन थे पंद्रह मिनट पच्चीस सेकंड ट्रैक लिस्टिंग करे पहला गाना फिर और क्या चाहिए इस गाने को फर्स्ट सिंगल के तौर पे सारे गवा के द्वारा 16 मई 2023 को रिलीज किया था जिसको अरिजीत सिंह ने गाया हुआ था तेरे वास्ते गाने को 22 मई 2023 को सेकंड सिंगल के तौर पे सारे कामा म्यूज़िक के द्वारा रिलीज़ किया गया था जिसको वरुण जैन सचिन जिगर सदाफ फरीदी और तमाश फरीदी ने गाया हुआ था बेबी तुझे पाप लगेगा गाने को थर्ड सिंगल के तौर पे 25 मई 2023 को ऑफिशियली रिलीज़ किया था जिसको हिमेश रेशमिया ने और सचिन जिगर ने गाया हुआ था वैसे वो गाना आ, का, का, काफ़ी अच्छा चला था वहीं पर संजा साझा करके जो गाना था उसको फोर्थ सिंगल के तौर पर उनतीस मई दो को संचा सचित टंडन और हिस्सेपर राव सचिन जिगर के साथ गवाते हुए रिलीज़ करवाया हुआ था तो इन सभी गानों को 2 जून 2023 तक पूरे एल्बम को रिलीज़ करवाया था वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में सारे गाँ के द्वारा ये सभी गाने वहाँ पे उनके यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में सुनने को मिल जाएंगे ये सभी गाने बॉक्स ऑफिस पे सॉरी ये सभी गाने काफ़ी चार्ट बस्टर हुए थे सभी गाने वर्क किए थे जिसके चलते फिल्म की इनिशियली जो बर्ज नहीं थी वो आसानी से क्रिएट हो चुकी थी बाद में वर्ड ऑफ माउथ के चलते फिल्म काफ़ी बढ़िया तरीके से वर्क कर गई थी इस फिल्म की कहानी थी वो एक मिडिल क्लास फैमिली के ऊपर थी एक मिडिल क्लास हैप्पी मेरिड कपल था उसके ऊपर कहानी थी इन दो से इस कहानी को बेस किया हुआ था जहाँ पे एक गवर्नमेंट के प्रोग्राम के थ्रू इस एक अपना खुद का मकान लेना चाहते थे जिसके चलते वो एक डिवोर्स करना चाहते थे इन सभी चीज़ों के जमेलों में इस फिल्म की कहानी को बनाया हुआ है जहाँ पर एक अच्छा खासा फ़न का तड़का लगाया हुआ है साथ ही में एक सोशल मैसेज भी डिलीवर किया हुआ है क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से जो वर्ड ऑफ माउथ था वो काफ़ी अच्छा था जहाँ पे सारा अली खान विकी कौल का, का काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस सराया गया था दोनों की एक्टिंग की काफ़ी सराहना की गई थी स्टोरी लाइन फिल्म के लोगों को पसंद आई थी म्यूजिक डिपार्टमेंट में लिरिशीज थे गाने थे वो सभी चीज़ें फिल्म के लिए काफ़ी बढ़िया तरीके से वर्क कर जाती है सिनेमेटोग्राफी काफ़ी बढ़िया थी स्मॉल टाउन कपल की जो लाइफ थी उसको जिस तरह से दिखाया हुआ था वो काफ़ी बढ़िया नज़र आता है डायरेक्टर लक्ष्मण उतेकर के द्वारा एक अच्छी फिल्म बनाई गई ओवरऑल एक डिसेंट फिल्म थी जो काफ़ी बढ़िया तरीके से लोगों को पसंद आएगी हिट करेगी कॉमेडी अच्छे थे बैकग्राउंड स्कोर अच्छा था फिल्म फिल्म का एडिटिंग की की काफ़ी क्रिस्प गई थी फिल्मिंग घंटे के 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 आसपास रन टाइम साथ इस फिल्म को बनाया हुआ था ने बेस्ट पॉसिबल वे में सभी चीज़ों को कवर करके दिखाया हुआ था लीड कास्ट के अलावा जो सपोर्टिंग एक्टर्स थे उनकी भी काफ़ी शानदार देखने को मिलती है ओवरऑल प्रोडक्शन वेली भी फिल्म की काफी बढ़िया नजर आती है तो टेक्निकली भी वेल well मेड बनी हुई फिल्म थी कहानी भी अच्छी थी और अच्छी परफॉर्मेंसिस भी देखने को मिली थी थिएट्रिकली इस फिल्म को दो जून दो को रिलीज किया था जब फिल्म को थिएट्रिकली रिलीज किया गया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से इस फिल्म ने एक अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस हासिल किया जिसके चलते 14,000 हजार वोट इस फिल्म को आईमडीबी पे अभी तक मिले हुए जिसमें 6.4 चार की रेटिंग हासिल हुई है दस में से इस फिल्म ने अपने पहले दिन करीबन करीबन पाँच करोड़ उन पचास लाख का नेट कलेक्शन इंडिया से किया हुआ था सैटरडे के दिन उसमें करीबन थर्टी परसेंट से ज्यादा का ग्रोथ देखने को मिला वर्ड ऑफ माउथ पॉजिटिव आया उसके चलते इस फिल्म ने सात करोड़ बीस लाख का कलेक्शन किया संडे के दिन और कुछ चालीस जितना ग्रोथ देखने को मिला सैटरडे के मुकाबले जिसके चलते नौ करोड़ नब्बे लाख का इस फिल्म ने नेट कलेक्शन इंडिया से किया जिसके चलते अपना पहला वीकेंड इंडिया में बाईस करोड़ उनसठ लाख का नेट कलेक्शन निकाला हुआ था उसके बाद में वीकडेज में भी इस फिल्म ने काफी बढ़िया तरीके से होल्ड दिखाया मंडे के दिन चार करोड़ चौदह लाख का कलेक्शन किया ट्यूसडे के दिन तीन करोड़ सतासी लाख का कलेक्शन किया वेनस्डे के दिन तीन करोड़ इक्यावन लाख और थर्सडे के दिन तीन करोड़ चौबीस लाख का कलेक्शन करते हुए पहला वीक था इस फिल्म का करीबन करीबन सैंतीस करोड़ पैंतीस लाख का निकल के आया हुआ था उसके बाद में सेकंड वीकेंड में इस फिल्म ने फ्राइडे के दिन तीन करोड़ बयालीस लाख का सैटरडे के दिन पाँच करोड़ छिहत्तर लाख का और संडे के दिन सात करोड़ दो लाख का कलेक्शन करते हुए सेकंड वीकेंड सोलह करोड़ बीस लाख का निकाला हुआ था उसके बाद में वीकडेज के ऊपर इस फिल्म ने मंडे के दिन सात दो करोड़ सत्तर लाख का सेकंड ट्यूजडे के ऊपर दो करोड़ बावन लाख का सेकंड वेनस्डे के ऊपर दो करोड़ पच्चीस लाख और सेकंड थर्सडे के ऊपर एक करोड़ अट्ठानवे लाख का कलेक्शन करते हुए सेकंड वीक पच्चीस करोड़ पैसठ लाख का निकाला हुआ था न तो टोटल दो वीक का कलेक्शन इस फिल्म का इंडिया से करीबन तिरसठ करोड़ का निकल के आया हुआ था थर्ड वीक में भी इस फिल्म ने एक डिसेंट अमाउंट ऑफ कलेक्शन किया था जहाँ पे फ्राइडे के दिन इस फिल्म ने एक करोड़ आठ लाख का कलेक्शन किया सैटरडे के दिन एक करोड़ उन्सी लाख का संडे के दिन दो करोड़ चौंतीस लाख का कलेक्शन करते हुए इस फिल्म ने थर्ड वीकेंड पाँच करोड़ इकतीस लाख का निकाला हुआ था उसके सामने इस फिल्म ने मंडे के दिन वीक डेज में एक करोड़ आठ लाख का ट्यूजडे के दिन नाइन्टी नाइन लाख का वेनजे के दिन एक करोड़ आठ लाख और थर्सडे के दिन एक करोड़ आठ लाख का कलेक्शन करते हुए थर्ड वीकेंड नौ करोड़ चौवन लाख का निकाला हुआ था जिसके चलते इस फिल्म ने तीन वीक के अंदर बहत्तर करोड़ चौवन लाख का इंडिया से नेट कलेक्शन करके दिखाया हुआ था उसके बाद में इस फिल्म ने चौथे फ्राइडे के ऊपर एक करोड़ पैंतीस लाख का कलेक्शन किया चौथे सेटरडे के ऊपर दो करोड़ पच्चीस लाख का कलेक्शन किया और संडे के ऊपर दो करोड़ अट्ठासी लाख का कलेक्शन करते हुए चौथा वीकेंड था और तीसरे वीकेंड से बेहतर निकला जहाँ पर तीसरा वीकेंड पाँच करोड़ इकतीस लाख का था चौथा वीकेंड छः करोड़ अड़तालीस लाख का निकल के आया था उसके बाद में वीक डेज में भी इस फिल्म ने बेहतर परफॉर्मेंस दिखाई मंडे के दिन नाइन्टी लाख का कलेक्शन ट्यूजडे के दिन नाइन्टी लाख का कलेक्शन और थर्सडे के दिन इस फिल्म ने सेवेंटी लाख का कलेक्शन किया जिसके चलते इस फिल्म ने टोटल अट्ठाईस दिनों के अंदर यानी कि चार वीक के अंदर बयासी लाख और सॉरी बयासी करोड़ तिरपन लाख का कलेक्शन निकाला हुआ था उसके बाद में फिल्म ने अपने पाँचवें वी वी वीकेंड में दो करोड़ तेरह लाख का कलेक्शन किया था और पूरे पाँचवें वी वीक में तीन करोड़ अड़तीस लाख का कलेक्शन किया था पाँच वीक के अंदर इस फिल्म ने करीबन करीबन बॉक्स ऑफिस पर पिचासी करोड़ इक्यानवे लाख का कलेक्शन इंडिया से निकाला हुआ था उसके बाद में इस फिल्म ने अपने छठे वीकेंड के ऊपर एक करोड़ बीस लाख का कलेक्शन किया जहाँ पे पूरा छठा वीक एक करोड़ चौवन लाख का था सातवें वीक में इस फिल्म ने पचपन लाख का कलेक्शन किया जिसके चलते ये फिल्म ने टोटल सात वीक के अंदर बॉक्स ऑफिस पे अट्ठासी करोड़ का नेट कलेक्शन इंडिया से निकाला हुआ था जिसका ग्रोस करे तो होता है एक सौ करोड़ छिहत्तर लाख तो इंडिया का जो लाइफ टाइम ग्रोस कलेक्शन था फिल्म का वो करीबन एक करोड़ के आसपास का निकल के आया और इससे इस फिल्म ने करीबन ग्यारह करोड़ से ज़्यादा का कलेक्शन किया जिसके चलते एक करोड़ से ज़्यादा का इस फिल्म ने ग्रोस कलेक्शन किया बॉक्स ऑफिस पे तो चालीस करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने एक से बीस करोड़ का ग्रोस कलेक्शन करते हुए बॉक्स ऑफिस पे एक सक्सेसफुल का टेक मार्क हासिल किया वैसे इस फिल्म को थिएटर जैसे मैंने कहा कि दो जून दो हजार को रिलीज किया था डेज जिस तरह से फिल्में रिलीज हो रही है तो करीबन वन और टू मंथ्स के अंदर ओ टी टी पर प्रीमियर करवा दी जा सक जाती है लेकिन इस फिल्म को काफ़ी वेट करवाया था ऑलमोस्ट खरी करीबन करीबन थिएटरकल रिलीज़ के 11-12 महीने के बाद इस फिल्म को प्रीमियर करवाया गया जियो सिनेमा के द्वारा 17 मई 2024 को उनके ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर जहां पे उन्होंने इस फिल्म को काफ़ी सारी लैंग्वेजेज़ में डब करके रिलीज़ किया हुआ है हिंदी मेन लैंग्वेज तो शामिल ही था इसके अलावा तमिल कन्नडा तेलुगु मलयालम बंगाली मराठी और भोजपुरी तो इन सभी वर्जन में डब करके साथ ही में रिलीज़ किया हुआ है तो ये सभी वर्जन ऑफिशियली वहाँ पर अवेलेबल

आ, हिंदी वर्जन में बिल्कुल फ्री में वहाँ पे प्रीमियर होता हुआ नज़र आएगा तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि ज़रा हट के ज़रा बच के फिल्म फ़िलहाल में अगर आपको ऑफिशियली ओटीटी पे देखनी है तो जियो सिनेमा ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर हिंदी तमिल कन्नड़ा तेलुगु मलयालम बंगाली मराठी भोजपुरी इन सभी वर्ज़न में आप देख सकते हो विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन वहीं पर इस फिल्म का हिंदी सेटेलाइट वर्जन आपको बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा कलर सिनेप्लेक्स टेलीविजन चैनल के ऊपर तो वहाँ पे फिल्म हिंदी वर्जन में सेटेलाइट पे भी देख सकते हो तो इस तरह से ज़रा हट के ज़रा बच के फिल्म आप ओ टी टी सैटेलाइट दोनों प्लेटफॉर्म के ऊपर देख सकते हो जरा हट के ज़रा बच के ये एक 2023 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है इस फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया हुआ है लक्ष्मण उत्तेकन स्टोरी आइडिया उनका था स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले था वो मायत्री वाजपाई और रमीज़ इलाज खान ने किया हुआ है डायलॉग्स भी उन्होंने ही लिखे हुए दिनेश विजान और ज्योति देश पांडे के द्वारा इस फिल्म को करीबन चालीस करोड़ के बजट में मेडॉक फिल्म और जियो स्टूडियोज प्रोडक्शन कंपनी के नीचे बनाया हुआ था पेन मरुत् सिने एंटरटेनमेंट के द्वारा इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था जिन्होंने इस फिल्म को एक अच्छी खासी रिलीज दिलवाई थी सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म को यू सर्टिफिकेट मिला हुआ था लीड कास्ट में आपको विकी कौशल सारा अली खान देखने को मिलेंगे सिनेमेटोग्राफी राघव रामडोस ने की हुई है एडिटिंग इस फिल्म के मनीष प्रधान ने किए हुए जिन्होंने एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म दो घंटे बारह मिनट लंबी देखने को मिलेगी इसके अलावा इस फिल्म के दूसरे स्पेक्ट के ऊपर बातचीत करें तो म्यूज़िक डिपार्टमेंट में बैकग्राउंड स्कोर संदीप सिरोतकर ने किया हुआ है सॉन्ग्स और सचिन जिगर ने कंपोज किए हुए इसके अलावा इस फिल्म के म्यूज़िक के राइट्स और सारे का मवालों ने खरीदे हुए कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो विक्की कौशल लीड रोल में देखने को मिलते जिन्होंने कपिल दुबे का रोल प्ले किया हुआ है उनके अपोजिट सारा अली खान को कास्ट किया हुआ है जिन्होंने सोमिया चावला दुबे का रोल प्ले किया हुआ है इनाम उल हक इस फिल्म में बंदा बेनदास ईश्वरा दास सहाय का रोल प्ले करते हुए नज़र आएंगे सुष्मिता मुखर्जी ने रोशनी चावला का रोल प्ले किया हुआ है नीरज सूद ने इस फिल्म में पुरुषोत्तम मामा का रोल प्ले किया हुआ है राकेश बेदी ने हरचरण चावला का रोल प्ले किया हुआ है सारिफ़ हासमी को इस फिल्म में दरोगा रघुवंशी का रोल मिला हुआ है आकाश खुराना ने इस फिल्म में वेद प्रकाश दुबे का रोल प्ले किया हुआ है अनुप्रिया पंडित इस फिल्म में दीपा मामी का रोल प्ले करते हुए नज़र आएंगे अनुपमा फतेहपुरा इस फिल्म में आपको ममता अब्बू का रोल प्ले, प्ले करते हुए नजर आएगी हिमांशु कोहली ने इस फिल्म में मनोज बाग बघेल का, का रोल प्ले किया हुआ है सृष्टि गांगुली रिंदानी ने इस फिल्म में मेहजा बिंद का रोल प्ले किया हुआ है विवान शाह ने इस फिल्म में सज्जन का रोल प्ले किया हुआ है टिम्पी मिश्रा ने इस फिल्म में डिम्पी सर का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा अतुल तिवारी जज का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे तो ये फिल्म के लीड प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले किए हुए इस फिल्म को कब बनाया गया था कैसे क्या शूट किया गया था उसके ऊपर कुछ खास जानकारी नहीं मिली थी वैसे कुछ रूमर्स आई थी कि लुका चुपी का सेकंड पार्ट आने वाला है लेकिन लेटर वन जब इस फिल्म को अनाउंस किया गया तब पता चला कि इस फिल्म को अलग टाइटल दिया हुआ है जहाँ पे कोई सेकंड पार्ट नहीं है इस फिल्म का टाइटल ज़रा हट के ज़रा बच के दिया हुआ है शूटिंग कंप्लीट करने के बाद इस फिल्म के टीज़र ट्रेलर को भी रिलीज़ किया गया था जिसको एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला था म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सचिन जिगर के द्वारा बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स कंपोज किए गए लिरिक्स से वो अमिताभ भट्टाचार्य ने लिखे हुए जहाँ पे इस फिल्म के गानों को दो में रिकॉर्ड किया गया था टोटल चार ट्रैक थे जिसकी लेंथ थी पंद्रह मिनट पच्चीस सेकंड ट्रैक लिस्टिंग करे पहला गाना फिर और क्या चाहिए इस गाने को फर्स्ट सिंगल के तौर पे सारे गवा के द्वारा 16 मई 2023 को रिलीज किया था जिसको अरिजीत सिंह ने गाया हुआ था तेरे वास्ते गाने को 22 मई 2023 को सेकंड सिंगल के तौर पे सारे कामा म्यूज़िक के द्वारा रिलीज़ किया गया था जिसको वरुण जैन सचिन जिगर सदाफ फरीदी और तमाश फरीदी ने गाया हुआ था बेबी तुझे पाप लगेगा गाने को थर्ड सिंगल के तौर पर पच्चीस मई दो को ऑफिशियली रिलीज़ किया था जिसको हिमेश रेशमिया ने और सचिन जिगर ने गाया हुआ था वैसे वो गाना का, का, काफ़ी अच्छा चला था वहीं पर संजा सांझा करके जो गाना था उसको फोर्थ सिंगल के तौर पर उनतीस मई दो को संचा सचिन टंडन और सिल्पा राव सचि जिगर के साथ गवाते हुए रिलीज़ करवाया हुआ था तो इन सभी गानों को 2 जून 2023 तक पूरे एल्बम को रिलीज़ करवाया था वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में सारे गमा के द्वारा ये सभी गाने वहाँ पर उनके यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में सुनने को मिल जाएंगे ये सभी गाने बॉक्स ऑफिस पे सॉरी ये सभी गाने काफ़ी चार्ट बस्टर हुए थे सभी गाने वर्क किए थे जिसके चलते फिल्म की इनिशियली जो बर्ज नहीं थी वो आसानी से क्रिएट हो चुकी थी बाद में वर्ड ऑफ माउथ के चलते फिल्म काफ़ी बढ़िया तरीके से वर्क कर गई थी इस फिल्म की कहानी थी वो एक मिडिल क्लास फैमिली के ऊपर थी एक मिडिल क्लास हैप्पी फी मेरिड कपल था उसके ऊपर कहानी थी इन दो से इस कहानी को बेस किया हुआ था जहाँ पे एक गवर्नमेंट के प्रोग्राम के थ्रू इस एक अपना खुद का मकान लेना चाहते थे जिसके चलते वो एक डिवोर्स करना चाहते थे इन सभी चीज़ों के झमेलों में इस फिल्म की कहानी को बनाया हुआ है जहाँ पर एक अच्छा खासा फ़न का तड़का लगाया हुआ है साथ ही में एक सोशल मैसेज भी डिलीवर किया हुआ है क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से जो वर्ड ऑफ माउथ था वो काफ़ी अच्छा था जहाँ पे सारा अली खान विकी कौशल का काफ़ी का का बढ़िया परफॉर्मेंस सराहा गया था दोनों की एक्टिंग की काफ़ी सराहना की गई थी स्टोरी लाइन फिल्म के लोगों को पसंद आई थी म्यूजिक डिपार्टमेंट में लिरिशीज थे गाने थे वो सभी चीज़ें फिल्म के लिए काफ़ी बढ़िया तरीके से वर्क कर जाती है सिनेमेटोग्राफी काफ़ी बढ़िया थी स्मॉल टाउन कपल की जो लाइफ थी उसको जिस तरह से दिखाया हुआ था वो काफ़ी बढ़िया नजर आता है डिरेक्टर लक्ष्मण उतेकर के द्वारा एक अच्छी फिल्म बनाई गई ओवरऑल एक डिसेंट फिल्म थी जो काफ़ी बढ़िया तरीके से लोगों को पसंद आएगी हिट करेगी कॉमेडी अच्छे थे बैकग्राउंड स्कोर अच्छा था फिल्म का एडिटिंग फिल्म काफ़ी क्रिस्ट की काफ़ी क्रिस्प की गई थी घंटे के आसपास के रन टाइम के साथ इस फिल्म को बनाया हुआ था ने बेस्ट पॉसिबल वे में सभी चीजों को कवर करके दिखाया हुआ था लीड कास्ट के अलावा जो सपोर्टिंग एक्टर्स थे उनकी भी काफ़ी शानदार देखने को मिलती है ओवरऑल प्रोडक्शन भी फिल्म की काफी बढ़िया नजर आती है तो टेक्निकली भी वेल मेड बनी हुई फिल्म थी कहानी भी अच्छी थी और अच्छी परफॉर्मेंसिस भी देखने को मिली थी थिएट्रिकली इस फिल्म को दो जून दो को रिलीज किया था जब फिल्म को थिएट्रिकली रिलीज किया गया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से इस फिल्म ने एक अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स हासिल किया जिसके चलते 14,000 हजार वोट इस फिल्म को आईमडी पे अभी तक मिले हुए जिसमें 6.4 चार की रेटिंग हासिल हुई है दस में से इस फिल्म ने अपने पहले दिन करीब करीबन पाँच करोड़ उन लाख का नेट कलेक्शन इंडिया से किया हुआ था सैटरडे के दिन उसमें करीबन थर्टी परसेंट से ज़्यादा का ग्रोथ देखने को मिला वर्ड ऑफ माउथ पॉजिटिव आया उसके चलते इस फिल्म ने सात करोड़ बीस लाख का कलेक्शन किया संडे के दिन और कुछ चालीस जितना ग्रोथ देखने को मिला सैटरडे के मुकाबले जिसके चलते नौ करोड़ नब्बे लाख का इस फिल्म ने नेट कलेक्शन इंडिया से किया जिसके चलते अपना पहला वीकेंड इंडिया में बाईस करोड़ उनसाठ लाख का नेट कलेक्शन निकाला हुआ था उसके बाद में वीकडेज में भी इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से होल्ड दिखाया मंडे के दिन चार करोड़ लाख का कलेक्शन किया ट्यूजडे के दिन तीन करोड़ सतासी लाख का कलेक्शन किया वेन्सडे के दिन तीन करोड़ इक्यावन लाख और थर्सडे के दिन तीन करोड़ चौबीस लाख का कलेक्शन करते हुए पहला वीक था इस फिल्म का करीबन करीबन सर सैंतीस करोड़ पैंतीस लाख का निकल के आया हुआ था उसके बाद में सेकंड वीकेंड में इस फिल्म ने फ्राइडे के दिन तीन करोड़ बयालीस लाख का सैटरडे के दिन पाँच करोड़ छिहत्तर लाख का और संडे के दिन सात करोड़ दो लाख का कलेक्शन करते हुए सेकंड वीकेंड सोलह करोड़ बीस लाख का निकाला हुआ था उसके बाद में वीकडेज़ के ऊपर इस फिल्म ने मंडे के दिन सात दो करोड़ सत्तर लाख का सेकंड टूजडे के ऊपर दो करोड़ बावन लाख का सेकंड वेनर्डे के ऊपर दो करोड़ पच्चीस लाख और सेकंड थर्डी के ऊपर एक करोड़ अट्ठानवे लाख का कलेक्शन करते हुए सेकंड वीक पच्चीस करोड़ पैसठ लाख का निकाला हुआ था तो टोटल दो वीक का कलेक्शन इस फिल्म का इंडिया से करीबन तिरसठ करोड़ का निकल के आया हुआ था थर्ड वीक में भी इस फिल्म ने एक डिसेंट अमाउंट ऑफ कलेक्शन किया था जहाँ पे फ़्राइडे के दिन इस फिल्म ने एक करोड़ आठ लाख का कलेक्शन किया सैटरडे के दिन एक करोड़ उन्सी लाख का संडे के दिन दो करोड़ चौंतीस लाख का कलेक्शन करते हुए इस फिल्म ने थर्ड वीकेंड पाँच करोड़ इकतीस लाख का निकाला हुआ था उसके सामने इस फिल्म ने मंडे के दिन वीकडेज में एक करोड़ आठ लाख का ट्यूजडे के दिन नाइन्टी लाख का वेनजे के दिन एक करोड़ आठ लाख और थर्सडे के दिन एक करोड़ आठ लाख का कलेक्शन करते हुए थर्ड वीकेंड नौ करोड़ चौवन लाख का निकाला हुआ था जिसके चलते इस फिल्म ने तीन वीक के अंदर बहत्तर करोड़ चौवन लाख का इंडिया से नेट कलेक्शन करके दिखाया हुआ था उसके बाद में इस फिल्म ने चौथे फ्राइडे के ऊपर एक करोड़ पैंतीस लाख का कलेक्शन किया चौथे सैटरडे के ऊपर दो करोड़ पच्चीस लाख का कलेक्शन किया और संडे के ऊपर दो करोड़ अट्ठासी लाख का कलेक्शन करते हुए चौथा वीकेंड था और तीसरे वीकेंड से बेहतर निकला जहाँ पर तीसरा वीकेंड पाँच करोड़ इकतीस लाख का था चौथा वीकेंड छः करोड़ अड़तालीस लाख का निकल के आया था उसके बाद में वीकडेज में भी इस फिल्म ने बेहतर परफॉर्मेंस दिखाई मंडे के दिन नाइन्टी लाख का कलेक्शन ट्यूजडे के दिन 90 लाख का कलेक्शन और थर्सडे के दिन इस फिल्म ने 72 लाख का कलेक्शन किया जिसके चलते इस फिल्म ने टोटल 28 दिनों के अंदर यानी कि चार वीक के अंदर बयासी लाख और सॉरी बयासी करोड़ तिरपन लाख का कलेक्शन निकाला हुआ था उसके बाद में फिल्म ने अपने पाँचवें वी वीकेंड में दो करोड़ तेरह लाख का कलेक्शन किया था और पूरे पाँचवें वीक में तीन करोड़ अड़तीस लाख का कलेक्शन किया था पाँच वीक के अंदर इस फिल्म ने करीबन करीबन बॉक्स ऑफिस पे पिचासी करोड़ इक्यानवे लाख का कलेक्शन इंडिया से निकाला हुआ था उसके बाद में इस फिल्म ने अपने छठे वीकेंड के ऊपर एक करोड़ बीस लाख का कलेक्शन किया जहाँ पे पूरा छठा वीक एक करोड़ चौवन लाख का था सातवें वीक में इस फिल्म ने पचपन लाख का कलेक्शन किया जिसके चलते ये फिल्म ने टोटल सात वीक के अंदर बॉक्स ऑफिस पे अट्ठासी करोड़ का नेट कलेक्शन इंडिया से निकाला हुआ था जिसका ग्रोस करे तो होता है एक करोड़ छिहत्तर लाख तो इंडिया का जो लाइफ टाइम ग्रोस कलेक्शन था फिल्म का वो करीबन एक करोड़ के आसपास का निकल के आया और सिर्फ से इस फिल्म ने करीबन ग्यारह करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया जिसके चलते एक करोड़ से ज्यादा का इस फिल्म ने ग्रोस कलेक्शन किया बॉक्स ऑफिस पे तो चालीस करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने एक से बीस करोड़ का ग्रोस कलेक्शन करते हुए बॉक्स ऑफिस पे एक सक्सेसफुल का टेक मार्क हासिल किया वैसे इस फिल्म को थिएटर जैसे मैंने कहा कि 2 जून 2023 को रिलीज किया था नाउ डेज जिस तरह से फिल्में रिलीज हो रही है तो करीबन वा, वन और टू मंथ्स के अंदर ओ टी टी पे प्रीमियर करवा दी जा स, जाती है लेकिन इस फिल्म को काफी वेट करवाया था ऑलमोस्ट करी करीबन करीबन थिएटरकल रिलीज के 11-12 महीने के बाद इस फिल्म को प्रीमियर करवाया गया जियो सिनेमा के द्वारा 17 मई 2024 को उनके ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर जहां पे उन्होंने इस फिल्म को काफी सारी लैंग्वेजेस में डब करके रिलीज किया हुआ है हिंदी मेन लैंग्वेज तो शामिल ही था इसके अलावा तमिल कन्नडा तेलुगु मलयालम बंगाली मराठी और भोजपुरी तो इन सभी वर्ज़न में डब करके साथ ही में रिलीज़ किया हुआ है तो ये सभी वर्ज़न ऑफिशियली वहाँ पे अवेलेबल किए हुए एक साथ में तो टोटल इस इस फिल्म को आठ वर्ज़न में अवेलेबल किया हुआ है जियो सिनेमा के द्वारा तो फ़िलहाल में ज़रा हट के ज़रा बच की फिल्म ऑफिशियली अगर आपको ऑफिशियली देखनी है तो ओ टी टी प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन हिंदी तमिल कन्नड़ा तेलगू मलयालम बंगाली मराठी और भोजपुरी वर्जनस में देख सकते हो इस फिल्म का जो हिंदी सैटेलाइट वर्जन है वो आपको देखने को मिल जाएगा कलर सिनेप्लेक्स टेलीविज़न चैनल के ऊपर ज़रा जर बच हट के ज़रा बच के आ, हिंदी वर्जन में बिल्कुल फ्री में वहाँ पे प्रीमियर होता हुआ नज़र आएगा तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि ज़रा हट के ज़रा बच के फिल्म फ़िलहाल में अगर आपको ऑफिशियली ओ पे देखनी है तो जियो सिनेमा ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर हिंदी तमिल कन्नड़ा तेलगू मलयालम बंगाली मराठी भोजपुरी इन सभी वर्जन में आप देख सकते हो विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन वहीं पर इस फिल्म का हिंदी सेटेलाइट वर्जन आपको बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नज़र आएगा कलर सीनेप्लेक्स टेलीविजन चैनल के ऊपर तो वहाँ पे फिल्म हिंदी वर्जन में सैटेलाइट पे भी देख सकते हो तो इस तरह से ज़रा हट के ज़रा बच के फिल्म आप ओ टी सैटेलाइट दोनों प्लेटफॉर्म के ऊपर देख सकते हो जरा हट के ज़रा बच के ये एक दो की इंडियन हिंदी लैंग्वेज रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है इस फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया हुआ है लक्ष्मण उत्तेकन स्टोरी आइडिया उनका था स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले था वो मायत्री वाजपाई और रमीज़ इलाज खान ने क्या हुआ है डायलॉग्स भी उन्होंने ही लिखे हुए दिनेश विजान और ज्योति देश पांडे के द्वारा इस फिल्म को करीबन 40 करोड़ के बजट में मेडॉक फिल्म और जियो स्टूडियोज प्रोडक्शन कंपनी के नीचे बनाया हुआ था पेन मरुदकर सिने एंटरटेनमेंट के द्वारा इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था जिन्होंने इस फिल्म को एक अच्छी खासी रिलीज़ दिलवाई थी सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म को यू सर्टिफिकेट मिला हुआ था लीड कास्ट में आपको विकी कौसलारा लिखान देखने को मिलेंगे सिनेमेटोग्राफी राघव रामडोस ने की हुई है एडिटिंग इस फिल्म के मनीष प्रधान ने किए हुए जिन्होंने एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म दो घंटे बारह मिनट लंबी देखने को मिलेगी इसके अलावा इस फिल्म के दूसरे स्पेक्ट के ऊपर बातचीत करें तो म्यूज़िक डिपार्टमेंट में बैकग्राउंड स्कोर संदीप सिरो ने किया हुआ है सॉन्ग्स और सचिन जिगर ने कंपोज किए हुए इसके अलावा इस फिल्म के म्यूज़िक के राइट्स और सारे का मवालों ने खरीदे हुए कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो विक्की कौशल लीड रोल में देखने को मिलते जिन्होंने कपिल दुबे का रोल प्ले किया हुआ है उनके अपोजिट सारा अली खान को कास्ट किया हुआ है जिन्होंने सोमिया चावला दुबे का रोल UH, का प्ले किया हुआ है इनाम उल हक इस फिल्म में बंदा बेनदास ईश्वरा दास सहाय का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे सुष्मिता मुखर्जी ने रोशनी चावला का रोल प्ले किया हुआ है नीरज सूद ने इस फिल्म में पुरुषोत्तम मामा का रोल प्ले किया हुआ है राकेश बेदी ने हरचरण चावला का रोल प्ले किया हुआ है सारिफ हाशमी को इस फिल्म में दरोगा रघुवंशी का रोल मिला हुआ है आकाश खुराना ने इस फिल्म में वेद प्रकाश दुबे का रोल प्ले किया हुआ है प्रिया पंडित इस फिल्म में दीपा मामी का रोल प्ले करते हुए नज़र आएंगे अनुपमा फतेहपुरा इस फिल्म में आपको ममता बुदुबे का रोल प्ले करते हुए नजर आएगी हिमांशु कोहली ने इस फिल्म में मनोज बाग बघेल का रोल प्ले किया हुआ है सृष्टि गांगुली रिंदानी ने इस फिल्म में मेहजा बिन का रोल प्ले किया हुआ है विवान शाह ने इस फिल्म में सज्जन का रोल प्ले किया हुआ है डिम्पी मिश्रा या ने इस फिल्म में डिम्पी सर का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा अतुल तिवारी जज का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे तो ये फिल्म की लीड प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले किए हुए हैं इस फिल्म को कब बनाया गया था कैसे क्या शूट किया गया था उसके ऊपर कुछ खास जानकारी नहीं मिली थी वैसे कुछ रूमर्स आई थी कि लुका चुपी का सेकंड पार्ट आने वाला है लेकिन लेटर ऑन जब इस फिल्म को अनाउंस किया गया तब पता चला कि इस फिल्म को अलग टाइटल दिया हुआ है जहाँ पे कोई सेकंड पार्ट नहीं है इस फिल्म का टाइटल ज़रा हट के ज़रा बच के दिया हुआ है शूटिंग कंप्लीट करने के बाद इस फिल्म के टीज़र ट्रेलर को भी रिलीज किया गया था जिसको एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला था म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सचिन जिगर के द्वारा बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स कंपोज किए गए लिरिक्स से वो अमिताभ भट्टाचार्य ने लिखे हुए जहाँ पे इस फिल्म के गानों को दो में रिकॉर्ड किया गया था टोटल चार ट्रैक थे जिसकी लेंथ थी पंद्रह मिनट पच्चीस सेकंड ट्रैक लिस्टिंग करें पहला गाना फिर और क्या चाहिए इस गाने को फर्स्ट सिंगल के तौर पे सारे गमा के द्वारा 16 मई 2023 को रिलीज किया था जिसको अरिजीत सिंह ने गाया हुआ था तेरे वास्ते गाने को 22 मई 2023 को सेकंड सिंगल के तौर पे सारे कमा म्यूजिक के द्वारा रिलीज़ किया गया था जिसको वरुण जैन सचिन जिगर फरीदी और तमाश फरीदी ने गाया हुआ था बेबी तुझे पाप लगेगा गाने को थर्ड सिंगल के तौर पर पच्चीस मई दो को ऑफिशियली रिलीज किया था जिसको हिमेश रे ने और सचिन जिगर ने गाया हुआ था वैसे वो गाना आ, का, का, काफी अच्छा चला था वहीं पर संजा सांझा करके जो गाना था उसको फोर्थ सिंगल के तौर पर उनतीस मई दो को संचा सचित टंडन और शिल्पा राव सचिन जिगर के साथ गवाते हुए रिलीज़ करवाया हुआ था तो इन सभी गानों को 2 जून 2023 तक पूरे एल्बम को रिलीज़ करवाया था वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में सारे गमा के द्वारा ये सभी गाने वहाँ पे उनके यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में सुनने को मिल जाएंगे ये सभी गाने बॉक्स ऑफिस पे सॉरी ये सभी गाने काफ़ी चार्ट बस्टर हुए थे सभी गाने वर्क किए थे जिसके चलते फिल्म की इनिशियली जो बज नहीं थी वो आसानी से क्रिएट हो चुकी थी बाद में वर्ड ऑफ माउथ के चलते फिल्म काफ़ी बढ़िया तरीके से वर्क कर गई थी इस फिल्म की कहानी थी वो एक मिडिल क्लास फैमिली के ऊपर थी एक मिडिल क्लास है फी कपल था उसके ऊपर कहानी थी इन दो से इस कहानी को बेस किया हुआ था जहाँ पे एक गवर्नमेंट के प्रोग्राम के थ्रू इस एक अपना खुद का मकान लेना चाहते थे जिसके चलते वो एक डिवोर्स करना चाहते थे इन सभी चीज़ों के झमेलों में इस फिल्म की कहानी को बनाया हुआ है जहाँ पर एक अच्छा खासा फ़न का तड़का लगाया हुआ है साथ ही में एक सोशल मैसेज भी डिलीवर किया हुआ है क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से जो वर्ड ऑफ माउथ था वो काफ़ी अच्छा था जहाँ पे सारा अली खान विकी कौशल का, का काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस सराहा गया था दोनों की एक्टिंग की काफ़ी सराहना की गई थी स्टोरी लाइन फिल्म के लोगों को पसंद आई थी म्यूजिक डिपार्टमेंट में लिरिशीज थे गाने थे वो सभी चीज़ें फिल्म के लिए काफ़ी बढ़िया तरीके से वर्क कर जाती है सिनेमेटोग्राफी काफ़ी बढ़िया थी स्मॉल टाउन कपल की जो लाइफ थी उसको जिस तरह से दिखाया हुआ था वो काफ़ी बढ़िया नजर आता है डिरेक्टर लक्ष्मण उतेकर के द्वारा एक अच्छी फिल्म बनाई गई ओवरऑल एक डिसेंट फिल्म थी जो काफ़ी बढ़िया तरीके से लोगों को पसंद आएगी हिट करेगी कॉमेडी चीज़ अच्छे थे बैकग्राउंड स्कोर अच्छा था फिल्म का एडिटिंग फिल्म की काफ़ी क्रिस्प की गई थी करीबन दो घंटे के आसपास के रन टाइम के साथ इस फिल्म को बनाया हुआ था सिनेमाटोग्राफर ने बेस्ट पॉसिबल वे में सभी चीज़ों को कवर करके दिखाया हुआ था लीड कास्ट के अलावा जो सपोर्टिंग एक्टर्स थे उनकी भी काफ़ी शानदार परफॉर्मेंसेज देखने को मिलती है ओवरऑल प्रोडक्शन वेली भी फिल्म की काफ़ी बढ़िया नज़र आती है तो टेक्निकली भी वेल मेड बनी हुई फिल्म थी कहानी भी अच्छी थी और अच्छी परफॉर्मेंसेज भी देखने को मिली थी थिएट्रिकली इस फिल्म को दो जून दो को रिलीज किया था जब फिल्म को थिएट्रिकली रिलीज़ किया गया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से इस फिल्म ने एक अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स हासिल किया जिसके चलते चौदह हजार वोट इस फिल्म को आईमडी पे अभी तक मिले हुए जिसमें छः पॉइंट चार की रेटिंग हासिल हुई है दस में से इस फिल्म ने अपने पहले दिन करीबन करीबन पाँच करोड़ उन पचास लाख का नेट कलेक्शन इंडिया से किया हुआ था सैटरडे के दिन उसमें करीबन थर्टी परसेंट से ज़्यादा का ग्रोथ देखने को मिला वर्ड ऑफ माउथ पॉजिटिव आया उसके चलते इस फिल्म ने सात करोड़ बीस लाख का कलेक्शन किया संडे के दिन और कुछ चालीस जितना ग्रोथ देखने को मिला सैटरडे के मुकाबले जिसके चलते नौ करोड़ नब्बे लाख का इस फिल्म ने नेट कलेक्शन इंडिया से किया जिसके चलते अपना पहला वीकेंड इंडिया में बाईस करोड़ उनसाठ लाख का नेट कलेक्शन निकाला हुआ था उसके बाद में वीकडेज में भी इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से होल्ड दिखाया मंडे के दिन चार करोड़ लाख का कलेक्शन किया ट्यूसडे के दिन तीन करोड़ सतासी लाख का कलेक्शन किया वेनस्डे के दिन तीन करोड़ इक्यावन लाख और थर्सडे के दिन तीन करोड़ चौबीस लाख का कलेक्शन करते हुए पहला वीक था इस फिल्म का करीबन करीबन सौ सैंतीस करोड़ पैंतीस लाख का निकल के आया हुआ था उसके बाद में सेकंड वीकेंड में इस फिल्म ने फ्राइडे के दिन तीन करोड़ बयालीस लाख का सैटरडे के दिन पाँच करोड़ छिहत्तर लाख का और संडे के दिन सात करोड़ दो लाख का कलेक्शन करते हुए सेकंड वीकेंड सोलह करोड़ बीस लाख का निकाला हुआ था उसके बाद में वीकडेज़ के ऊपर इस फिल्म ने मंडे के दिन सात दो करोड़ सत्तर लाख का सेकंड ट्यूजडे के ऊपर दो करोड़ बावन लाख का सेकंड वेनस्डे के ऊपर दो करोड़ पच्चीस लाख और सेकंड थर्टी के ऊपर एक करोड़ अट्ठानवे लाख का कलेक्शन करते हुए सेकंड वीक पच्चीस करोड़ पैंसठ लाख का निकाला हुआ था तो टोटल दो वीक का कलेक्शन इस फिल्म का इंडिया से करीबन तिरसठ करोड़ का निकल के आया हुआ था थर्ड वीक में भी इस फिल्म ने एक डिसेंट अमाउंट ऑफ कलेक्शन किया था जहाँ पे फ्राइडे के दिन इस फिल्म ने एक करोड़ आठ लाख का कलेक्शन किया सैटरडे के दिन एक करोड़ उन्सी लाख का संडे के दिन दो करोड़ चौंतीस लाख का कलेक्शन करते हुए इस फिल्म ने थर्ड वीकेंड पाँच करोड़ इकतीस लाख का निकाला हुआ था उसके सामने इस फिल्म ने मंडे के दिन वीकडेज़ में एक करोड़ आठ लाख का ट्यूजडे के दिन नाइन्टी लाख का वेनजडे के दिन एक करोड़ आठ लाख और थर्सडे के दिन एक करोड़ आठ लाख का कलेक्शन करते हुए थर्ड वीकेंड नौ करोड़ चौवन लाख का निकाला हुआ था जिसके चलते इस फिल्म ने तीन वीक के अंदर बहत्तर करोड़ चौवन लाख का इंडिया से नेट कलेक्शन करके दिखाया हुआ था उसके बाद में इस फिल्म ने चौथे फ्राइडे के ऊपर एक करोड़ पैंतीस लाख का कलेक्शन किया चौथे सैटरडे के ऊपर दो करोड़ पच्चीस लाख का कलेक्शन किया और संडे के ऊपर दो करोड़ अट्ठासी लाख का कलेक्शन करते हुए चौथा वीकेंड था और तीसरे वीकेंड से बेहतर निकला जहाँ पर तीसरा वीकेंड पाँच करोड़ इकतीस लाख का था चौथा वीकेंड छः करोड़ अड़तालीस लाख का निकल के आया था उसके बाद में वीकडेज में भी इस फिल्म ने बेहतर परफॉर्मेंस दिखाई मंडे के दिन नाइन्टी लाख का कलेक्शन ट्यूजडे के 90 लाख का कलेक्शन और थर्सडे के दिन इस फिल्म ने 72 लाख का कलेक्शन किया जिसके चलते इस फिल्म ने टोटल 28 दिनों के अंदर यानी कि चार वीक के अंदर बयासी लाख और सॉरी करोड़ तिरपन लाख का कलेक्शन निकाला हुआ था उसके बाद में फिल्म ने अपने पांचवें वी वीकेंड में दो करोड़ तेरह लाख का कलेक्शन किया था और पूरे पाँचवें वीक में तीन करोड़ अड़तीस लाख का कलेक्शन किया था पाँच वीक के अंदर इस फिल्म ने करीबन करीबन बॉक्स ऑफिस पे पिचासी करोड़ इक्यानवे लाख का कलेक्शन इंडिया से निकाला हुआ था उसके बाद में इस फिल्म ने अपने छठे वीकेंड के ऊपर एक करोड़ बीस लाख का कलेक्शन किया जहाँ पे पूरा छठा वीक एक करोड़ चौवन लाख का था सातवें वीक में इस फिल्म ने पचपन लाख का कलेक्शन किया जिसके चलते ये फिल्म ने टोटल सात वीक के अंदर बॉक्स ऑफिस पे अट्ठासी करोड़ का नेट कलेक्शन इंडिया से निकाला हुआ था जिसका ग्रोस करे तो होता है एक सौ चार करोड़ छिहत्तर लाख तो इंडिया का जो लाइफ टाइम ग्रोस कलेक्शन था फिल्म का वो करीबन एक सौ पाँच करोड़ के आसपास का निकल के आया और सिर से इस फिल्म ने करीबन ग्यारह करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया जिसके चलते एक सौ पंद्रह करोड़ से ज्यादा का इस फिल्म ने ग्रोस कलेक्शन किया बॉक्स ऑफिस पे तो चालीस करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने एक सौ पंद्रह से बीस करोड़ का ग्रोस कलेक्शन करते हुए बॉक्स ऑफिस पे एक सक्सेसफुल का टेक मार्क हासिल किया वैसे इस फिल्म को थिएटर ली जैसे मैंने कहा कि 2 जून 2023 को रिलीज़ किया था नाव डेज जिस तरह से फिल्में रिलीज हो रही है तो करीबन वा, वन और टू मंथ्स के अंदर ओ टी टी पे प्रीमियर करवा दी जा स, जाती है लेकिन इस फिल्म को काफ़ी वेट करवाया था ऑलमोस्ट खरी करीबन करीबन थिएट्रिकल रिलीज के 11 12 महीने के बाद इस फिल्म को प्रीमियर करवाया गया जियो सिनेमा के द्वारा 17 मई 2024 को उनके ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर जहां पे उन्होंने इस फिल्म को काफ़ी सारी लैंग्वेजेस में डब करके रिलीज किया हुआ है हिंदी मेन लैंग्वेज तो शामिल ही था इसके अलावा तमिल कन्नडा तेलुगु मलयालम बंगाली मराठी और भोजपुरी तो इन सभी वर्ज़न में डब करके साथ ही में रिलीज़ किया हुआ है तो ये सभी वर्ज़न ऑफिशियली वहाँ पर अवेलेबल किए हुए एक साथ में तो टोटल टो इस इस फिल्म को आठ वर्ज़न में अवेलेबल किया हुआ है जियो सिनेमा के द्वारा तो फिलहाल में ज़रा हट के ज़रा बच की फिल्म ऑफिशियली अगर आपको ऑफिशियली देखनी है तो ओ टी टी प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन हिंदी तमिल कन्नडा तेलगू मलयालम बंगाली मराठी और भोजपुरी वर्जन में देख सकते हो इस फिल्म का जो हिंदी सैटेलाइट वर्जन है वो आपको देखने को मिल जाएगा कलर सिनेप्लेक्स टेलीविज़न चैनल के ऊपर ज़रा जार बच हट के ज़रा बच के आ, हिंदी वर्जन में बिल्कुल फ्री में वहाँ पे प्रीमियर होता हुआ नज़र आएगा तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि ज़रा हट के ज़रा बच के फिल्म फ़िलहाल में अगर आपको ऑफिशियली ओ टी टी पर देखनी है तो जियो सिनेमा ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर हिंदी तमिल कन्नडा तेलुगु मलयालम बंगाली मराठी भोजपुरी इन सभी वर्ज़न में आप देख सकते हो विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन वहीं पर इस फिल्म का हिंदी से रिलाइट वर्जन आपको बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा कलर सिनेप्लेक्स टेलीविजन चैनल के ऊपर तो वहाँ पे फिल्म हिंदी वर्धन में सेटेलाइट पे भी देख सकते हो तो इस तरह से ज़रा हट के ज़रा बच के फिल्म आप ओ टी टी सैटेलाइट दोनों प्लेटफॉर्म के ऊपर देख सकते हो जरा हट के ज़रा बच के ये एक दो की इंडियन हिंदी लैंग्वेज रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है इस फिल्म को लिखा और डिरेक्ट किया हुआ है लक्ष्मण उत्यका स्टोरी आइडिया उनका था स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले था वो बाजपाई और रमीज़ इलाज खान ने किया हुआ है डायलॉग्स भी उन्होंने ही लिखे हुए दिनेश विजान और ज्योति देश पांडे के द्वारा इस फिल्म को करीबन चालीस करोड़ के बजट में मेडॉक फिल्म और जियो स्टूडियोज प्रोडक्शन कंपनी के नीचे बनाया हुआ था पेन मरुद्त् सिने एंटरटेनमेंट के द्वारा इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था जिन्होंने इस फिल्म को एक अच्छी खासी रिलीज दिलवाई थी सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म को यू सर्टिफिकेट मिला हुआ था लीड कास्ट में आपको विकी कौशलसारा अली खान देखने को मिलेंगे सिनेमेटोग्राफी राघव रामडोज ने की हुई है एडिटिंग इस फिल्म के मनीष प्रधान ने किए हुए जिन्होंने एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म दो घंटे बारह मिनट लंबी देखने को मिलेगी इसके अलावा इस फिल्म के दूसरे स्पेक्ट के ऊपर बातचीत करें तो म्यूजिक डिपार्टमेंट में बैकग्राउंड स्कोर संदीप सिरोतकर ने किया हुआ है सॉन्ग्स और सचिन जिगर ने कंपोज किए हुए इसके अलावा इस फिल्म के म्यूज़िक के राइट्स और सारे वालों ने खरीदे हुए कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो विक्की कौशल लीड रोल में देखने को मिलती है जिन्होंने कपिल दुबे का रोल प्ले किया हुआ है उनके अपोजिट सारा अली खान को कास्ट किया हुआ है जिन्होंने सोमिया चावला दुबे का रोल प्ले किया हुआ है इनाम उल हक इस फिल्म में बंदा बेनदास ईश्वरा दास सहाय का रोल प्ले करते हुए नज़र आएंगे सुष्मिता मुखर्जी ने रोशनी चावला का रोल प्ले किया हुआ है नीरज सूद ने इस फिल्म में पुरुषोत्तम मामा का रोल प्ले किया हुआ है राकेश बेदी ने हर चरण चावला का रोल प्ले किया हुआ है सारी सारे में को इस फिल्म में दरोगा रघुवंशी का रोल मिला हुआ है आके आकाश खुराना ने इस फिल्म में वेद प्रकाश दुबे का रोल प्ले किया हुआ है प्रिया पंडित इस फिल्म में दीपा मामी का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे अनुपमा फतेहपुरा इस फिल्म में आपको ममता अब्बु का रोल प्ले करते हुए नजर आएगी हिमांशु कोहली ने इस फिल्म में मनोज बाग बघेल का रोल प्ले किया हुआ सृष्टि गांगुली रिंदानी ने इस फिल्म में मेहजा बिन का रोल प्ले किया हुआ है विवाना साह ने इस फिल्म में सज्जन का रोल प्ले किया हुआ है टिम्पी मिश्रा ने इस फिल्म में डिम्पी सर का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा अतुल तिवारी जज का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे तो ये फिल्म के लीड प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले किए हुए इस फिल्म को कब बनाया गया था कैसे क्या शूट किया गया था उसके ऊपर कुछ खास जानकारी नहीं मिली थी वैसे कुछ रूमर्स आई थी कि लुका चुपी का सेकंड पार्ट आने वाला है लेकिन लेटर ऑन जब इस फिल्म को अनाउंस किया गया तब पता चला कि इस फिल्म को अलग टाइटल दिया हुआ है जहाँ पर कोई सेकंड पार्ट नहीं है इस फिल्म का टाइटल ज़रा हट के ज़रा बच के दिया हुआ है शूटिंग कम्प्लीट करने के बाद इस फिल्म के टीजर ट्रेलर को भी रिलीज किया गया था जिसको एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला था म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सचिन जिगर के द्वारा बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स कंपोज किए गए लिरिक्स से वो अमिताभ भट्टाचार्य ने लिखे हुए जहाँ पे इस फिल्म के गानों को दो में रिकॉर्ड किया गया था टोटल चार ट्रैक थे जिसके लेंथ थे पंद्रह मिनट पच्चीस सेकंड ट्रैक लिस्टिंग करे पहला गाना फिर और क्या चाहिए इस गाने को फर्स्ट सिंगल के तौर पे सारे गवा के द्वारा 16 मई 2023 को रिलीज किया था जिसको अरिजीत सिंह ने गाया हुआ था तेरे वास्ते गाने को 22 मई 2023 को सेकंड सिंगल के तौर पे सारे कमा म्यूज़िक के द्वारा रिलीज़ किया गया था जिसको वरुण जैन सचिन जिगर फरीदी और तमाश फरीदी ने गाया हुआ था बेबी तुझे पाप लगेगा गाने को थर्ड सिंगल के तौर पे 25 मई 2023 को ऑफिशियली रिलीज़ किया था जिसको हिमेश रेशमिया ने और सचिन जिगर ने गाया हुआ था वैसे वो गाना का, का, काफ़ी अच्छा चला था वहीं पर संजा सांझा करके जो गाना था उसको फोर्थ सिंगल के तौर पर उनतीस मई दो को सचित टंडन और इस सिल्पर राव सचिन जिगर के साथ गवाते हुए रिलीज़ करवाया हुआ था तो इन सभी गानों को 2 जून 2023 तक पूरे एल्बम को रिलीज़ करवाया था वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में सारे गमा के द्वारा ये सभी गाने वहाँ पर उनके यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में सुनने को मिल जाएंगे ये सभी गाने बॉक्स ऑफिस पे सॉरी ये सभी गाने काफ़ी चार्ट बस्टर हुए थे सभी गाने वर्क किए थे जिसके चलते फिल्म की इनिशियली जो बज नहीं थी वो वो आस आसानी से क्रिएट हो चुकी थी बाद में वर्ड ऑफ माउथ के चलते फिल्म काफ़ी बढ़िया तरीके से वर्क कर गई थी इस फिल्म की कहानी थी वो एक मिडिल क्लास फैमिली के ऊपर थी एक मिडिल क्लास हैप्पी मेरिड कपल था उसके ऊपर कहानी थी इन दो से इस कहानी को बेस किया हुआ था जहाँ पे एक गवर्नमेंट के प्रोग्राम के थ्रू इस एक अपना खुद का मकान लेना चाहते थे जिसके चलते वो एक डिवोर्स करना चाहते थे इन सभी चीज़ों के झमेलों में इस फिल्म की कहानी को बनाया हुआ है जहाँ पर एक अच्छा खासा फ़न का तड़का लगाया हुआ है साथ ही में एक सोशल मैसेज भी डिलीवर किया हुआ है क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से जो वर्ड ऑफ माउथ था वो काफ़ी अच्छा था जहाँ पे सारा अली खान विकी कौशल का, का काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस सराहा गया था दोनों की एक्टिंग की काफ़ी सराहना की गई थी स्टोरी लाइन फिल्म के लोगों को पसंद आई थी म्यूजिक डिपार्टमेंट में लिरीसिस थे गाने थे वो सभी चीज़ें फिल्म के लिए काफ़ी बढ़िया तरीके से वर्क कर जाती है सिनेमेटोग्राफी काफ़ी बढ़िया थी स्मॉल टाउन कपल की जो लाइफ थी उसको जिस तरह से दिखाया हुआ था वो काफ़ी बढ़िया नज़र आता है डायरेक्टर लक्ष्मण उतेकर के द्वारा एक अच्छी फिल्म बनाई गई ओवरऑल एक डिसेंट फिल्म थी जो काफ़ी बढ़िया तरीके से लोगों को पसंद आएगी हिट करेगी कॉमेडी अच्छे थे बैकग्राउंड स्कोर अच्छा था फिल्म का एडिटिंग फिल्म की काफ़ी क्रिस्प की गई थी करीबन घंटे के आसपास के के रन टाइम साथ इस फिल्म को बनाया हुआ था ने बेस्ट पॉसिबल वे में सभी चीजों को कवर करके दिखाया हुआ था लीड कास्ट के अलावा जो सपोर्टिंग एक्टर्स थे उनकी भी काफ़ी शानदार देखने को मिलती है ओवरऑल प्रोडक्शन भी फिल्म की काफी बढ़िया नजर आती है तो टेक्निकली भी वेल मेड बनी हुई फिल्म थी कहानी भी अच्छी थी और अच्छी परफॉर्मेंसिस भी देखने को मिली थी थिएट्रिकली इस फिल्म को दो जून दो को रिलीज किया था जब फिल्म को थिएट्रिकली रिलीज किया गया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से इस फिल्म ने एक अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस हासिल किया जिसके चलते 14,000 हजार वोट इस फिल्म को आईमडीबी पे अभी तक मिले हुए जिसमें 6.4 चार की रेटिंग हासिल हुई है दस में से इस फिल्म ने अपने पहले दिन करीबन करीबन पाँच करोड़ उन पचास लाख का नेट कलेक्शन इंडिया से किया हुआ था सैटरडे के दिन उसमें करीबन थर्टी परसेंट से ज्यादा का ग्रोथ देखने को मिला वर्ड ऑफ माउथ पॉजिटिव आया उसके चलते इस फिल्म ने सात करोड़ बीस लाख का, का कलेक्शन किया संडे के दिन और कुछ चालीस जितना ग्रोथ देखने को मिला सैटरडे के मुकाबले जिसके चलते नौ करोड़ नब्बे लाख का इस फिल्म ने नेट कलेक्शन इंडिया से किया जिसके चलते अपना पहला वीकेंड इंडिया में बाईस करोड़ उनसाठ लाख का नेट कलेक्शन निकाला हुआ था उसके बाद में वीकडेज में भी इस फिल्म ने काफी बढ़िया तरीके से होल्ड दिखाया मंडे के दिन चार करोड़ चौदह लाख का कलेक्शन किया ट्यूजडे के दिन तीन करोड़ सतासी लाख का कलेक्शन किया वेनस्डे के दिन तीन करोड़ इक्यावन लाख और थर्सडे के दिन तीन करोड़ चौबीस लाख का कलेक्शन करते हुए पहला वीक था इस फिल्म का करीबन करीबन सैंतीस uh, करोड़ पैंतीस लाख का निकल के आया हुआ था उसके बाद में सेकंड वीकेंड में इस फिल्म ने फ्राइडे के दिन तीन करोड़ बयालीस लाख का सैटरडे के दिन पाँच करोड़ छिहत्तर लाख का और संडे के दिन सात करोड़ दो करो लाख का कलेक्शन करते हुए सेकंड वीकेंड सोलह करोड़ बीस लाख का निकाला हुआ था उसके बाद में वीकडेज के ऊपर इस फिल्म ने मंडे के दिन सात दो करोड़ सत्तर लाख का सेकंड ट्यूजडे के ऊपर दो करोड़ बावन लाख का सेकंड वेनस्डे के ऊपर दो करोड़ पच्चीस लाख और सेकंड थर्सडे के ऊपर एक करोड़ अट्ठानवे लाख का कलेक्शन करते हुए सेकंड वीक पच्चीस करोड़ पैसठ लाख का निकाला हुआ था तो टोटल दो वीक का कलेक्शन इस फिल्म का इंडिया से करीबन तिरसठ करोड़ का निकल के आया हुआ था थर्ड वीक में भी इस फिल्म ने एक डिसेंट अमाउंट ऑफ कलेक्शन किया था जहाँ पे फ्राइडे के दिन इस फिल्म ने एक करोड़ आठ लाख का कलेक्शन किया सैटरडे के दिन एक करोड़ उन्सी लाख का संडे के दिन दो करोड़ चौंतीस लाख का कलेक्शन करते हुए इस फिल्म ने थर्ड वीकेंड पाँच करोड़ इकतीस लाख का निकाला हुआ था उसके सामने इस फिल्म ने मंडे के दिन वीकडेज में एक करोड़ आठ लाख का ट्यूजडे के दिन नाइन्टी लाख का वेनजे के दिन एक करोड़ आठ लाख और थर्सडे के दिन एक करोड़ आठ लाख का कलेक्शन करते हुए थर्ड वीकेंड नौ करोड़ चौवन लाख का निकाला हुआ था जिसके चलते इस फिल्म ने तीन वीक के अंदर बहत्तर करोड़ चौवन लाख का इंडिया से नेट कलेक्शन करके दिखाया हुआ था उसके बाद में इस फिल्म ने चौथे फ्राइडे के ऊपर एक करोड़ पैंतीस लाख का कलेक्शन किया चौथे सैटरडे के ऊपर दो करोड़ पच्चीस लाख का कलेक्शन किया और संडे के ऊपर दो करोड़ अट्ठासी लाख का कलेक्शन करते हुए चौथा वीकेंड था और तीसरे वीकेंड से बेहतर निकला जहाँ पर तीसरा वीकेंड पाँच करोड़ इकतीस लाख का था तो चौथा वीकेंड छः करोड़ अड़तालीस लाख का निकल के आया था उसके बाद में वीकडेज़ में भी इस फिल्म ने बेहतर परफॉर्मेंस दिखाई मंडे के दिन नाइन्टी लाख का कलेक्शन ट्यूजडे के दिन नाइन्टी लाख का कलेक्शन और थर्सडे के दिन इस फिल्म ने सेवेंटी लाख का कलेक्शन किया जिसके चलते इस फिल्म ने टोटल 28 दिनों के अंदर यानी कि चार वीक के अंदर बयासी लाख ओ सॉरी बयासी करोड़ तिरपन लाख का कलेक्शन निकाला हुआ था उसके बाद में फिल्म ने अपने पाँचवें वी वीकेंड में दो करोड़ तेरह लाख का कलेक्शन किया था और पूरे पाँचवें वी वीक में तीन करोड़ अड़तीस लाख का कलेक्शन किया था पाँच वीक के अंदर इस फिल्म ने करीबन करीबन बॉक्स ऑफिस पे पिचासी करोड़ इक्यानवे लाख का कलेक्शन इंडिया से निकाला हुआ था उसके बाद में इस फिल्म ने अपने छठे वीकेंड के ऊपर एक करोड़ बीस लाख का कलेक्शन किया जहाँ पर पूरा छठा वीक एक करोड़ चौवन लाख का था सातवें वी वीक में इस फिल्म ने पचपन लाख का कलेक्शन किया जिसके चलते ये फिल्म ने टोटल सात वीक के अंदर बॉक्स ऑफिस पे अट्ठासी करोड़ का नेट कलेक्शन इंडिया से निकाला हुआ था जिसका ग्रोस करे तो होता है सौ करोड़ छिहत्तर लाख तो इंडिया का जो लाइफ टाइम ग्रोस कलेक्शन था फिल्म का वो करीबन एक करोड़ के आसपास का निकल के आया और इससे इस फिल्म ने करीबन ग्यारह करोड़ से ज़्यादा का कलेक्शन किया जिसके चलते एक करोड़ से ज़्यादा का इस फिल्म ने ग्रोस कलेक्शन किया बॉक्स ऑफिस पे तो चालीस करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने एक से बीस करोड़ का ग्रोस कलेक्शन करते हुए बॉक्स ऑफिस पे एक सक्सेसफुल का टेक मार्क हासिल किया वैसे इस फिल्म को थिएटर ट्रिकली जैसे मैंने कहा कि 2 जून 2023 को रिलीज किया था नाव डेज जिस तरह से फिल्में रिलीज़ हो रही है तो करीबन वा वन और टू मंथ्स के अंदर ओ टी टी पे प्रीमियर करवा दी जा सक जाती है लेकिन इस फिल्म को काफ़ी वेट करवाया था ऑलमोस्ट करी करीबन करीबन थिएट्रिकल रिलीज के 11-12 महीने के बाद इस फिल्म को प्रीमियर करवाया गया जियो सिनेमा के द्वारा 17 मई 2024 को उनके ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर जहां पे उन्होंने इस फिल्म को काफ़ी सारी लैंग्वेजेज़ में डब करके रिलीज़ किया हुआ है हिंदी मेन लैंग्वेज तो शामिल ही था इसके अलावा तमिल कन्नडा तेलुगू मलयालम बंगाली मराठी और भोजपुरी तो इन सभी वर्ज़न में डब करके साथ ही में रिलीज़ किया हुआ है तो ये सभी वर्ज़न ऑफिशियली वहाँ पर अवेलेबल किए हुए एक साथ में तो टोटल इस इस फिल्म को आठ वर्ज़न में अवेलेबल किया हुआ है जियो सिनेमा के द्वारा तो फिलहाल में ज़रा हट के ज़रा बच की फिल्म ऑफिशियली अगर आपको ऑफिशियली देखनी है तो ओ टी टी प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन हिंदी तमिल कन्नडा तेलगू मलयालम बंगाली मराठी और भोजपुरी वर्जन में देख सकते हो इस फिल्म का जो हिंदी सैटेलाइट वर्जन है वो आपको देखने को मिल जाएगा कलर सिनेप्लेक्स टेलीविज़न चैनल के ऊपर ज़रा बच हट के ज़रा बच के आ, हिंदी वर्जन में बिल्कुल फ्री में वहाँ पे प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि ज़रा हट के ज़रा बच के फिल्म फ़िलहाल में अगर आपको ऑफिशियली ओ पे देखनी है तो जियो सिनेमा ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर हिंदी तमिल कन्नडा तेलगु मलयालम बंगाली मराठी भोजपुरी इन सभी वर्जन में आप देख सकते हो विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन वहीं पर इस फिल्म का हिंदी सेटेलाइट वर्जन आपको बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नज़र आएगा कलर सीनेप्लेक्स टेलीविजन चैनल के ऊपर तो वहाँ पे फिल्म हिंदी वर्जन में सैटेलाइट पे भी देख सकते हो तो इस तरह से ज़रा हट के ज़रा बज के फिल्म आप ओ टी टी सैटेलाइट दोनों प्लेटफॉर्म के ऊपर देख सकते हो जरा हट के ज़रा बज के ये एक दो की इंडियन हिंदी लैंग्वेज रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है इस फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया हुआ है लक्ष्मण उत्तेकन स्टोरी आइडिया उनका था स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले था वो मायत्री वाजपाई और रमीज़ इलाज खान ने किया हुआ है डायलॉग्स भी उन्होंने ही लिखे हुए दिनेश विजान और ज्योति देश पांडे के द्वारा इस फिल्म को करीबन चालीस करोड़ के बजट में मेडॉक फिल्म और जियो स्टूडियोज प्रोडक्शन कंपनी के नीचे बनाया हुआ था पेन मरुत् सिने एंटरटेनमेंट के द्वारा इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था जिन्होंने इस फिल्म को एक अच्छी खासी रिलीज़ दिलवाई थी सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म को यू ए सर्टिफिकेट मिला हुआ था लीड कास्ट में आपको विक्की कौशल सारा अली खान देखने को मिलेंगे सिनेमेटोग्राफी राघव रामडोस ने की हुई है एडिटिंग इस फिल्म के मनीष प्रधान ने किए हुए जिन्होंने एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म दो घंटे बारह मिनट लंबी देखने को मिलेगी इसके अलावा इस फिल्म के दूसरे स्पेक्ट के ऊपर बातचीत करें तो म्यूज़िक डिपार्टमेंट में बैकग्राउंड स्कोर संदीप सिरोतका ने किया हुआ है सॉन्ग्स और सचिन जिगर ने कंपोज किए हुए इसके अलावा इस फिल्म के म्यूज़िक के राइट्स और सारे का मवालों ने खरीदे हुए कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो विक्की कौशल लीड रोल में देखने को मिलते जिन्होंने कपिल दुबे का रोल प्ले किया हुआ है उनके अपोजिट सारा अली खान को कास्ट किया हुआ है जिन्होंने सोमिया चावला दुबे का रोल प्ले किया हुआ है इनाम उल हक इस फिल्म में बंदा बेनदास ईश्वरा दास सहाय का रोल प्ले करते हुए नज़र आएंगे सुष्मिता मुखर्जी ने रोशनी चावला का रोल प्ले किया हुआ है नीरज सूद ने इस फिल्म में पुरुषोत्तम मामा का रोल प्ले किया हुआ है राकेश बेदी ने हरचरण चावला का रोल प्ले किया हुआ है सारिफ हाशमी को इस फिल्म में दरोगा रघुवंशी का रोल मिला हुआ है आकाश खुराना ने इस फिल्म में वेद प्रकाश दुबे का रोल प्ले किया हुआ है प्रिया पंडित इस फिल्म में दीपा मामी का रोल प्ले करते हुए नज़र आएंगे अनुपमा फतेहपुरा इस फिल्म में आपको ममता दुबे का रोल प्ले करते हुए नजर आएगी हिमांशु कोहली ने इस फिल्म में मनोज बाग बघेल का रोल प्ले किया हुआ है सृष्टि गांगुली रिंदानी ने इस फिल्म में मेहजा बिन का रोल प्ले किया हुआ है विवान शाह ने इस फिल्म में सज्जन का रोल प्ले किया हुआ है टिम्पी मिश्रा ने इस फिल्म में डिम्पी सर का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा अतुल तिवारी जज का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे तो ये फिल्म के लीड प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले किए हुए इस फिल्म को कब बनाया गया था कैसे क्या शूट किया गया था उसके ऊपर कुछ खास जानकारी नहीं मिली थी वैसे कुछ रूमर्स आई थी कि लुका चुपी का सेकंड पार्ट आने वाला है लेकिन लेटर जब इस फिल्म को अनाउंस किया गया तब पता चला कि इस फिल्म को अलग टाइटल दिया हुआ है जहाँ पर कोई सेकंड पार्ट नहीं है इस फिल्म का टाइटल ज़रा हट के ज़रा बच के दिया हुआ है शूटिंग कम्प्लीट करने के बाद इस फिल्म के टीज़र ट्रेलर को भी रिलीज़ किया गया था जिसको एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला था म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सचिन जिगर के द्वारा बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स कंपोज किए गए लिरिक्स से वो अमिताभ भट्टाचार्य ने लिखे हुए जहाँ पे इस फिल्म के गानों को दो में रिकॉर्ड किया गया था टोटल चार ट्रैक थे जिसकी थे पंद्रह मिनट पच्चीस सेकंड ट्रैक लिस्टिंग करे पहला गाना फिर और क्या चाहिए इस गाने को फर्स्ट सिंगल के तौर पे सारे गमा के द्वारा 16 मई 2023 को रिलीज़ किया था जिसको अरिजीत सिंह ने गाया हुआ था तेरे वास्ते गाने को 22 मई 2023 को सेकंड सिंगल के तौर पे सारे गमा म्यूज़िक के द्वारा रिलीज़ किया गया था जिसको वरुण जैन सचिन जिगर सदाफ फरीदी और ततमाश फरीदी ने गाया हुआ था बेबी तुझे पाप लगेगा गाने को थर्ड सिंगल के तौर पर पच्चीस मई दो को ऑफिशियली रिलीज़ किया था जिसको हिमेश रेशमिया ने और सचिन जिगर ने गाया हुआ था वैसे वो गाना आ, का, का काफी अच्छा चला था वहीं पे संजा सांझा करके जो गाना था उसको फो सिंगल के तौर पे 29 मई दो हज़ार तेईस को संचा सचित टंडन और शिल्पा राव सचित जिगर के साथ गवाते हुए रिलीज़ करवाया हुआ था तो इन सभी गानों को 2 जून 2023 तक पूरे एल्बम को रिलीज़ करवाया था वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में सारे गमा के द्वारा ये सभी गाने वहाँ पर उनके यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में सुनने को मिल जाएंगे ये सभी गाने बॉक्स ऑफिस पे सॉरी ये सभी गाने काफ़ी चार्ट बस्टर हुए थे सभी गाने वर्क किए थे जिसके चलते फिल्म की इनिशियली जो बज नहीं थी वो आसानी से क्रिएट हो चुकी थी बाद में वर्ड ऑफ माउथ के चलते फिल्म काफ़ी बढ़िया तरीके से वर्क कर गई थी इस फिल्म की कहानी थी वो एक मिडिल क्लास फैमिली के ऊपर थी एक मिडिल क्लास हैप्पी मेरिड कपल था उसके ऊपर कहानी थी इन दो से इस कहानी को बेस किया हुआ था जहाँ पे एक गवर्नमेंट के प्रोग्राम के थ्रू इस एक अपना खुद का मकान लेना चाहते थे जिसके चलते वो एक डिवोर्स करना चाहते थे इन सभी चीज़ों के झमेलों में इस फिल्म की कहानी को बनाया हुआ है जहाँ पर एक अच्छा खासा फ़न का तड़का लगाया हुआ है साथ ही में एक सोशल मैसेज भी डिलीवर किया हुआ है क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से जो वर्ड ऑफ माउथ था वो काफ़ी अच्छा था जहाँ पे सारा अली खान विकी कौल का, का काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस सराहा गया था दोनों की एक्टिंग की काफ़ी सराहना की गई थी स्टोरी लाइन फिल्म के लोगों को पसंद आई थी म्यूजिक डिपार्टमेंट में लिरिक्स थे गाने थे वो सभी चीज़ें फिल्म के लिए काफ़ी बढ़िया तरीके से वर्क कर जाती है सिनेमेटोग्राफी काफ़ी बढ़िया थी स्मॉल टाउन कपल की जो लाइफ थी उसको जिस तरह से दिखाया हुआ था वो काफ़ी बढ़िया नजर आता है डिरेक्टर लक्ष्मण उतेकर के द्वारा एक अच्छी फिल्म बनाई गई ओवरऑल एक डिसेंट फिल्म थी जो काफ़ी बढ़िया तरीके से लोगों को पसंद आएगी हिट करेगी कॉमेडी चीज़ अच्छे थे बैकग्राउंड स्कोर अच्छा था फिल्म का एडिटिंग फिल्म की काफ़ी क्रिस्प की गई थी करीबन दो घंटे के आसपास के रन टाइम के साथ इस फिल्म को बनाया हुआ था सिनेमाटोग्राफर ने बेस्ट पॉसिबल वे में सभी चीज़ों को कवर करके दिखाया हुआ था लीड कास्ट के अलावा जो तो सपोर्टिंग एक्टर्स थे उनकी भी काफ़ी शानदार परफॉर्मेंसिस देखने को मिलती है ओवरऑल प्रोडक्शन वेली भी फिल्म की काफ़ी बढ़िया नज़र आती है तो टेक्निकली भी वेल मेड बनी हुई फिल्म थी कहानी भी अच्छी थी और अच्छी परफॉर्मेंसेज भी देखने को मिली थी थिएट्रिकली इस फिल्म को दो जून दो को रिलीज़ किया था जब फिल्म को थिएट्रिकली रिलीज़ किया गया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से इस फिल्म ने एक अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस हासिल किया जिसके चलते चौदह हजार वोट इस फिल्म को IMDb पे अभी तक मिले हुए जिसमें छः पॉइंट चार की रेटिंग हासिल हुई है दस में से इस फिल्म ने अपने पहले दिन करीबन करीबन पाँच करोड़ उन लाख का नेट कलेक्शन इंडिया से किया हुआ था सैटरडे के दिन उसमें करीबन थर्टी परसेंट से ज़्यादा का ग्रोथ देखने को मिला वर्ड ऑफ माउथ पॉजिटिव आया उसके चलते इस फिल्म ने सात करोड़ बीस लाख का कलेक्शन किया संडे के दिन और कुछ चालीस जितना ग्रोथ देखने को मिला सैटरडे के मुकाबले जिसके चलते नौ करोड़ नब्बे लाख का इस फिल्म ने नेट कलेक्शन इंडिया से किया जिसके चलते अपना पहला वीकेंड इंडिया में बाईस करोड़ उनसाठ लाख का नेट कलेक्शन निकाला हुआ था उसके बाद में वीकडेज में भी इस फिल्म ने काफी बढ़िया तरीके से होल्ड दिखाया मंडे के दिन चार करोड़ लाख का कलेक्शन किया ट्यूजडे के दिन तीन करोड़ सतासी लाख का कलेक्शन किया वेनस्डे के दिन तीन करोड़ इक्यावन लाख और थर्सडे के दिन तीन करोड़ चौबीस लाख का कलेक्शन करते हुए पहला वीक था इस फिल्म का करीबन करीबन सौ सैंतीस करोड़ पैंतीस लाख का निकल के आया हुआ था उसके बाद में सेकंड वीकेंड में इस फिल्म ने फ्राइडे के दिन तीन करोड़ बयालीस लाख का सैटरडे के दिन पाँच करोड़ छिहत्तर लाख का और संडे के दिन सात करोड़ दो लाख का कलेक्शन करते हुए सेकंड वीकेंड सोलह करोड़ बीस लाख का निकाला हुआ था उसके बाद में वीकडेज़ के ऊपर इस फिल्म ने मंडे के दिन सात दो करोड़ सत्तर लाख का सेकंड ट्यूजडे के ऊपर दो करोड़ बावन लाख का सेकंड वेनर्जे के ऊपर दो करोड़ पच्चीस लाख और सेकंड थर्डी के ऊपर एक करोड़ अट्ठानवे लाख का कलेक्शन करते हुए सेकंड वीक पच्चीस करोड़ पैंसठ लाख का निकाला हुआ था तो टोटल दो वीक का कलेक्शन इस फिल्म का इंडिया से करीबन तिरसठ करोड़ का निकल के आया हुआ था थर्ड वीक में भी इस फिल्म ने एक डिसेंट अमाउंट ऑफ कलेक्शन किया था जहाँ पे फ्राइडे के दिन इस फिल्म ने एक करोड़ आठ लाख का कलेक्शन किया सैटरडे के दिन एक करोड़ उन्सी लाख का संडे के दिन दो करोड़ चौंतीस लाख का कलेक्शन करते हुए इस फिल्म ने थर्ड वीकेंड पाँच करोड़ इकतीस लाख का निकाला हुआ था उसके सामने इस फिल्म ने मंडे uh, के दिन वीक डेज में एक करोड़ आठ लाख का ट्यूजडे के दिन नाइन्टी नाइन लाख का वेनजडे के दिन एक करोड़ आठ लाख और थर्सडे के दिन एक करोड़ आठ लाख का कलेक्शन करते हुए थर्ड वीकेंड नौ करोड़ चौवन लाख का निकाला हुआ था जिसके चलते इस फिल्म ने तीन वीक के अंदर बहत्तर करोड़ चौवन लाख का इंडिया से नेट कलेक्शन करके दिखाया हुआ था उसके बाद में इस फिल्म ने चौथे फ्राइडे के ऊपर एक करोड़ पैंतीस लाख का कलेक्शन किया चौथे सैटरडे के ऊपर दो करोड़ पच्चीस लाख का कलेक्शन किया और संडे के ऊपर दो करोड़ अट्ठासी लाख का कलेक्शन करते हुए चौथा वीकेंड था और तीसरे वीकेंड से बेहतर निकला जहाँ पर तीसरा वीकेंड पाँच करोड़ इकतीस लाख का था चौथा तो वीकेंड छः करोड़ अड़तालीस लाख का निकल के आया था उसके बाद में वीक डेज में भी इस फिल्म ने बेहतर परफॉर्मेंस दिखाई मंडे के दिन नाइन्टी लाख का कलेक्शन ट्यूजडे के दिन नाइन्टी लाख का कलेक्शन और थर्सडे के दिन इस फिल्म ने सेवेंटी लाख का कलेक्शन किया जिसके चलते इस फिल्म ने टोटल अट्ठाईस दिनों के, के अंदर यानी कि चार वीक के अंदर बयासी लाख और सॉरी बयासी करोड़ तिरपन लाख का कलेक्शन निकाला हुआ था उसके बाद में फिल्म ने अपने पाँचवें वीकेंड में दो करोड़ तेरह लाख का कलेक्शन किया था और पूरे पाँचवें वीक में तीन करीवन, करीवन, करोड़ अड़तीस लाख का कलेक्शन किया था पाँच वीक के अंदर इस फिल्म ने करीबन करीबन बॉक्स ऑफिस पर पिचासी करोड़ इक्यानवे लाख का कलेक्शन इंडिया से निकाला हुआ था उसके बाद में इस फिल्म ने अपने छठे वीकेंड के ऊपर एक करोड़ बीस लाख का कलेक्शन किया जहाँ पे पूरा छठा वीक एक करोड़ चौवन लाख का था सातवें वीक में इस फिल्म ने पचपन लाख का कलेक्शन किया जिसके चलते ये फिल्म ने तो टोटल सात वीक के अंदर बॉक्स ऑफिस पे अट्ठासी करोड़ का नेट कलेक्शन इंडिया से निकाला हुआ था जिसका ग्रोस करे तो होता है एक करोड़ छिहत्तर लाख तो इंडिया का जो लाइफ टाइम ग्रोस कलेक्शन था फिल्म का वो करीबन एक करोड़ के आसपास का निकल के आया और इससे इस फिल्म ने करीबन ग्यारह करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया जिसके चलते एक करोड़ से ज्यादा का इस फिल्म ने ग्रोस कलेक्शन किया बॉक्स ऑफिस पे तो चालीस करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने एक से बीस करोड़ का ग्रोस कलेक्शन करते हुए बॉक्स ऑफिस पे एक सक्सेसफुल का टेक मार्क हासिल किया वैसे इस फिल्म को थिएटर जैसे मैंने कहा कि 2 जून 2023 को रिलीज किया था नाउ डेज जिस तरह से फिल्में रिलीज हो रही है तो करीबन वन और टू मंथ्स के अंदर ओ टी टी पे प्रीमियर करवा दी जा जाती है लेकिन इस फिल्म को काफी वेट करवाया था ऑलमोस्ट खरी करीबन करीबन थिएटरकल रिलीज के 11 12 महीने के बाद इस फिल्म को प्रीमियर करवाया गया जियो सिनेमा के द्वारा 17 मई 2024 को उनके ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर जहां पे उन्होंने इस फिल्म को काफ़ी सारी लैंग्वेजेस में डब करके रिलीज किया हुआ है हिंदी मेन लैंग्वेज तो शामिल ही था इसके अलावा तमिल कन्नडा तेलुगु मलयालम बंगाली मराठी और भोजपुरी तो इन सभी वर्ज़न में डब करके साथ ही में रिलीज़ किया हुआ है तो ये सभी वर्जन ऑफिशियली वहाँ पे अवेलेबल किए हुए एक साथ में तो टोटल टो इस इस फिल्म को आठ वर्ज़न में अवेलेबल किया हुआ है जियो सिनेमा के द्वारा तो फिलहाल में ज़रा हट के ज़रा बच की फिल्म ऑफिशियली अगर आपको ऑफिशियली देखनी है तो ओ टी टी प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन हिंदी तमिल कन्नडा तेलगू मलयालम बंगाली मराठी और भोजपुरी वर्जन में देख सकते हो इस फिल्म का जो हिंदी सैटेलाइट वर्जन है वो आपको देखने को मिल जाएगा कलर सिनेप्लेक्स टेलीविज़न चैनल के ऊपर ज़रा बच हट के ज़रा बच के आ, हिंदी वर्जन में बिल्कुल फ्री में वहाँ पे प्रीमियर होता हुआ नज़र आएगा तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि ज़रा हट के ज़रा बच के फिल्म फ़िलहाल में अगर आपको ऑफिशियली ओ टी टी पे देखनी है तो जियो सिनेमा ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर हिंदी तमिल कन्नड़ा तेलगू मलयालम बंगाली मराठी भोजपुरी इन सभी वर्जन में आप देख सकते हो विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन वहीं पर इस फिल्म का हिंदी सेटेलाइट वर्जन आपको बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नज़र आएगा कलर सीनीप्लेक्स टेलीविजन चैनल के ऊपर तो वहाँ पे फिल्म हिंदी वर्धन में सेटेलाइट पे भी देख सकते हो तो इस तरह से ज़रा हट के ज़रा बच के फिल्म आप ओ टी सेटेलाइट दोनों प्लेटफॉर्म के ऊपर देख सकते हो जरा हट के ज़रा बच के ये एक दो की इंडियन हिंदी लैंग्वेज रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है इस फिल्म को लिखा और डिरेक्ट किया हुआ है लक्ष्मण उत्तेकन स्टोरी आइडिया उनका था स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले था वो और रमीज़ इलाज खान ने क्या हुआ है डायलॉग्स भी उन्होंने ही लिखे हुए दिनेश विजान और ज्योति देश पांडे के द्वारा इस फिल्म को करीबन चालीस करोड़ के बजट में मेडॉक फिल्म और जियो स्टूडियोज प्रोडक्शन कंपनी के नीचे बनाया हुआ था पेन मरुद्कर सिने एंटरटेनमेंट के द्वारा इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था जिन्होंने इस फिल्म को एक अच्छी खासी रिलीज़ दिलवाई थी सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म को यूए सर्टिफिकेट मिला हुआ था लीड कास्ट में आपको विकी कौसलसारा अली खान देखने को मिलेंगे सिनेमेटोग्राफी राघव रामडोस ने की हुई है एडिटिंग इस फिल्म के मनीष प्रधान ने की हुई है जिन्होंने एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फ़िल्म दो घंटे बारह मिनट लंबी देखने को मिलेगी इसके अलावा इस फिल्म के दूसरे स्पेक्ट के ऊपर बातचीत करें तो म्यूजिक डिपार्टमेंट में बैकग्राउंड स्कोर और संदीप सिरोतकर ने किया हुआ है सॉन्ग्स और सचिन जिगर ने कंपोज किए हुए इसके अलावा इस फिल्म के म्यूज़िक के राइट्स और सारेगा मावालों ने खरीदे हुए कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो विक्की कौशल लीड रोल में देखने को मिलती है जिन्होंने कपिल दुबे का रोल प्ले किया हुआ है उनके अपोजिट सारा अली खान को कास्ट किया हुआ है जिन्होंने सोमिया चावला दुबे का रोल प्ले किया हुआ है इनाम उल हक इस फिल्म में बंदा बेनदास ईश्वरा दास सहाय का रोल प्ले करते हुए नज़र आएंगे सुष्मिता मुखर्जी ने रोशनी चावला का रोल प्ले किया हुआ है नीरज सूद ने इस फिल्म में पुरुषोत्तम मामा मा का रोल प्ले किया हुआ है राकेश बेदी ने हरचरण चावला का रोल प्ले किया हुआ है सारिभ हाशमी को इस फिल्म में दरोगा रघुवंशी का रोल मिला हुआ है आकाश खुराना ने इस फिल्म में वेद प्रकाश दुबे का रोल प्ले किया हुआ है प्रिया पंडित इस फिल्म में दीपा मामी का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे अनुपमा फतेहपुरा इस फिल्म में आपको ममता दुबे का रोल प्ले करते हुए नजर आएगी हिमांशु कोहली ने इस फिल्म में मनोज बाग बघेल का रोल प्ले किया हुआ है सृष्टि गांगुली रिंदानी ने इस फिल्म में मेहजा बीन का रोल प्ले किया हुआ है विवान शाह ने इस फिल्म में सज्जन का रोल प्ले किया हुआ है डिम्पी मिश्रा ने इस फिल्म में डिम्पी सर का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा अतुल तिवारी जज का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे तो ये फिल्म के लीड प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले किए हुए इस फिल्म को कब बनाया गया था कैसे क्या शूट किया गया था तो उसके ऊपर कुछ खास जानकारी नहीं मिली थी वैसे कुछ रूमर्स आई थी कि लुका चुपी का सेकंड पार्ट आने वाला है लेकिन लेटर जब इस फिल्म को अनाउंस किया गया तब पता चला कि इस फिल्म को अलग टाइटल दिया हुआ है जहाँ पे कोई सेकंड पार्ट नहीं है इस फिल्म का टाइटल ज़रा के ज़रा बच के दिया हुआ है शूटिंग कम्प्लीट करने के बाद इस फिल्म के टीजर ट्रेलर को भी रिलीज किया गया था जिसको एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला था म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सचिन जिगर के द्वारा बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स कंपोज किए गए लिरिक्स से वो अमिताभ भट्टाचार्य ने लिखे हुए जहाँ पे इस फिल्म के गानों को दो में रिकॉर्ड किया गया था टोटल चार ट्रैक थे जिसकी थी पंद्रह मिनट पच्चीस सेकंड ट्रैक लिस्टिंग करें पहला गाना फिर और क्या चाहिए इस गाने को फर्स्ट सिंगल के तौर पे सारे गमां के द्वारा 16 मई 2023 को रिलीज़ किया था जिसको अरिजीत सिंह ने गाया हुआ था तेरे वास्ते गाने को 22 मई 2023 को सेकंड सिंगल के तौर पे सारे गमा म्यूज़िक के द्वारा रिलीज़ किया गया था जिसको वरुण जैन सचिन जिगर फरीदी और ततमास फरीदी ने गाया हुआ था बेबी तुझे पाप लगेगा गाने को थर्ड सिंगल के तौर पर पच्चीस मई दो को ऑफिशियली रिलीज़ किया था जिसको हिमेश रेशमिया ने और सचिन जिगर ने गाया हुआ था वैसे वो गाना आ, का काफ़ी अच्छा चला था वहीं पे संजा सांझा करके जो गाना था उसको फो सिंगल के तौर पे 29 मई दो हज़ार तेईस को संचा सचित टंडन और सििल पर राव सचिन जिगर के साथ गवाते हुए रिलीज़ करवाया हुआ था तो इन सभी गानों को 2 जून 2023 तक पूरे एल्बम को रिलीज़ करवाया था वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में सारे गमा के द्वारा ये सभी गाने वहाँ पे उनके यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में सुनने को मिल जाएंगे ये सभी गाने बॉक्स ऑफिस पे सॉरी ये सभी गाने काफ़ी चार्ट बस्टर हुए थे सभी गाने वर्क किए थे जिसके चलते फिल्म की इनिशियली जो बज नहीं थी वो आस आसानी से क्रिएट हो चुकी थी बाद में वर्ड ऑफ माउथ के चलते फिल्म काफ़ी बढ़िया तरीके से वर्क कर गई थी इस फिल्म की कहानी थी वो एक मिडिल क्लास फैमिली के ऊपर थी एक मिडिल क्लास हैप्पी मेरिड कपल था उसके ऊपर कहानी थी इन दो से इस कहानी को बेस किया हुआ था जहाँ पे एक गवर्नमेंट के प्रोग्राम के थ्रू इस एक अपना खुद का मकान लेना चाहते थे जिसके चलते वो एक डिवोर्स करना चाहते थे इन सभी चीज़ों के झमेलों में इस फिल्म की कहानी को बनाया हुआ है जहाँ पर एक अच्छा खासा फ़न का तड़का लगाया हुआ है साथ ही में एक सोशल मैसेज भी डिलीवर किया हुआ है क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से जो वर्ड ऑफ माउथ था वो काफ़ी अच्छा था जहाँ पे सारा अली खान विकी कौशल का काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस रहा गया था दोनों की एक्टिंग की काफ़ी सराहना की गई थी स्टोरी लाइन फिल्म के लोगों को पसंद आई थी म्यूजिक डिपार्टमेंट में लिरसीज थे गाने थे वो सभी चीज़ें फिल्म के लिए काफ़ी बढ़िया तरीके से वर्क कर जाती है सिनेमेटोग्राफी काफ़ी बढ़िया थी स्मॉल टाउन कपल की जो लाइफ थी उसको जिस तरह से दिखाया हुआ था वो काफ़ी बढ़िया नजर आता है डायरेक्टर लक्ष्मण उतेकर के द्वारा एक अच्छी फिल्म बनाई गई ओवरऑल एक डिसेंट फिल्म थी जो काफ़ी बढ़िया तरीके से लोगों को पसंद आएगी हिट करेगी कॉमेडी चीज़ अच्छे थे बैकग्राउंड स्कोर अच्छा था फिल्म का एडिटिंग फिल्म की काफ़ी क्रिस्प की गई थी करीबन दो घंटे के आसपास के रन टाइम के साथ इस फिल्म को बनाया हुआ था सिनेमाटोग्राफर ने बेस्ट पॉसिबल वे में सभी चीज़ों को कवर करके दिखाया हुआ था लीड कास्ट के अलावा जो सपोर्टिंग एक्टर्स थे उनकी भी काफ़ी शानदार परफॉर्मेंसिस देखने को मिलती है ओवरऑल प्रोडक्शन वाली भी फिल्म की काफ़ी बढ़िया नज़र आती है तो टेक्निकली भी वेल मेड बनी हुई फिल्म थी कहानी भी अच्छी थी और अच्छी परफॉर्मेंसेज भी देखने को मिली थी थिएट्रिकली इस फिल्म को दो जून दो को रिलीज किया था जब फिल्म को थिएट्रिकली रिलीज किया गया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से इस फिल्म ने एक अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस हासिल किया जिसके चलते चौदह हजार वोट इस फिल्म को आईमडी पे अभी तक मिले हुए जिसमें छः पॉइंट चार की रेटिंग हासिल हुई है दस में से इस फिल्म ने अपने पहले दिन करीबन करीबन पाँच करोड़ उन लाख का नेट कलेक्शन इंडिया से किया हुआ था सैटरडे के दिन उसमें करीबन थर्टी परसेंट से ज़्यादा का ग्रोथ देखने को मिला वर्ड ऑफ माउथ पॉजिटिव आया उसके चलते इस फिल्म ने सात करोड़ बीस लाख का, का कलेक्शन किया संडे के दिन और कुछ चालीस जितना ग्रोथ देखने को मिला सैटरडे के मुकाबले जिसके चलते नौ करोड़ नब्बे लाख का इस फिल्म ने नेट कलेक्शन इंडिया से किया जिसके चलते अपना पहला वीकेंड इंडिया में बाईस करोड़ उनसाठ लाख का नेट कलेक्शन निकाला हुआ था उसके बाद में वीकडेज में भी इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से होल्ड दिखाया मंडे के दिन चार करोड़ लाख का कलेक्शन किया ट्यूसडे के दिन तीन करोड़ सतासी लाख का कलेक्शन किया वेनस्डे के दिन तीन करोड़ इक्यावन लाख और थर्सडे के दिन तीन करोड़ चौबीस लाख का कलेक्शन करते हुए पहला वीक था इस फिल्म का करीबन करीबन सैंतीस करोड़ पैंतीस लाख का निकल के आया हुआ था उसके बाद में सेकंड वीकेंड में इस फिल्म ने फ्राइडे के दिन तीन करोड़ बयालीस लाख का सैटरडे के दिन पाँच करोड़ छिहत्तर लाख का और संडे के दिन सात करोड़ दो लाख का कलेक्शन करते हुए सेकंड वीकेंड सोलह करोड़ बीस लाख का निकाला हुआ, हुआ था उसके बाद में वीकडेज़ के ऊपर इस फिल्म ने मंडे के दिन सात दो करोड़ सत्तर लाख का सेकंड ट्यूजडे के ऊपर दो करोड़ बावन लाख का सेकंड वेनस्डे के ऊपर दो करोड़ पच्चीस लाख और सेकंड थर्टी के ऊपर एक करोड़ अट्ठानवे लाख का कलेक्शन करते हुए सेकंड वीक पच्चीस करोड़ पैंसठ लाख का निकाला हुआ था तो टोटल दो वीक का कलेक्शन इस फिल्म का इंडिया से करीबन तिरसठ करोड़ का निकल के आया हुआ था थर्ड वीक में भी इस फिल्म ने एक डिसेंट अमाउंट ऑफ कलेक्शन किया था जहाँ पे फ्राइडे के दिन इस फिल्म ने एक करोड़ आठ लाख का कलेक्शन किया सैटरडे के दिन एक करोड़ उन्सी लाख का संडे के दिन दो करोड़ चौंतीस लाख का कलेक्शन करते हुए इस फिल्म ने थर्ड वीकेंड पाँच करोड़ इकतीस लाख का निकाला हुआ था उसके सामने इस फिल्म ने मंडे के दिन वीकडेज में एक करोड़ आठ लाख का ट्यूजडे के दिन नाइन्टी नाइन लाख का वेनजे के दिन एक करोड़ आठ लाख और थर्सडे के दिन एक करोड़ आठ लाख का कलेक्शन करते हुए थर्ड वीकेंड नौ करोड़ चौवन लाख का निकाला हुआ था जिसके चलते इस फिल्म ने तीन वीक के अंदर बहत्तर करोड़ चौवन लाख का इंडिया से नेट कलेक्शन करके दिखाया हुआ था उसके बाद में इस फिल्म ने चौथे फ्राइडे के ऊपर एक करोड़ पैंतीस लाख का कलेक्शन किया चौथे सेटरडे के ऊपर दो करोड़ पच्चीस लाख का कलेक्शन किया और संडे के ऊपर दो करोड़ अट्ठासी लाख का कलेक्शन करते हुए चौथा वीकेंड था और तीसरे वीकेंड से बेहतर निकला जहाँ पे तीसरा वीकेंड पाँच करोड़ इकतीस लाख का था चौथा वीकेंड छः करोड़ अड़तालीस लाख का निकल के आया था उसके बाद में वीक डेज में भी इस फिल्म ने बेहतर परफॉर्मेंस दिखाई मंडे के दिन नाइन्टी लाख का कलेक्शन ट्यूजडे के दिन नाइन्टी लाख का कलेक्शन और थर्सडे के दिन इस फिल्म ने सेवेंटी लाख का कलेक्शन किया जिसके चलते इस फिल्म ने टोटल अट्ठाईस दिनों के अंदर यानी कि चार वीक के अंदर बयासी लाख और सॉरी बयासी करोड़ तिरपन का कलेक्शन निकाला हुआ था उसके बाद में फिल्म ने अपने पांचवें वीकेंड में दो करोड़ तेरह लाख का कलेक्शन किया था और पूरे पाँचवें वीक में तीन करोड़ अड़तीस लाख का कलेक्शन किया था पांच वीक के अंदर इस फिल्म ने करीबन करीबन बॉक्स ऑफिस पर पिचासी करोड़ इक्यानवे लाख का कलेक्शन इंडिया से निकाला हुआ था उसके बाद में इस फिल्म ने अपने छठे वीकेंड के ऊपर एक करोड़ बीस लाख का कलेक्शन किया जहाँ पे पूरा छठा वीक एक करोड़ चौवन लाख का था सातवें वीक में इस फिल्म ने पचपन लाख का कलेक्शन किया जिसके चलते ये फिल्म ने टोटल सात वीक के अंदर बॉक्स ऑफिस पे अट्ठासी करोड़ का नेट कलेक्शन इंडिया से निकाला हुआ था जिसका ग्रोस करे तो होता है एक सौ करोड़ छिहत्तर लाख तो इंडिया का जो लाइफ टाइम ग्रोस कलेक्शन था फिल्म का वो करीबन एक सौ करोड़ के आसपास का निकल के आया और इससे इस फिल्म ने करीबन ग्यारह करोड़ से ज़्यादा का कलेक्शन किया जिसके चलते एक सौ पंद्रह करोड़ से ज़्यादा का इस फिल्म ने ग्रोस कलेक्शन किया बॉक्स ऑफिस पे तो चालीस करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने एक सौ पंद्रह से बीस करोड़ का ग्रोस कलेक्शन करते हुए बॉक्स ऑफिस पे एक सक्सेसफुल का टेक मार्क हासिल किया वैसे इस फिल्म को थिएट्रिकली जैसे मैंने कहा कि 2 जून 2023 को रिलीज़ किया था नाव डेज जिस तरह से फिल्में रिलीज़ हो रही है तो करीबन वा वन और टू मंथ्स के अंदर ओ टी टी पे प्रीमियर करवा दी जा जाती है लेकिन इस फिल्म को काफ़ी वेट करवाया था ऑलमोस्ट खरी करीबन करीबन थिएट्रिकल रिलीज़ के 11-12 महीने के बाद इस फिल्म को प्रीमियर करवाया गया जियो सिनेमा के द्वारा 17 मई 2024 को उनके ओ टी टी के ऊपर जहां पे उन्होंने इस फिल्म को काफ़ी सारी लैंग्वेजेस में डब करके रिलीज़ किया हुआ है हिंदी मेन लैंग्वेज तो शामिल ही था इसके अलावा तमिल कन्नडा तेलुगु मलयालम बंगाली मराठी और भोजपुरी तो इन सभी वर्जन में डब करके साथ ही में रिलीज किया हुआ है तो ये सभी वर्जन ऑफिशियली वहाँ पर अवेलेबल किए हुए एक साथ में तो टोटल तो तो इस, इस फिल्म को आठ वर्जन में अवेलेबल किया हुआ है जियो सिनेमा के द्वारा तो फिलहाल में ज़रा हट के ज़रा बच के फिल्म ऑफिशियली अगर आपको ऑफिशियली देखनी है तो ओ टी टी प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन हिंदी तमिल कन्नड़ा तेलुगु मलयालम बंगाली मराठी और भोजपुरी वर्जन में देख सकते हो इस फिल्म का जो हिंदी सैटेलाइट वर्जन है वो आपको देखने को मिल जाएगा कलर सिनेप्लेक्स टेलीविज़न चैनल के ऊपर ज़रा हट के ज़रा बच के आ, हिंदी वर्जन में बिल्कुल फ्री में वहाँ पे प्रीमियर होता हुआ नज़र आएगा तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि ज़रा हट के ज़रा बच के फिल्म फ़िलहाल में अगर आपको ऑफिशियली ओटीटी पे देखनी है तो जियो सिनेमा ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर हिंदी तमिल कन्नडा तेलुगु मलयालम बंगाली मराठी भोजपुरी इन सभी वर्जन में आप देख सकते हो विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन वहीं पर इस फिल्म का हिंदी सेटेलाइट वर्जन आपको बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा कलर सिनेप्लेक्स टेलीविजन चैनल के ऊपर तो वहाँ पे फिल्म हिंदी वर्जन में सैटेलाइट पे भी देख सकते हो तो इस तरह से ज़रा हट के ज़रा बच के फिल्म आप ओ टी टी सैटेलाइट दोनों प्लेटफॉर्म के ऊपर देख सकते हो जरा हट के ज़रा बच के ये एक 2023 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है इस फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया हुआ है लक्ष्मण उद्यकन स्टोरी आइडिया उनका था स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले था वो मायत्री बाजपाई और रमीज़ इलाज खान ने किया हुआ है डायलॉग्स भी उन्होंने ही लिखे हुए दिनेश विजान और ज्योति देश पांडे के द्वारा इस फिल्म को करीबन 40 करोड़ के बजट में मेडॉक फिल्म्स और जियो स्टूडियोज प्रोडक्शन कंपनी के नीचे बनाया हुआ था पेन मरुद्त् सिने एंटरटेनमेंट के द्वारा इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था जिन्होंने इस फिल्म को एक अच्छी खासी रिलीज दिलवाई थी सेंसर बोर्ड की तरफ से फ़िल्म को यू सर्टिफिकेट मिला हुआ था लीड कास्ट में आपको विकी कौशल सारा अली खान देखने को मिलेंगे सिनेमेटोग्राफी राघव रामडोस ने की हुई है एडिटिंग इस फिल्म के मनीष प्रधान ने की हुई है जिन्होंने 132 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म दो घंटे 12 मिनट लंबी देखने को मिलेगी इसके अलावा इस फिल्म के दूसरे स्पेक्ट के ऊपर बातचीत करें तो म्यूजिक डिपार्टमेंट में बैकग्राउंड स्कोर और संदीप सिरोतकर ने किया हुआ है सॉन्ग्स और सचिन जिगर ने कंपोज किए हुए हैं इसके अलावा इस फिल्म के म्यूज़िक के राइट्स और सारे का मवालों ने खरीदे हुए कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो विक्की को लीड रोल में देखने को मिलते जिन्होंने कपिल दुबे का रोल प्ले किया हुआ है उनके अपोजिट सारा अली खान को कास्ट किया हुआ है जिन्होंने सोमिया चावला दुबे का रोल प्ले किया हुआ है इनाम उल हक इस फिल्म में बंदा बंद ईश्वर दास सहाय का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे सुष्मिता मुखर्जी ने रोशनी चावला का रोल प्ले किया हुआ है नीरज सूद ने इस फिल्म में पुरुषोत्तम मामा का रोल प्ले किया हुआ है राकेश बेदी ने हरचरण चावला का रोल प्ले किया हुआ है सारिभ हाशमी को इस फिल्म में दरोगा रघुवंशी का रोल मिला हुआ आक, है आकाश खुराना ने इस फिल्म में वेद प्रकाश दुबे का रोल प्ले किया हुआ है कानूप्रिया पंडित इस फिल्म में दीपा मामी का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे अनुपमा फतेहपुरा इस फिल्म में आपको ममता बुदुबे का रोल प्ले करते हुए नज़र आएगी हिमांशु कोहली ने इस फिल्म में मनोज बाग बघेल का रोल प्ले किया हुआ है सृष्टि गांगुली रिंदानी ने इस फिल्म में मेहजा बिन का रोल प्ले किया हुआ है विवान शाह ने इस फिल्म में सज्जन का रोल प्ले किया हुआ है टिम्पी मिश्रा ने इस फिल्म में डिम्पी सर का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा अतुल तिवारी जज का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे तो ये फिल्म के लीड प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले किए हुए इस फिल्म को कब बनाया गया था कैसे क्या शूट किया गया था तो उसके ऊपर कुछ खास जानकारी नहीं मिली थी वैसे कुछ रूमर्स आई थी कि लुका चुपी का सेकंड पार्ट आने वाला है लेकिन लेटर ऑन जब इस फिल्म को अनाउंस किया गया तब पता चला कि इस फिल्म को अलग टाइटल दिया हुआ है जहाँ पे कोई सेकंड पार्ट नहीं है इस फिल्म का टाइटल ज़रा हट के ज़रा बच के दिया हुआ है शूटिंग कंप्लीट करने के बाद इस फिल्म के टीजर ट्रेलर को भी रिलीज किया गया था जिसको एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला था म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सचिन जिगर के द्वारा बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स कंपोज किए गए लिरिक्स से वो अमिताभ भट्टाचार्य ने लिखे हुए जहाँ पे इस फिल्म के गानों को दो में रिकॉर्ड किया गया था टोटल चार ट्रैक थे जिसके लेन थे पंद्रह मिनट पच्चीस सेकंड ट्रैक लिस्टिंग करें पहला गाना फिर और क्या चाहिए इस गाने को फर्स्ट सिंगल के तौर पर सारे गमां के द्वारा 16 मई 2023 को रिलीज़ किया था जिसको अरिजीत सिंह ने गाया हुआ था तेरे वास्ते गाने को 22 मई 2023 को सेकंड सिंगल के तौर पे सारे गमा म्यूजिक के द्वारा रिलीज़ किया गया था जिसको वरुण जैन सचिन जिगर फरीदी और ततमास फरीदी ने गाया हुआ था बेबी तुझे पाप लगेगा गाने को थर्ड सिंगल के तौर पर पच्चीस मई दो को ऑफिशियली रिलीज़ किया था जिसको हिमेश रे समिया ने और सचिन जिगर ने गाया हुआ था वैसे वो गाना आ, का, का काफ़ी अच्छा चला था वहीं पे संजा सांझा करके जो गाना था उसको फोर सिंगल के तौर पे 29 मई दो हज़ार तेईस को संचा सचित टंडन और शिल्पा राव सचिद जिगर के साथ गवाते हुए रिलीज़ करवाया हुआ था तो इन सभी गानों को 2 जून 2023 तक पूरे एल्बम को रिलीज़ करवाया था वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में सारे गमा के द्वारा ये सभी गाने वहाँ पर उनके यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में सुनने को मिल जाएंगे ये सभी गाने बॉक्स ऑफिस पे सॉरी ये सभी गाने काफ़ी चार्ट बस्टर हुए थे सभी गाने वर्क किए थे जिसके चलते फिल्म की इनिशियली जो बज नहीं थी वो आसानी से क्रिएट हो चुकी थी बाद में वर्ड ऑफ माउथ के चलते फिल्म काफ़ी बढ़िया तरीके से वर्क कर गई थी इस फिल्म की कहानी थी वो एक मिडिल क्लास फैमिली के ऊपर थी एक मिडिल क्लास हैप्पी फी मेरिड कपल था उसके ऊपर कहानी थी इन दो से इस कहानी को बेस किया हुआ था जहाँ पे एक गवर्नमेंट के प्रोग्राम के थ्रू इस एक अपना खुद का मकान लेना चाहते थे जिसके चलते वो एक डिवोर्स करना चाहते थे इन सभी चीज़ों के झमेलों में इस फिल्म की कहानी को बनाया हुआ है जहाँ पर एक अच्छा खासा फ़न का तड़का लगाया हुआ है साथ ही में एक सोशल मैसेज भी डिलीवर किया हुआ है क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से जो वर्ड ऑफ माउथ था वो काफ़ी अच्छा था जहाँ पे सारा अली खान विकी कौशल का, का काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस सराहा गया था दोनों की एक्टिंग की काफ़ी सराहना की गई थी स्टोरी लाइन फिल्म के लोगों को पसंद आई थी म्यूजिक डिपार्टमेंट में लिरीसिस थे गाने थे वो सभी चीज़ें फिल्म के लिए काफ़ी बढ़िया तरीके से वर्क कर जाती है सिनेमेटोग्राफी काफ़ी बढ़िया थी स्मॉल टाउन कपल की जो लाइफ थी उसको जिस तरह से दिखाया हुआ था वो काफ़ी बढ़िया नज़र आता है डिरेक्टर लक्ष्मण उतेकर के द्वारा एक अच्छी फिल्म बनाई गई ओवरऑल एक डिसेंट फिल्म थी जो काफ़ी बढ़िया तरीके से लोगों को पसंद आएगी हिट करेगी कॉमेडी अच्छे थे बैकग्राउंड स्कोर अच्छा था फिल्म का एडिटिंग फिल्म फिल्म की की काफ़ी क्रिस्प गई थी करीबन घंटे के 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 आसपास रन टाइम साथ इस फिल्म को बनाया हुआ था ने बेस्ट पॉसिबल वे में सभी चीजों को कवर करके दिखाया हुआ था लीड कास्ट के अलावा जो सपोर्टिंग एक्टर्स थे उनकी भी काफ़ी शानदार देखने को मिलती है ओवरऑल प्रोडक्शन वाली भी फिल्म की काफी बढ़िया नजर आती है तो टेक्निकली भी वेल मेड बनी हुई फिल्म थी कहानी भी अच्छी थी और अच्छी परफॉर्मेंसिस भी देखने को मिली थी थिएट्रिकली इस फिल्म को दो जून दो को रिलीज किया था जब फिल्म को थिएट्रिकली रिलीज किया गया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से इस फिल्म ने एक अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स हासिल किया जिसके चलते चौदह हजार वोट इस फिल्म को आईमडी पे अभी तक मिले हुए जिसमें छः पॉइंट चार की रेटिंग हासिल हुई है दस में से इस फिल्म ने अपने पहले दिन करीबन करीबन पाँच करोड़ उन लाख का नेट कलेक्शन इंडिया से किया हुआ था सैटरडे के दिन उसमें करीबन थर्टी परसेंट से ज्यादा का ग्रोथ देखने को मिला वर्ड ऑफ माउथ पॉजिटिव आया उसके चलते इस फिल्म ने सात करोड़ बीस लाख का कलेक्शन किया संडे के दिन और कुछ चालीस जितना ग्रोथ देखने को मिला सैटरडे के मुकाबले जिसके चलते नौ करोड़ नब्बे लाख का इस फिल्म ने नेट कलेक्शन इंडिया से किया जिसके चलते अपना पहला वीकेंड इंडिया में बाईस करोड़ उनसाठ लाख का नेट कलेक्शन निकाला हुआ था उसके बाद में वीकडेज में भी इस फिल्म ने काफी बढ़िया तरीके से होल्ड दिखाया मंडे के दिन चार करोड़ चौदह लाख का कलेक्शन किया ट्यूजडे के दिन तीन करोड़ सतासी लाख का कलेक्शन किया वेनस्डे के दिन तीन करोड़ इक्यावन लाख और थर्सडे के दिन तीन करोड़ चौबीस लाख का कलेक्शन करते हुए पहला वीक था इस फिल्म का करीबन करीबन सैंतीस करोड़ पैंतीस लाख का निकल के आया हुआ था उसके बाद में सेकंड वीकेंड में इस फिल्म ने फ्राइडे के दिन तीन करोड़ बयालीस लाख का सैटरडे के दिन पाँच करोड़ छिहत्तर लाख का और संडे के दिन सात करोड़ दो लाख का कलेक्शन करते हुए सेकंड वीकेंड सोलह करोड़ बीस लाख का निकाला हुआ था उसके बाद में वीकडेज के ऊपर इस फिल्म ने मंडे के दिन सात कर दो करोड़ सत्तर लाख का सेकंड ट्यूजडे के ऊपर दो करोड़ बावन लाख का सेकंड वेनर्डे के ऊपर दो करोड़ पच्चीस लाख और सेकंड थर्डी के ऊपर एक करोड़ अट्ठानवे लाख का कलेक्शन करते हुए सेकंड वीक पच्चीस करोड़ पैसठ लाख का निकाला हुआ था तो टोटल दो वीक का कलेक्शन इस फिल्म का इंडिया से करीबन तिरसठ करोड़ का निकल के आया हुआ था थर्ड वीक में भी इस फिल्म ने एक डिसेंट अमाउंट ऑफ कलेक्शन किया था जहाँ पे फ्राइडे के दिन इस फिल्म ने एक करोड़ आठ लाख का कलेक्शन किया सैटरडे के दिन एक करोड़ उन्सी लाख का संडे के दिन दो करोड़ चौंतीस लाख का कलेक्शन करते हुए इस फिल्म ने थर्ड वीकेंड पाँच करोड़ इकतीस लाख का निकाला हुआ था उसके सामने इस फिल्म ने मंडे के दिन वीकडेज में एक करोड़ आठ लाख का ट्यूजडे के दिन नाइन्टी लाख का वेनजे के दिन एक करोड़ आठ लाख और थर्सडे के दिन एक करोड़ आठ लाख का कलेक्शन करते हुए थर्ड वीकेंड नौ करोड़ चौवन लाख का निकाला हुआ था जिसके चलते इस फिल्म ने तीन वीक के अंदर बहत्तर करोड़ चौवन लाख का इंडिया से नेट कलेक्शन करके दिखाया हुआ था उसके बाद में इस फिल्म ने चौथे फ्राइडे के ऊपर एक करोड़ पैंतीस लाख का कलेक्शन किया चौथे सैटरडे के ऊपर दो करोड़ पच्चीस लाख का कलेक्शन किया और संडे के ऊपर दो करोड़ अट्ठासी लाख का कलेक्शन करते हुए चौथा वीकेंड था और तीसरे वीकेंड से बेहतर निकला जहाँ पर तीसरा वीकेंड पाँच करोड़ इकतीस लाख का था चौथा वीकेंड छः करोड़ अड़तालीस लाख का निकल के आया था उसके बाद में वीकडेज में भी इस फिल्म ने बेहतर परफॉर्मेंस दिखाई मंडे के दिन नाइन्टी लाख का कलेक्शन ट्यूजडे के 90 लाख का कलेक्शन और थर्सडे के दिन इस फिल्म ने 72 लाख का कलेक्शन किया जिसके चलते इस फिल्म ने टोटल तो 28 दिनों के अंदर यानी कि चार वीक के अंदर बयासी लाखी करोड़ तिरपन लाख का कलेक्शन निकाला हुआ था उसके बाद में फिल्म ने अपने पांचवें वी वीकेंड में दो करोड़ तेरह लाख का कलेक्शन किया था और पूरे पाँचवें वीक में तीन करोड़ अड़तीस लाख का कलेक्शन किया था पांच वीक के अंदर इस फिल्म ने करीबन करीबन बॉक्स ऑफिस पे पिचासी करोड़ इक्यानवे लाख का कलेक्शन इंडिया से निकाला हुआ था उसके बाद में इस फिल्म ने अपने छठे वीकेंड के ऊपर एक करोड़ बीस लाख का कलेक्शन किया जहाँ पे पूरा छठा वीक एक करोड़ चौवन लाख का था सातवें वीक में इस फिल्म ने पचपन लाख का कलेक्शन किया जिसके चलते ये फिल्म ने टोटल सात वीक के अंदर बॉक्स ऑफिस पे अट्ठासी करोड़ का नेट कलेक्शन इंडिया से निकाला हुआ था जिसका ग्रोस करे तो एक सौ चार करोड़ छिहत्तर लाख तो इंडिया का जो लाइफ टाइम ग्रोस कलेक्शन था फिल्म का वो करीबन एक करोड़ के आसपास का निकल के आया और सिर्फ से करीबन ग्यारह करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया जिसके चलते एक करोड़ से ज्यादा का इस फिल्म ने ग्रोस कलेक्शन किया बॉक्स ऑफिस पे तो चालीस करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने एक से बीस करोड़ का ग्रोस कलेक्शन करते हुए बॉक्स ऑफिस पे एक सक्सेसफुल का टेक मार्क हासिल किया वैसे इस फिल्म को थिएटर जैसे मैंने कहा कि 2 जून 2023 को रिलीज किया था नाउ डेज जिस तरह से फिल्में रिलीज हो रही है तो करीबन वन और टू मंथ्स के अंदर ओ टी टी पे प्रीमियर करवा दी जा स, जाती है लेकिन इस फिल्म को काफी वेट करवाया था ऑलमोस्ट खरी करीबन करीबन थिएट्रिकल रिलीज के 11-12 महीने के बाद इस फिल्म को प्रीमियर करवाया गया जियो सिनेमा के द्वारा 17 मई 2024 को उनके ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर जहां पे उन्होंने इस फिल्म को काफी सारी लैंग्वेजेस में डब करके रिलीज किया हुआ है हिंदी मेन लैंग्वेज तो शामिल ही था इसके अलावा तमिल कन्नडा तेलुगु मलयालम बंगाली मराठी और भोजपुरी तो इन सभी वर्जन में डब करके साथ ही में रिलीज़ किया हुआ है तो ये सभी वर्ज़न ऑफिशियली वहाँ पे अवेलेबल किए हुए एक साथ में तो टोटल टो इस इस फिल्म को आठ वर्ज़न में अवेलेबल किया हुआ है जियो सिनेमा के द्वारा तो फिलहाल में ज़रा हट के ज़रा बच की फिल्म ऑफिशियली अगर आपको ऑफिशियली देखनी है तो ओ टी टी प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन हिंदी तमिल कन्नडा तेलगू मलयालम बंगाली मराठी और भोजपुरी वर्जन में देख सकते हो इस फिल्म का जो हिंदी सैटेलाइट वर्जन है वो आपको देखने को मिल जाएगा कलर सिनेप्लेक्स टेलीविज़न चैनल के ऊपर ज़रा जर बच हट के ज़रा बच के आ, हिंदी वर्जन में बिल्कुल फ्री में वहाँ पे प्रीमियर होता हुआ नज़र आएगा तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि ज़रा हट के ज़रा बेच के फिल्म फ़िलहाल में अगर आपको ऑफिशियली ओ पे देखनी है तो जियो सिनेमा ओ टी टी के ऊपर हिंदी तमिल कन्नड़ा तेलुगू मलयालम बंगाली मराठी भोजपुरी इन सभी वर्जन में आप देख सकते हो विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन सब्सक्रिप्सन वहीं पर फिल्म का हिंदी सेटेलाइट वर्जन आपको बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नज़र आएगा कलर सिनेप्लेक्स टेलीविजन चैनल के ऊपर तो वहाँ पे फिल्म हिंदी वर्जन में सेटेलाइट पे भी देख सकते हो तो इस तरह से ज़रा हट के ज़रा बच के फिल्म आप ओ टी टी सेटेलाइट दोनों प्लेटफॉर्म के ऊपर देख सकते हो जरा हट के ज़रा बच के ये एक दो हज़ार तेईस की इंडियन हिंदी लैंग्वेज रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है इस फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया हुआ है लक्ष्मण उत्कन स्टोरी आइडिया उनका था स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले था वो मायत्री बाजपाई और रमीज़ इलाज खान ने किया हुआ है डायलॉग्स भी उन्होंने ही लिखे हुए दिनेश विजान और ज्योति देश पांडे के द्वारा इस फिल्म को करीबन चालीस करोड़ के बजट में मेडॉक फिल्म और जियो स्टूडियोज प्रोडक्शन कंपनी के नीचे बनाया हुआ था पेन मरुत् एंटरटेनमेंट के द्वारा इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था जिन्होंने इस फिल्म को एक अच्छी खासी रिलीज दिलवाई थी सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म को यू ए सर्टिफिकेट मिला हुआ था लीड कास्ट में आपको विकी कौसलारा अली खान देखने को मिलेंगे सिनेमेटोग्राफी राघव रामडोस ने की हुई है एडिटिंग इस फिल्म के मनीष प्रधान ने किए हुए जिन्होंने 132 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म दो घंटे बारह मिनट लंबी देखने को मिलेगी इसके अलावा इस फिल्म के दूसरे स्पेक्ट के ऊपर बातचीत करें तो म्यूजिक डिपार्टमेंट में बैकग्राउंड स्कोर संदीप सिरो ने किया हुआ है सचिन जिगर ने कंपोज किए हुए इसके अलावा इस फिल्म के म्यूज़िक के राइट्स और का मवालों ने खरीदे हुए कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो विक्की कौशल लीड रोल में देखने को मिलती है जिन्होंने कपिल दुबे का रोल प्ले किया हुआ है उनके अपोजिट सारा अली खान को कास्ट किया हुआ है जिन्होंने सोमिया चावला दुबे का रोल प्ले किया हुआ है इनाम उल हक इस फिल्म में बंदा बंद ईश्वर दास सहाय का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे सुष्मिता मुखर्जी ने रोशनी चावला का रोल प्ले किया है नीरज सूद ने इस फिल्म में पुरुषोत्तम मामा का रोल प्ले किया हुआ है राकेश बेदी ने हरचरण चावला का रोल प्ले किया हुआ है सारिभ हाशमी को इस फिल्म में दरोगा रघुवंशी का रोल मिला हुआ है आके आकाश खुराना ने इस फिल्म में वेद प्रकाश दुबे का रोल प्ले किया हुआ है कानूप्रिया पंडित इस फिल्म में दीपा मामी का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे अनुपमा फतेहपुरा इस फिल्म में आपको ममता दुबे का रोल प्ले करते हुए नजर आएगी हिमांशु कोहली इस फिल्म में मनोज बाग बघेल का रोल प्ले किया हुआ है सृष्टि गांगुली रिंदानी ने इस फिल्म में मेहजा बिन का रोल प्ले किया हुआ है विवान शाह ने इस फिल्म में सज्जन का रोल प्ले किया हुआ है डिम्पी मिश्रा ने इस फिल्म में डिम्पी सर का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा अतुल तिवारी जज का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे तो ये फिल्म के लीड प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले किए हुए हैं इस फिल्म को कब बनाया गया था कैसे क्या शूट किया गया था उसके ऊपर कुछ खास जानकारी नहीं मिली थी वैसे कुछ रूमर्स आई थी कि लुका चुपी का सेकंड पार्ट आने वाला है लेकिन लेटर रन जब इस फिल्म को अनाउंस किया गया तब पता चला कि इस फिल्म को अलग टाइटल दिया हुआ है जहाँ पे कोई सेकंड पार्ट नहीं है इस फिल्म का टाइटल ज़रा हट के ज़रा बच के दिया हुआ है शूटिंग कंप्लीट करने के बाद इस फिल्म के टीज़र ट्रेलर को भी रिलीज़ किया गया था जिसको एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला था म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सचिन जिगर के द्वारा बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स कंपोज किए गए लिरिक्स से वो अमिताभ भट्टाचार्य ने लिखे हुए जहाँ पे इस फिल्म के गानों को दो में रिकॉर्ड किया गया था टोटल चार ट्रैक थे जिसके लेंथ थे पंद्रह मिनट पच्चीस सेकंड ट्रैक लिस्टिंग करे पहला गाना फिर और क्या चाहिए इस गाने को फर्स्ट सिंगल के तौर पे सारे गमा के द्वारा 16 मई 2023 को रिलीज़ किया था जिसको अरिजीत सिंह ने गाया हुआ था तेरे वास्ते गाने को 22 मई 2023 को सेकंड सिंगल के तौर पे सारे गमा म्यूज़िक के द्वारा रिलीज़ किया गया था जिसको वरुण जैन सचिन जिगर फरीदी और तमाश फरीदी ने गाया हुआ था बेबी तुझे पाप लगेगा गाने को थर्ड सिंगल के तौर पर पच्चीस मई दो को ऑफिशियली रिलीज़ किया था जिसको हिमेश रेशमिया ने और सचिन जिगर ने गाया हुआ था वैसे वो गाना आ, का, का काफ़ी अच्छा चला था वहीं पे संजा सांझा करके जो गाना था उसको फो सिंगल के तौर पे उनतीस मई दो हज़ार तेईस को संचा सचित टंडन और शिल्पा राव जिगर के साथ गवाते हुए रिलीज़ करवाया हुआ था तो इन सभी गानों को 2 जून 2023 तक पूरे एल्बम को रिलीज़ करवाया था वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में सारे गमा के द्वारा तो ये सभी गाने वहाँ पर उनके यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में सुनने को मिल जाएंगे ये सभी गाने बॉक्स ऑफिस पे सॉरी ये सभी गाने काफ़ी चार्ट बस्टर हुए थे सभी गाने वर्क किए थे जिसके चलते फिल्म की इनिशियली जो बर्ज नहीं थी वो आसानी से क्रिएट हो चुकी थी बाद में वर्ड ऑफ माउथ के चलते फिल्म काफ़ी बढ़िया तरीके से वर्क कर गई थी इस फिल्म की कहानी थी वो एक मिडिल क्लास फैमिली के ऊपर थी एक मिडिल क्लास हैपी मेरिड कपल था उसके ऊपर कहानी थी इन दो से इस कहानी को बेस किया हुआ था जहाँ पे एक गवर्नमेंट के प्रोग्राम के थ्रू इस एक अपना खुद का मकान लेना चाहते थे जिसके चलते वो एक डिवोर्स करना चाहते थे इन सभी चीज़ों के झमेलों में इस फिल्म की कहानी को बनाया हुआ है जहाँ पर एक अच्छा खासा फ़न का तड़का लगाया हुआ है साथ ही में एक सोशल मैसेज भी डिलीवर किया हुआ है क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से जो वर्ड ऑफ माउथ था वो काफ़ी अच्छा था जहाँ पे सारा अली खान विकी कौशल का, का काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस सराहा गया था दोनों की एक्टिंग की काफ़ी सराहना की गई थी स्टोरी लाइन फिल्म के लोगों को पसंद आई थी म्यूजिक डिपार्टमेंट में लिरिक्स थे गाने थे वो सभी चीज़ें फिल्म के लिए काफ़ी बढ़िया तरीके से वर्क कर जाती है सिनेमेटोग्राफी काफ़ी बढ़िया थी स्मॉल टाउन कपल की जो लाइफ थी उसको जिस तरह से दिखाया हुआ था वो काफ़ी बढ़िया नजर आता है डायरेक्टर लक्ष्मण उतेकर के द्वारा एक अच्छी फिल्म बनाई गई ओवरऑल एक डिसेंट फिल्म थी जो काफ़ी बढ़िया तरीके से लोगों को पसंद आएगी हिट करेगी कॉमेडी चीज़ अच्छे थे बैकग्राउंड स्कोर अच्छा था फिल्म का एडिटिंग फिल्म की काफ़ी क्रिस्प की गई थी करीबन दो घंटे के आसपास के रन टाइम के साथ इस फिल्म को बनाया हुआ था सिनेमाटोग्राफर ने बेस्ट पॉसिबल वे में सभी चीजों को कवर करके दिखाया हुआ था लीड कास्ट के अलावा जो सपोर्टिंग एक्टर्स थे उनकी भी काफी शानदार परफॉर्मेंसिस देखने को मिलती है ओवरऑल प्रोडक्शन वेली भी फिल्म की काफी बढ़िया नजर आती है तो टेक्निकली भी वेल मेड बनी हुई फिल्म थी कहानी भी अच्छी थी और अच्छी परफॉर्मेंसेज भी देखने को मिली थी थिएट्रिकली इस फिल्म को दो जून दो को रिलीज किया था जब फिल्म को थिएट्रिकली रिलीज किया गया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से इस फिल्म ने एक अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस हासिल किया जिसके चलते चौदह हजार वोट इस फिल्म को आईमडी पे अभी तक मिले हुए जिसमें छह पॉइंट चार की रेटिंग हासिल हुई है दस में से इस फिल्म ने अपने पहले दिन करीबन करीबन पाँच करोड़ उन लाख का नेट कलेक्शन इंडिया से किया हुआ था सैटरडे के दिन उसमें करीबन थर्टी परसेंट से ज़्यादा का ग्रोथ देखने को मिला वर्ड ऑफ माउथ पॉजिटिव आया उसके चलते इस फिल्म ने सात करोड़ बीस लाख का कलेक्शन किया संडे के दिन और कुछ चालीस जितना ग्रोथ देखने को मिला सैटरडे के मुकाबले जिसके चलते नौ करोड़ नब्बे लाख का इस फिल्म ने नेट कलेक्शन इंडिया से किया जिसके चलते अपना पहला वीकेंड इंडिया में बाईस करोड़ उनसाठ लाख का नेट कलेक्शन निकाला हुआ था उसके बाद में वीकडेज में भी इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से होल्ड दिखाया मंडे के दिन चार करोड़ लाख का कलेक्शन किया ट्यूजडे के, के दिन तीन करोड़ सतासी लाख का कलेक्शन किया वेनर्डे के दिन तीन करोड़ इक्यावन लाख का और थर्सडे के दिन तीन करोड़ चौबीस लाख का कलेक्शन करते हुए पहला वीक था इस फिल्म का करीबन करीबन सैंतीस करोड़ पैंतीस लाख का निकल के आया हुआ था उसके बाद में सेकंड वीकेंड में इस फिल्म ने फ्राइडे के दिन तीन करोड़ बयालीस लाख का सैटरडे के दिन पाँच करोड़ छिहत्तर लाख का और संडे के दिन सात करोड़ दो लाख का कलेक्शन करते हुए सेकंड वीकेंड सोलह करोड़ बीस लाख का निकाला हुआ था उसके बाद में वीकडेज के ऊपर इस फिल्म ने मंडे के दिन सात दो करोड़ सत्तर लाख का सेकंड ट्यूजडे के दो करोड़ बावन लाखी के ऊपर दो करोड़ पच्चीस लाख सेकंड थर्टी के ऊपर एक करोड़ अठानवे लाख का कलेक्शन करते हुए पैसठ लाख का निकाला हुआ था तो टोटल दो वीक का कलेक्शन इस फिल्म का इंडिया से करीबन तिरसठ करोड़ का निकल के आया हुआ था थर्ड वीक में भी इस फिल्म ने एक डिसेंट अमाउंट ऑफ कलेक्शन किया था जहाँ पे फ्राइडे के दिन इस फिल्म ने एक करोड़ आठ लाख का कलेक्शन किया सैटरडे के दिन एक करोड़ उन्सी लाख का संडे के दिन दो करोड़ चौंतीस लाख का कलेक्शन करते हुए इस फिल्म ने थर्ड वीकेंड पाँच करोड़ इकतीस लाख का निकाला हुआ था उसके सामने इस फिल्म ने मंडे के दिन वीकडेज में एक करोड़ आठ लाख का ट्यूजडे के दिन नाइन्टी लाख का वेनजे के दिन एक करोड़ आठ लाख और थर्सडे के दिन एक करोड़ आठ लाख का कलेक्शन करते हुए थर्ड वीकेंड नौ करोड़ चौवन लाख का निकाला हुआ था जिसके चलते इस फिल्म ने तीन वीक के अंदर बहत्तर करोड़ चौवन लाख का इंडिया से नेट कलेक्शन करके दिखाया हुआ था उसके बाद में इस फिल्म ने चौथे फ्राइडे के ऊपर एक करोड़ पैंतीस लाख का कलेक्शन किया चौथे सैटरडे के ऊपर दो करोड़ पच्चीस लाख का कलेक्शन किया और संडे के ऊपर दो करोड़ अट्ठासी लाख का कलेक्शन करते हुए चौथा वीकेंड था और तीसरे वीकेंड से बेहतर निकला जहाँ पर तीसरा वीकेंड पाँच करोड़ इकतीस लाख का था चौथा वीकेंड छः करोड़ अड़तालीस लाख का निकल के आया था उसके बाद में वीकडेज में भी इस फिल्म ने बेहतर परफॉर्मेंस दिखाई मंडे के दिन नाइन्टी लाख का कलेक्शन ट्यूजडे के 90 लाख का कलेक्शन और थर्सडे के दिन इस फिल्म ने 72 लाख का कलेक्शन किया जिसके चलते इस फिल्म ने टोटल 28 दिनों के अंदर यानी कि चार वीक के अंदर बयासी लाख और सॉरी करोड़ तिरपन लाख का कलेक्शन निकाला हुआ था उसके बाद में फिल्म ने पा, अपने पांचवें वीकेंड में दो करोड़ तेरह लाख का, का कलेक्शन किया था और पूरे पाँचवें वीक में तीन करोड़ अड़तीस लाख का कलेक्शन किया था पाँच वीक के अंदर इस फिल्म ने करीबन करीबन बॉक्स ऑफिस पे पिचासी करोड़ इक्यानवे लाख का कलेक्शन इंडिया से निकाला हुआ था उसके बाद में इस फिल्म ने अपने छठे वीकेंड के ऊपर एक करोड़ बीस लाख का कलेक्शन किया जहाँ पे पूरा छठा वीक एक करोड़ चौवन लाख का था सातवें वीक में इस फिल्म ने पचपन लाख का कलेक्शन किया जिसके चलते ये फिल्म ने टोटल सात वीक के अंदर बॉक्स ऑफिस पे अट्ठासी करोड़ का नेट कलेक्शन इंडिया से निकाला हुआ था जिसका ग्रोस करे तो होता है एक सौ चार करोड़ छिहत्तर लाख तो इंडिया का जो लाइफ टाइम ग्रोस कलेक्शन था फिल्म का वो करीबन एक सौ पाँच करोड़ के आसपास का निकल के आया और इससे इस फिल्म ने करीबन ग्यारह करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया जिसके चलते एक करोड़ से ज्यादा का इस फिल्म ने ग्रोस कलेक्शन किया बॉक्स ऑफिस पे तो चालीस करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने एक से बीस करोड़ का ग्रोस कलेक्शन करते हुए बॉक्स ऑफिस पे एक सक्सेसफुल का टेक मार्क हासिल किया वैसे इस फिल्म को थिएटर ली जैसे मैंने कहा कि 2 जून 2023 को रिलीज किया था नाउ डेज जिस तरह से फिल्में रिलीज हो रही है तो करीबन वन और टू मंथ्स के अंदर ओ टी टी पे प्रीमियर करवा दी जा स, जाती है लेकिन इस फिल्म को काफी वेट करवाया था ऑलमोस्ट करी करीबन करीबन थिएटरिकल रिलीज के 11 12 महीने के बाद इस फिल्म को प्रीमियर करवाया गया जियो सिनेमा के द्वारा 17 मई 2024 को उनके ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर जहां पे उन्होंने इस फिल्म को काफ़ी सारी लैंग्वेजेस में डब करके रिलीज किया हुआ है हिंदी मेन लैंग्वेज तो शामिल ही था इसके अलावा तमिल कन्नडा तेलुगु मलयालम बंगाली मराठी और भोजपुरी तो इन सभी वर्ज़न में डब करके साथ ही में रिलीज़ किया हुआ है तो ये सभी वर्ज़न ऑफिशियली वहाँ पे अवेलेबल किए हुए हैं एक साथ में तो टोटल इस इस फिल्म को आठ वर्ज़न में अवेलेबल किया हुआ है जियो सिनेमा के द्वारा तो फिलहाल में ज़रा हट के ज़रा बच की फिल्म ऑफिशियली अगर आपको ऑफिशियली देखनी है तो ओ टी टी प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्ब्सक्रिप्सन हिंदी तमिल कन्नड़ा तेलगू मलयालम बंगाली मराठी और भोजपुरी वर्जन में देख सकते हो इस फिल्म का जो हिंदी सैटेलाइट वर्जन है वो आपको देखने को मिल जाएगा कलर सिनेप्लेक्स टेलीविज़न चैनल के ऊपर ज़रा जरा बच हट के ज़रा बच के आ, हिंदी वर्जन में बिल्कुल फ्री में वहाँ पे प्रीमियर होता हुआ नज़र आएगा तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि ज़रा हट के ज़रा बच के फिल्म फ़िलहाल में अगर आपको ऑफिशियली ओ टी टी पर देखनी है तो जियो सिनेमा ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर हिंदी तमिल कन्नडा तेलगू मलयालम बंगाली मराठी भोजपुरी इन सभी वर्ज़न में आप देख सकते हो विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन वहीं पर इस फिल्म का हिंदी सेटेलाइट वर्जन आपको बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नज़र आएगा कलर सिनेफ्लेक्स टेलीविज़न चैनल के ऊपर तो वहाँ पे फिल्म हिंदी वर्धन में सेटेलाइट पे भी देख सकते हो तो इस तरह से ज़रा हट के ज़रा बज के फिल्म आप ओ टी टी दोनों प्लेटफॉर्म के ऊपर देख सकते हो जरा हट के ज़रा बज के ये एक दो की इंडियन हिंदी लैंग्वेज रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है इस फिल्म को लिखा और डिरेक्ट किया हुआ है लक्ष्मण उत्तेकन स्टोरी आइडिया उनका था स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले था वो बाजपाई और रमीज़ इलाज खान ने क्या हुआ है डायलॉग्स भी उन्होंने ही लिखे हुए दिनेश विजान और ज्योति देश पांडे के द्वारा इस फिल्म को करीबन चालीस करोड़ के बजट में मेडॉक फिल्म और जियो स्टूडियोज प्रोडक्शन कंपनी के नीचे बनाया हुआ था पेन मरुद्कर सिने एंटरटेनमेंट के द्वारा इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था जिन्होंने इस फिल्म को एक अच्छी खासी रिलीज़ दिलवाई थी सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म को यू ए सर्टिफिकेट मिला हुआ था लीड कास्ट में आपको विकी कौशल सारा अली खान देखने को मिलेंगे सिनेमेटोग्राफी राघव रामडोस ने की हुई है एडिटिंग इस फिल्म के मनीष प्रधान ने किए हुए जिन्होंने एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म दो घंटे बारह मिनट लंबी देखने को मिलेगी इसके अलावा इस फिल्म के दूसरे स्पेक्ट के ऊपर बातचीत करें तो म्यूज़िक डिपार्टमेंट में बैकग्राउंड स्कोर संदीप सिरोतक ने किया हुआ है सॉन्ग्स और सचिन जिगर ने कंपोज किए हुए इसके अलावा इस फिल्म के म्यूजिक के राइट्स और सारे गावालों ने खरीदे हुए कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो विक्की कौशल लीड रोल में देखने को मिलती जिन्होंने कपिल दुबे का रोल प्ले किया हुआ है उनके अपोजिट सारा अली खान को कास्ट किया हुआ है जिन्होंने सोमिया चावला दुबे का रोल प्ले किया हुआ है इनाम उल हक इस फिल्म में बंदा बेनदास ईश्वरा दास सहाय का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे सुष्मिता मुखर्जी ने रोशनी चावला का रोल प्ले, प्ले किया हुआ है नीरज सूद ने इस फिल्म में पुरुषोत्तम मामा का रोल प्ले किया हुआ है राकेश बेदी ने हरचरण चावला का रोल प्ले किया हुआ है सारिफ हाशमी को इस फिल्म में दरोगा रघुवंशी का रोल मिला हुआ है आकाश खुराना ने इस फिल्म में वेद प्रकाश दुबे का रोल प्ले किया हुआ है कानुप्रिया पंडित इस फिल्म में दीपा मामी का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे अनुपमा फतेहपुरा इस फिल्म में आपको ममता अब का रोल प्ले करते हुए नजर आएगी हिमांशु कोहली ने इस फिल्म में मनोज बाग बघेल का रोल प्ले किया हुआ है सृष्टि गांगुली रिंदानी ने इस फिल्म में मेहजा बिंद का रोल प्ले किया हुआ है विवान शाह ने इस फिल्म में सज्जन का रोल प्ले किया हुआ है टिम्पी मिश्रा ने इस फिल्म में डिम्पी सर का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा अतुल तिवारी जज का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे तो ये फिल्म के लीड प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले किए हुए इस फिल्म को कब बनाया गया था कैसे क्या शूट किया गया था उसके ऊपर कुछ खास जानकारी नहीं मिली थी वैसे कुछ रूमर्स आई थी कि लुका चुपी का सेकंड पार्ट आने वाला है लेकिन लेटर जब इस फिल्म को अनाउंस किया गया तब पता चला कि इस फिल्म को अलग टाइटल दिया हुआ है जहाँ पर कोई सेकंड पार्ट नहीं है इस फिल्म का टाइटल ज़रा हट के ज़रा बच के दिया हुआ है शूटिंग कम्प्लीट करने के बाद इस फिल्म के टीजर ट्रेलर को भी रिलीज किया गया था जिसको एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला था म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सचिन जिगर के द्वारा बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स कंपोज किए गए लिरिक्स से वो अमिताभ भट्टाचार्य ने लिखे हुए हैं जहाँ पे इस फिल्म के गानों को दो में रिकॉर्ड किया गया था टोटल चार ट्रैक थे जिसके लेंथ थे पंद्रह मिनट पच्चीस सेकंड ट्रैक लिस्टिंग करे पहला गाना फिर और क्या चाहिए इस गाने को फर्स्ट सिंगल के तौर पे सारे गवा के द्वारा 16 मई 2023 को रिलीज किया था जिसको अरिजीत सिंह ने गाया हुआ था तेरे वास्ते गाने को 22 मई 2023 को सेकंड सिंगल के तौर पे सारे कामा म्यूज़िक के द्वारा रिलीज़ किया गया था जिसको वरुण जैन सचिन जिगर सदाफ फरीदी और तमाश फरीदी ने गाया हुआ था बेबी तुझे पाप लगेगा गाने को थर्ड सिंगल के तौर पे 25 मई 2023 को ऑफिशियली रिलीज़ किया था जिसको हिमेश रे ने और सचिन जिगर ने गाया हुआ था वैसे वो गाना का, का, काफ़ी अच्छा चला था वहीं पर संजा साझा करके जो गाना था उसको फोर्थ सिंगल के तौर पर उनतीस मई दो को संचा सचित टंडन और सििल्पर राव सचिन जिगर के साथ गवाते हुए रिलीज़ करवाया हुआ था तो इन सभी गानों को 2 जून 2023 तक पूरे एल्बम को रिलीज़ करवाया था वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में सारे गाँ के द्वारा ये सभी गाने वहाँ पे उनके यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में सुनने को मिल जाएंगे ये सभी गाने बॉक्स ऑफिस पे सॉरी ये सभी गाने काफ़ी चार्ट बस्टर हुए थे सभी गाने वर्क किए थे जिसके चलते फिल्म की इनिशियली जो बर्ज नहीं थे वो आसानी से क्रिएट हो चुकी थी बाद में वर्ड ऑफ माउथ के चलते फिल्म काफ़ी बढ़िया तरीके से वर्क कर गई थी इस फिल्म की कहानी थी वो एक मिडिल क्लास फैमिली के ऊपर थी एक मिडिल क्लास हैप्पी मेरिड कपल था उसके ऊपर कहानी थी इन दो से इस कहानी को बेस किया हुआ था जहाँ पे एक गवर्नमेंट के प्रोग्राम के थ्रू इस एक अपना खुद का मकान लेना चाहते थे जिसके चलते वो एक डिवोर्स करना चाहते थे इन सभी चीज़ों के झमेलों में इस फिल्म की कहानी को बनाया हुआ है जहाँ पर एक अच्छा खासा फ़न का तड़का लगाया हुआ है साथ ही में एक सोशल मैसेज भी डिलीवर किया हुआ है क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से जो वर्ड ऑफ माउथ था वो काफ़ी अच्छा था जहाँ पे सारा अली खान विकी कौशल का, का काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस सराहा गया था दोनों की एक्टिंग की काफ़ी सराहना की गई थी स्टोरी लाइन फिल्म के लोगों को पसंद आई थी म्यूजिक डिपार्टमेंट में लिरिशीज थे गाने थे वो सभी चीज़ें फिल्म के लिए काफ़ी बढ़िया तरीके से वर्क कर जाती है सिनेमेटोग्राफी काफ़ी बढ़िया थी स्मॉल टाउन कपल की जो लाइफ थी उसको जिस तरह से दिखाया हुआ था वो काफ़ी बढ़िया नज़र आता है डायरेक्टर लक्ष्मण उतेकर के द्वारा एक अच्छी फिल्म बनाई गई ओवरऑल एक डिसेंट फिल्म थी जो काफ़ी बढ़िया तरीके से लोगों को पसंद आएगी हिट करेगी कॉमेडी अच्छे थे बैकग्राउंड स्कोर अच्छा था फिल्म का एडिटिंग फिल्म की काफ़ी क्रिस्प की गई थी करीबन दो घंटे के आसपास के रन टाइम के साथ इस फिल्म को बनाया हुआ था सिनेमेटोग्राफर ने बेस्ट पॉसिबल वे में सभी चीज़ों को कवर करके दिखाया हुआ था लीड कास्ट के अलावा जो सपोर्टिंग एक्टर्स थे उनकी भी काफी शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिलती है ओवरऑल प्रोडक्शन वेली भी फिल्म की काफी बढ़िया नजर आती है तो टेक्निकली भी वेल मेड बनी हुई फिल्म थी कहानी भी अच्छी थी और अच्छी परफॉर्मेंसिस भी देखने को मिली थी थिएट्रिकली इस फिल्म को दो जून दो को रिलीज किया था जब फिल्म को थिएट्रिकली रिलीज किया गया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से इस फिल्म ने एक अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस हासिल किया जिसके चलते 14,000 हजार वोट इस फिल्म को आमडीवी पे अभी तक मिले हुए जिसमें 6.4 चार की रेटिंग हासिल हुई है दस में से इस फिल्म ने अपने पहले दिन करीबन करीबन पाँच करोड़ उन पचास लाख का नेट कलेक्शन इंडिया से किया हुआ था सैटरडे के दिन उसमें करीबन थर्टी परसेंट से ज्यादा का ग्रोथ देखने को मिला वर्ड ऑफ माउथ पॉजिटिव आया उसके चलते इस फिल्म ने सात करोड़ बीस लाख का कलेक्शन किया संडे के दिन और कुछ चालीस जितना ग्रोथ देखने को मिला सैटरडे के मुकाबले जिसके चलते नौ करोड़ नब्बे लाख का इस फिल्म ने नेट कलेक्शन इंडिया से किया जिसके चलते अपना पहला वीकेंड इंडिया में बाईस करोड़ उनसठ लाख का नेट कलेक्शन निकाला हुआ था उसके बाद में वीकडेज में भी इस फिल्म ने काफी बढ़िया तरीके से होल्ड दिखाया मंडे के दिन चार करोड़ चौदह लाख का कलेक्शन किया ट्यूसडे के दिन तीन करोड़ सतासी लाख का कलेक्शन किया वेनस्डे के दिन तीन करोड़ इक्यावन लाख और थर्सडे के दिन तीन करोड़ चौबीस लाख का कलेक्शन करते हुए पहला वीक था इस फिल्म का करीबन करीबन सैंतीस करोड़ पैंतीस लाख का निकल के आया हुआ था उसके बाद में सेकंड वीकेंड में इस फिल्म ने फ्राइडे के दिन तीन करोड़ बयालीस लाख का सैटरडे के दिन पाँच करोड़ छिहत्तर लाख का और संडे के दिन सात करोड़ दो लाख का कलेक्शन करते हुए सेकंड वीकेंड सोलह करोड़ बीस लाख का निकाला हुआ था उसके बाद में वीकडेज के ऊपर इस फिल्म ने मंडे के दिन सात दो करोड़ सत्तर लाख का सेकंड ट्यूजडे के ऊपर दो करोड़ बावन लाख का सेकंड वेनस्डे के ऊपर दो करोड़ पच्चीस लाख और सेकंड थर्टी के ऊपर एक करोड़ अट्ठानवे लाख का कलेक्शन करते हुए सेकंड वीक पच्चीस करोड़ पैसठ लाख का निकाला हुआ था तो टोटल दो वीक का कलेक्शन इस फिल्म का इंडिया से करीबन तिरसठ करोड़ का निकल के आया हुआ था थर्ड वीक में भी इस फिल्म ने एक डिसेंट अमाउंट ऑफ कलेक्शन किया था जहाँ पे फ्राइडे के दिन इस फिल्म ने एक करोड़ आठ लाख का कलेक्शन किया सैटरडे के दिन एक करोड़ उन्सी लाख का संडे के दिन दो करोड़ चौंतीस लाख का कलेक्शन करते हुए इस फिल्म ने थर्ड वीकेंड पाँच करोड़ इकतीस लाख का निकाला हुआ था उसके सामने इस फिल्म ने मंडे के दिन वीकडेज में एक करोड़ आठ लाख का ट्यूजडे के दिन नाइन्टी लाख का वेनजे के दिन एक करोड़ आठ लाख और थर्सडे के दिन एक करोड़ आठ लाख का कलेक्शन करते हुए थर्ड वीकेंड नौ करोड़ चौवन लाख का निकाला हुआ था जिसके चलते इस फिल्म ने तीन वीक के अंदर बहत्तर करोड़ चौवन लाख का इंडिया से नेट कलेक्शन करके दिखाया हुआ था उसके बाद में इस फिल्म ने चौथे फ्राइडे के ऊपर एक करोड़ पैंतीस लाख का कलेक्शन किया चौथे सैटरडे के ऊपर दो करोड़ पच्चीस लाख का कलेक्शन किया और संडे के ऊपर दो करोड़ अट्ठासी लाख का कलेक्शन करते हुए चौथा वीकेंड था और तीसरे वीकेंड से बेहतर निकला जहाँ पर तीसरा वीकेंड पाँच करोड़ इकतीस लाख का था चौथा वीकेंड छः करोड़ अड़तालीस लाख का निकल के आया था उसके बाद में वीकडेज में भी इस फिल्म ने बेहतर परफॉर्मेंस दिखाई मंडे के दिन नाइन्टी लाख का कलेक्शन ट्यूजडे के 90 लाख ,00 का कलेक्शन और थर्सडे के दिन इस फिल्म ने 72 लाख ,00 का कलेक्शन किया जिसके चलते इस फिल्म ने टोटल 28 दिनों के अंदर यानी कि चार वीक के अंदर बयासी लाख और सॉरी करोड़ तिरपन लाख का कलेक्शन निकाला हुआ था उसके बाद में फिल्म ने पा अपने पांचवें वीकेंड में दो करोड़ तेरह लाख का कलेक्शन किया था और पूरे पांचवें वीक में तीन करोड़ अड़तीस लाख का कलेक्शन किया था पांच वीक के अंदर इस फिल्म ने करीबन करीबन बॉक्स ऑफिस पर पिचासी करोड़ इक्यानवे लाख का कलेक्शन इंडिया से निकाला हुआ था उसके बाद में इस फिल्म ने अपने छठे वीकेंड के ऊपर एक करोड़ बीस लाख का कलेक्शन किया जहाँ पर पूरा छठा वीक एक करोड़ चौवन लाख का था सातवें वीक में इस फिल्म ने पचपन लाख का कलेक्शन किया जिसके चलते ये फिल्म ने टोटल सात वीक के अंदर बॉक्स ऑफिस पे अट्ठासी करोड़ का नेट कलेक्शन इंडिया से निकाला हुआ था जिसका ग्रोस करे तो होता है एक सौ चार करोड़ छिहत्तर लाख तो इंडिया का जो लाइफ टाइम ग्रोस कलेक्शन था फिल्म का वो करीबन एक सौ पाँच करोड़ के आसपास का निकल के आया और इससे इस फिल्म ने करीबन ग्यारह करोड़ से ज़्यादा का कलेक्शन किया जिसके चलते एक करोड़ से ज़्यादा का इस फिल्म ने ग्रोस कलेक्शन किया बॉक्स ऑफिस पे तो 40 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने 115 से 20 करोड़ का ग्रोस कलेक्शन करते हुए बॉक्स ऑफिस पे एक सक्सेसफुल का टेक मार्क हासिल किया वैसे इस फिल्म को थिएट्रिकली जैसे मैंने कहा कि दो जून दो को रिलीज किया था नाउ डेज जिस तरह से फिल्म में रिलीज हो रही है तो करीबन वन वा, और वा टू मंथ्स के अंदर ओ टी टी पर प्रीमियर करवा दी जा सक जाती है लेकिन इस फिल्म को काफ़ी वेट करवाया था ऑलमोस्ट खरी करीबन करीबन थिएट्रिकल रिलीज़ के 11-12 महीने के बाद इस फिल्म को प्रीमियर करवाया गया जियो सिनेमा के द्वारा 17 मई 2024 को उनके ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर जहां पे उन्होंने इस फिल्म को काफ़ी सारी लैंग्वेजेज में डब करके रिलीज़ किया हुआ है हिंदी मेन लैंग्वेज तो शामिल ही था इसके अलावा तमिल कन्नड़ा तेलुगु मलयालम बंगाली मराठी और भोजपुरी तो इन सभी वर्ज़न में डब करके साथ ही में रिलीज़ किया हुआ है तो ये सभी वर्ज़न ऑफिशियली वहाँ पर अवेलेबल किए हुए एक साथ में तो टोटल टो इस इस फिल्म को आठ वर्ज़न में अवेलेबल किया हुआ है जियो सिनेमा के द्वारा तो फिलहाल में ज़रा हट के ज़रा बच की फिल्म ऑफिशियली अगर आपको ऑफिशियली देखनी है तो ओ टी टी प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन हिंदी तमिल कन्नडा तेलगू मलयालम बंगाली मराठी और भोजपुरी वर्जनस में देख सकते हो इस फिल्म का जो हिंदी सैटेलाइट वर्जन है वो आपको देखने को मिल जाएगा कलर सिनेप्लेक्स टेलीविज़न चैनल के ऊपर ज़रा जर बच हट के ज़रा बच के आ, हिंदी वर्जन में बिल्कुल फ्री में वहाँ पे प्रीमियर होता हुआ नज़र आएगा तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि ज़रा हट के ज़रा बच के फिल्म फ़िलहाल में अगर आपको ऑफिशियली ओटीटी पे देखनी है तो जियो सिनेमा ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर हिंदी तमिल कन्नड़ा तेलुगु मलयालम बंगाली मराठी भोजपुरी इन सभी वर्जन में आप देख सकते हो विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन वहीं पर इस फिल्म का हिंदी सेटेलाइट वर्जन आपको बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा कलर सीनेप्लेक्स टेलीविजन चैनल के ऊपर तो वहाँ पे फिल्म हिंदी वर्जन में सैटेलाइट पे भी देख सकते हो तो इस तरह से ज़रा हट के ज़रा बज के फिल्म आप ओ टी टी सैटेलाइट दोनों प्लेटफॉर्म के ऊपर देख सकते हो ज़रा हट के ज़रा बज के ये एक दो हज़ार तेईस की इंडियन हिंदी लैंग्वेज रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है इस फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया हुआ है लक्ष्मण उत्तेकन स्टोरी आइडिया उनका था स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले था वो मायत्री बाजपाई और रमीज़ इलाज खान ने किया हुआ है डायलॉग्स भी उन्होंने ही लिखे हुए दिनेश विजान और ज्योति देश पांडे के द्वारा इस फिल्म को करीबन 40 करोड़ के बजट में मेडॉक फिल्म्स और जियो स्टूडियोज प्रोडक्शन कंपनी के नीचे बनाया हुआ था पेन मरुद्त् सिने एंटरटेनमेंट के द्वारा इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था जिन्होंने इस फिल्म को एक अच्छी खासी रिलीज दिलवाई थी सेंसर बोर्ड की तरफ से फ़िल्म को यू सर्टिफिकेट मिला हुआ था लीड कास्ट में आपको विकी कौशल सारा अली खान देखने को मिलेंगे सिनेमाटोग्राफी राघव रामडोस ने की हुई है एडिटिंग इस फिल्म के मनीष प्रधान ने की हुई है जिन्होंने 132 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म दो घंटे 12 मिनट लंबी देखने को मिलेगी इसके अलावा इस फिल्म के दूसरे स्पेक्ट के ऊपर बातचीत करें तो म्यूजिक डिपार्टमेंट में बैकग्राउंड स्कोर संदीप सिरोतकर ने किया हुआ है सॉन्ग्स और सचिन जिगर ने कम्पोज किए हुए हैं इसके अलावा इस फिल्म के म्यूजिक के राइट्स और सारे का मवालों ने खरीदे हुए कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो विक्की कौशल लीड रोल में देखने को मिलती है जिन्होंने कपिल दुबे का रोल प्ले किया हुआ है उनके अपोजिट सारा अली खान को कास्ट किया हुआ है जिन्होंने सोमिया चावला दुबे का रोल प्ले किया हुआ है इनाम उल हक इस फिल्म में बंदा बेनदास ईश्वरा दास सहाय का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे सुष्मिता मुखर्जी ने रोशनी चावला का रोल प्ले किया हुआ नीरज सूद ने इस फिल्म में पुरुषोत्तम मामा का रोल प्ले किया हुआ है राकेश बेदी ने हर चरण चावला का रोल प्ले किया हुआ है सारी हासमी को इस फिल्म में दरोगा रघुवंशी का रोल मिला हुआ है आके आकाश खुराना ने इस फिल्म में वेद प्रकाश दुबे का रोल प्ले किया हुआ है प्रिया पंडित इस फिल्म में दीपा मामी का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे अनुपमा फतेहपुरा इस फिल्म में आपको ममता बुदुबे का रोल प्ले करते हुए नज़र आएगी हिमांशु कोहली ने इस फिल्म में मनोज बाग बघेल का रोल प्ले किया हुआ है सृष्टि गांगुली रिंदानी ने इस फिल्म में मेहजा बिन का रोल प्ले किया हुआ है विवान शाह ने इस फिल्म में सज्जन का रोल प्ले किया हुआ है डिम्पी मिश्रा यानी इस फिल्म में डिम्पी सर का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा अतुल तिवारी जज का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे तो ये फिल्म के लीड प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले किए हुए इस फिल्म को कब बनाया गया था कैसे क्या शूट किया गया था उसके ऊपर कुछ खास जानकारी नहीं मिली थी वैसे कुछ रूमर्स आई थी कि लुका चुपी का सेकंड पार्ट आने वाला है लेकिन लेटर वन जब इस फिल्म को अनाउंस किया गया तब पता चला कि इस फिल्म को अलग टाइटल दिया हुआ है जहाँ पे कोई सेकंड पार्ट नहीं है इस फिल्म का टाइटल ज़रा हट के ज़रा बच के दिया हुआ है शूटिंग कम्प्लीट करने के बाद इस फिल्म के टीज़र ट्रेलर को भी रिलीज़ किया गया था जिसको एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला था म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सचिन जिगर के द्वारा बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स कंपोज किए गए लिरिक्स से वो अमिताभ भट्टाचार्य ने लिखे हुए जहाँ पे इस फिल्म के गानों को दो में रिकॉर्ड किया गया था टोटल चार ट्रैक थे जिसके लेंथ थे पंद्रह मिनट पच्चीस सेकंड ट्रैक लिस्टिंग करे पहला गाना फिर और क्या चाहिए इस गाने को फर्स्ट सिंगल के तौर पे सारे गवा के द्वारा 16 मई 2023 को रिलीज किया था जिसको अरिजीत सिंह ने गाया हुआ था तेरे वास्ते गाने को 22 मई 2023 को सेकंड सिंगल के तौर पे सारे कमा म्यूज़िक के द्वारा रिलीज़ किया गया था जिसको वरुण जैन सचिन जिगर सदाफ़ फरीदी और तमाश फरीदी ने गाया हुआ था बेबी तुझे पाप लगेगा गाने को थर्ड सिंगल के तौर पर पच्चीस मई दो को ऑफिशियली रिलीज़ किया था जिसको हिमेश रेशमिया ने और सचिन जिगर ने गाया हुआ था वैसे वो गाना का, का, काफ़ी अच्छा चला था वहीं पर संजा सांझा करके जो गाना था उसको फोर्थ सिंगल के तौर पर उनतीस मई दो को संचा सचित टंडन और शिल्पा राव सचिद जिगर के साथ गवाते हुए रिलीज़ करवाया हुआ था तो इन सभी गानों को 2 जून 2023 तक पूरे एल्बम को रिलीज़ करवाया था वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में सारे गाँ के द्वारा ये सभी गाने वहाँ पर उनके यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में सुनने को मिल जाएंगे ये सभी गाने बॉक्स ऑफिस पे सॉरी ये सभी गाने काफ़ी चार्ट बस्टर हुए थे सभी गाने वर्क किए थे जिसके चलते फिल्म की इनिशियली जो बज नहीं थी वो आसानी से क्रिएट हो चुकी थी बाद में वर्ड ऑफ माउथ के चलते फिल्म काफ़ी बढ़िया तरीके से वर्क कर गई थी इस फिल्म की कहानी थी वो एक मिडिल क्लास फैमिली के ऊपर थी एक मिडिल क्लास हैप्पी फी मेरिड कपल था उसके ऊपर कहानी थी इन दो से इस कहानी को बेस किया हुआ था जहाँ पे एक गवर्नमेंट के प्रोग्राम के थ्रू इस एक अपना खुद का मकान लेना चाहते थे जिसके चलते वो एक डिवोर्स करना चाहते थे इन सभी चीज़ों के झमेलों में इस फिल्म की कहानी को बनाया हुआ है जहाँ पर एक अच्छा खासा फ़न का तड़का लगाया हुआ है साथ ही में एक सोशल मैसेज भी डिलीवर किया हुआ है क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से जो वर्ड ऑफ माउथ था वो काफ़ी अच्छा था जहाँ पे सारा अली खान विकी कौशल का, का काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस सराहा गया था दोनों की एक्टिंग की काफ़ी सराहना की गई थी स्टोरी लाइन फिल्म के लोगों को पसंद आई थी म्यूजिक डिपार्टमेंट में लिरिशीज थे गाने थे वो सभी चीज़ें फिल्म के लिए काफ़ी बढ़िया तरीके से वर्क कर जाती है सिनेमेटोग्राफी काफ़ी बढ़िया थी स्मॉल टाउन कपल की जो लाइफ थी उसको जिस तरह से दिखाया हुआ था वो काफ़ी बढ़िया नजर आता है डिरेक्टर लक्ष्मण उतेकर के द्वारा एक अच्छी फिल्म बनाई गई ओवरऑल एक डिसेंट फिल्म थी जो काफ़ी बढ़िया तरीके से लोगों को पसंद आएगी हिट करेगी कॉमेडी अच्छे थे बैकग्राउंड स्कोर अच्छा था फिल्म का एडिटिंग फिल्म की काफ़ी क्रिस्प की गई थी करीब दो घंटे के आसपास के रन टाइम के साथ इस फिल्म को बनाया हुआ था ने बेस्ट पॉसिबल वे में सभी चीजों को कवर करके दिखाया हुआ था लीड कास्ट के अलावा जो सपोर्टिंग एक्टर्स थे उनकी भी काफ़ी शानदार देखने को मिलती है ओवरऑल प्रोडक्शन भी फिल्म की काफी बढ़िया नजर आती है तो टेक्निकली भी वेल मेड बनी हुई फिल्म थी कहानी भी अच्छी थी और अच्छी परफॉर्मेंसिस भी देखने को मिली थी थिएट्रिकली इस फिल्म को दो जून दो को रिलीज किया था जब फिल्म को थिएट्रिकली रिलीज किया गया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से इस फिल्म ने एक अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स हासिल किया जिसके चलते चौदह हजार वोट इस फिल्म को आईमडी पे अभी तक मिले हुए जिसमें 6.4 चार की रेटिंग हासिल हुई है दस में से इस फिल्म ने अपने पहले दिन करीबन करीबन पाँच करोड़ पचास लाख का नेट कलेक्शन इंडिया से किया हुआ था सैटरडे के दिन उसमें करीबन थर्टी परसेंट से ज़्यादा का ग्रोथ देखने को मिला वर्ड ऑफ माउथ पॉजिटिव आया उसके चलते इस फिल्म ने सात करोड़ बीस लाख का कलेक्शन किया संडे के दिन और कुछ चालीस जितना ग्रोथ देखने को मिला सैटरडे के मुकाबले जिसके चलते नौ करोड़ नब्बे लाख का इस फिल्म ने नेट कलेक्शन इंडिया से किया जिसके चलते अपना पहला वीकेंड इंडिया में बाईस करोड़ उनसाठ लाख का नेट कलेक्शन निकाला हुआ था उसके बाद में वीकडेज में भी इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से होल्ड दिखाया मंडे के दिन चार करोड़ चौदह लाख का कलेक्शन किया ट्यूजडे के दिन तीन करोड़ सतासी लाख का कलेक्शन किया वेनस्डे के दिन तीन करोड़ इक्यावन लाख और थर्सडे के दिन तीन करोड़ चौबीस लाख का कलेक्शन करते हुए पहला वीक था इस फिल्म का करीबन करीबन सर सैंतीस करोड़ पैंतीस लाख का निकल के आया हुआ था उसके बाद में सेकंड वीकेंड में इस फिल्म ने फ्राइडे के दिन तीन करोड़ बयालीस लाख का सैटरडे के दिन पाँच करोड़ छिहत्तर लाख का और संडे के दिन सात करोड़ दो लाख का कलेक्शन करते हुए सेकंड वीकेंड सोलह करोड़ बीस लाख का निकाला हुआ था उसके बाद में वीकडेज़ के ऊपर इस फिल्म ने मंडे के दिन सात दो करोड़ सत्तर लाख का सेकंड ट्यूजडे के ऊपर दो करोड़ बावन लाख का सेकंड वेनस्डे के ऊपर दो करोड़ पच्चीस लाख और सेकंड थर्डी के ऊपर एक करोड़ अट्ठानवे लाख का कलेक्शन करते हुए सेकंड वीक पच्चीस करोड़ पैसठ लाख का निकाला हुआ था, था। तो टोटल दो वीक का कलेक्शन इस फिल्म का इंडिया से करीबन तिरसठ करोड़ का निकल के आया हुआ था थर्ड वीक में भी इस फिल्म ने एक डिसेंट अमाउंट ऑफ कलेक्शन किया था जहाँ पे फ्राइडे के दिन इस फिल्म ने एक करोड़ आठ लाख का कलेक्शन किया सैटरडे के दिन एक करोड़ उन्सी लाख का संडे के दिन दो करोड़ चौंतीस लाख का कलेक्शन करते हुए इस फिल्म ने थर्ड वीकेंड पाँच करोड़ इकतीस लाख का निकाला हुआ था उसके सामने इस फिल्म ने मंडे के दिन वीकडेज में एक करोड़ आठ लाख का ट्यूजडे के दिन नाइन्टी लाख का वेनजे के दिन एक करोड़ आठ लाख और थर्सडे के दिन एक करोड़ आठ लाख का कलेक्शन करते हुए थर्ड वीकेंड नौ करोड़ चौवन लाख का निकाला हुआ था जिसके चलते इस फिल्म ने तीन वीक के अंदर बहत्तर करोड़ चौवन लाख का इंडिया से नेट कलेक्शन करके दिखाया हुआ था उसके बाद में इस फिल्म ने चौथे फ्राइडे के ऊपर एक करोड़ पैंतीस लाख का कलेक्शन किया चौथे सैटरडे के ऊपर दो करोड़ पच्चीस लाख का कलेक्शन किया और संडे के ऊपर दो करोड़ अट्ठासी लाख का कलेक्शन करते हुए चौथा वीकेंड था और तीसरे वीकेंड से बेहतर निकला जहाँ पर तीसरा वीकेंड पाँच करोड़ इकतीस लाख का था चौथा वीकेंड छः करोड़ अड़तालीस लाख का निकल के आया था उसके बाद में वीकडेज में भी इस फिल्म ने बेहतर परफॉर्मेंस दिखाई मंडे के दिन नाइन्टी लाख का कलेक्शन ट्यूजडे के 90 लाख का कलेक्शन और का उसके बाद में फिल्म ने अपने वी वीकेंड में दो करोड़ तेरह लाख का कलेक्शन किया था और पूरे पाँचवें वी वीक में तीन करोड़ अड़तीस लाख का कलेक्शन किया था पाँच वीक के अंदर इस फिल्म ने करीबन करीबन बॉक्स ऑफिस पे पिचासी करोड़ इक्यानवे लाख का कलेक्शन इंडिया से निकाला हुआ था उसके बाद में इस फिल्म ने अपने छठे वीकेंड के ऊपर एक करोड़ बीस लाख का कलेक्शन किया जहाँ पे पूरा छठा वीक एक करोड़ चौवन लाख का था सातवें वीक में इस फिल्म ने पचपन लाख का कलेक्शन किया जिसके चलते ये फिल्म ने टोटल सात वीक के अंदर बॉक्स ऑफिस पे अट्ठासी करोड़ का नेट कलेक्शन इंडिया से निकाला हुआ था जिसका ग्रोस करे तो होता एक सौ करोड़ छिहत्तर लाख तो इंडिया का जो लाइफ टाइम ग्रोस कलेक्शन था फिल्म का वो करीबन एक करोड़ के आसपास का निकल के आया और सिर्फ से करीबन ग्यारह करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया जिसके चलते एक करोड़ से ज्यादा का इस फिल्म ने ग्रोस कलेक्शन किया बॉक्स ऑफिस पे तो चालीस करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने एक से बीस करोड़ का ग्रोस कलेक्शन करते हुए बॉक्स ऑफिस पे एक सक्सेसफुल का टेक मार्क हासिल किया वैसे इस फिल्म को थिएटर ली जैसे मैंने कहा कि दो जून दो को रिलीज किया था नाव डेज जिस तरह से फिल्में रिलीज़ हो रही है तो करीबन वन और टू मंथ्स के अंदर ओ टी टी पे प्रीमियर करवा दी जा सक जाती है लेकिन इस फिल्म को काफ़ी वेट करवाया था ऑलमोस्ट खरी करीबन करीबन थिएटरकल रिलीज़ के 11-12 महीने के बाद इस फिल्म को प्रीमियर करवाया गया जियो सिनेमा के द्वारा 17 मई 2024 को उनके ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर जहां पे उन्होंने इस फिल्म को काफ़ी सारी लैंग्वेज में डब करके रिलीज़ किया हुआ है हिंदी मेन लैंग्वेज तो शामिल ही था इसके अलावा तमिल कन्नड़ा तेलुगू मलयालम बंगाली मराठी और भोजपुरी तो इन सभी वर्ज़न में डब करके साथ ही में रिलीज़ किया हुआ है तो ये सभी वर्ज़न ऑफिशियली वहाँ पे अवेलेबल किए हुए हैं एक साथ में तो टोटल इस इस फिल्म को आठ वर्ज़न में अवेलेबल किया हुआ है जियो सिनेमा के द्वारा तो फिलहाल में ज़रा हट के ज़रा बच की फिल्म ऑफिशियली अगर आपको ऑफिशियली देखनी है तो ओ टी टी प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन हिंदी तमिल कन्नड़ा तेलगू मलयालम बंगाली मराठी और भोजपुरी वर्जन में देख सकते हो इस फिल्म का जो हिंदी सैटेलाइट वर्जन है वो आपको देखने को मिल जाएगा कलर सिनेप्लेक्स टेलीविज़न चैनल के ऊपर ज़रा जर बच हट के ज़रा बच के आ, हिंदी वर्जन में बिल्कुल फ्री में वहाँ पे प्रीमियर होता हुआ नज़र आएगा तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि ज़रा हट के ज़रा बच के फिल्म फ़िलहाल में अगर आपको ऑफिशियली ओ पे देखनी है तो जियो सिनेमा ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर हिंदी तमिल कन्नड़ा तेलगू मलयालम बंगाली मराठी भोजपुरी इन सभी वर्जन में आप देख सकते हो विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन वहीं पर इस फिल्म का हिंदी सेटेलाइट वर्जन आपको बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नज़र आएगा कलर सीनीप्लिक्स टेलीविजन चैनल के ऊपर तो वहाँ पे फिल्म हिंदी वर्जन में सेटेलाइट पे भी देख सकते हो तो इस तरह से ज़रा हट के ज़रा बच के फ़िल्म आप ओ टी दोनों प्लेटफॉर्म के ऊपर देख सकते हो तो बस गए ज़रा हट के ज़रा बच के फिल्म के ऊपर जो भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है जो पाते थे वो मैंने शेयर कर दिए इस फिल्म को किस तरह से कैसे क्या ऑफिशियली देख सकते हैं उसकी जानकारी दी हुई है फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर प्रॉपर डिटेलिंग और एनालिसिस करके दी हुई है फिल्म से जुड़े हुए अलग अलग एस्पेक्ट है वो भी मैंने शेयर किए हुए साथ ही में मैंने फिल्म का एक टीप रिव्यू कर दिया है तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक था आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया हुआ है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा थैंक यू